the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेगा सीजन इनविटेशनल पावर्ड बाय गेम डॉट टीवी। मेरा नाम है संजीव और यहां पर बात करना चाहूंगा, प्रसाद हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हर एक टीम आज यहां पर जितना भी जलवा बिखेर जाने वाले, बट प्रसाद हम लोग यही बोलेंगे, हम लोग पहले से ही सेट रहते हैं, लाइक हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाता है जैसे शेड्यूल यहां पर डलता है ना, कौन कौन सी टीम्स आज खेलने वाली, वो यहां पर रेडी हो जाते हैं। कमेंट्स के अंदर आप लोग देख सकते हो कितने सारे हैशटैग यहां पर लगाए जाते हैं, बट देखना होगा आज जैसा दोपहर को यहां पर टूर्नामेंट हमने देखा था क्या वैसा ही सेम होगा, देखेंगे यार। बिकॉज दोपहर में गाइस यहाँ पे बहुत तगड़ा टूर्नामेंट देखने को मिला, 1v2 1v3 क्लच 18 किल के साथ टीएसजी का बुआ यहाँ पे देखने को मिला था। तो गाइस देखेंगे इस बार इन सारे टूर्नामेंट्स में क्या क्या देखने को मिलता है। चलते हैं टीम लिस्ट की तरफ फटाफट संजीव, क्योंकि यार एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला नाम होने वाला फैन फेवरेट टीम टोटल गेमिंग यहाँ पे खेलने वाली हमारे साथ जुड़ेगी, इसी के साथ साथ टीएसजी आर्मी देखेंगे सबसे ज्यादा फैन फेवरेट टीम टोटल गेमिंग एंड टीएसजी आर्मी यहाँ पर कितना अच्छा मचा बाती। बट संजीव बात करें नेक्स्ट टीम की, तो 4 अननोन आज अपने जलवे दिखाने वाली, देखेंगे इनके साथ साथ यहां पे कौन कौन सी टीम डोमिनेट कर पाती है, साथ ही साथ यहां पे टीम एलिट यानी कि पहले 4 ही टीम कहीं ना कहीं डोमिनेशन का दूसरा नाम है। बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा गैलेक्सी ऐसे रह गया फुल ऑफ स्टडीज, यहाँ पर कोई भी फाइट को दूरा छोड़कर कभी भी ये टीम वापस नहीं हटती। एरो स्पोर्ट यहाँ पर देखना होगा कितने अच्छे स्नाइपर साथ यहाँ पर चलाए जाएंगे टीम ओपी। जी हाँ गाइस, हमको यहाँ पर देखने लिए मिलने वाला, देखना होगा इनका गेम प्ले आज कैसा यहाँ पर एनिवल सिक्स सेंस यहाँ पर कितना आगे तक बढ़ पाएगी, कितने जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे। टाइडेनियम गेमर देखना होगा इनके पास कितने पॉइंट्स निकल कर आ पाएंगे। यूजी एम्पायर हर वक्त यहाँ पर लगी रहती है सर्वाइव करने में, भूया निकालने में। 2B गेमर यहाँ पर हमको देखने में मिलने वाले, जी हाँ गाइस बात करूंगा सर्वाइवर्स 4AM भी यहाँ पर होने लिए। सारी की सारी टीम यहाँ पर एक मकसद से उतरे, ये जो युद्ध यहाँ पर चलने वाले कौन जीत कर जाएगा, कौन लास्ट तक इस लड़ाई में यहाँ पर जीतने वाले। तो गाइस मैं यहाँ पर एक ही बात बोलूंगा, जो हमारा मेगा सीजन इन्विटेशनल चल रहा है इसमें सारी वही टीम्स जो लगातार रेगुलर टूर्नामेंट जीतते हुए अभी तक आई हैं, तो उन टीम्स को यहाँ पर रखा गया है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं आपकी फेवरेट टीम बिल्कुल यहाँ पर रहने वाली है। जी बिल्कुल, तो आपको आपकी फेवरेट टीम पिक करनी है, उनके हैशटैग कमेंट सेक्शन में लगाने हैं, बिकॉज कमेंट सेक्शन आप ही का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए बनाया हुआ, जहां पर यार आप अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर सकते हो। तो गाइज बिल्कुल, चाहे कोई भी कलर के हार्ट स्पैम किए जाए, बट आपके टीम के नाम के साथ आप यहाँ पे कलरफुल हार्ट स्पैम कर दो, उनको मोटिवेट कर दो, शुरुआत से लेके अंत तक हर एक मैच हम साथ में देखेंगे। देखेंगे आज कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा जलवे बिखेरता है, M79 किसके हाथों में आएगा, क्या यहाँ टीम एलिट के आइकॉनिक ग्रेनेड से बिल्कुल धाराशाही करेंगे या फिर नहीं, या फिर कोई नया प्लेयर आता है जो अपनी बॉम्बार्डिंग से बाकी सारे प्लेयर्स को बिल्कुल धाराशाही करता है। गाइस नए यहां पे स्ट्रेटजीज देखने को मिलने वाले, बट आपको अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करना है, देखते हैं आपसे आज यहाँ पर सपोर्ट कितना ज्यादा तगड़ा देखने को मिलता है। बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो गाइस चलते हैं एक बार मैप्स एंड फॉर्मेट की तरफ, देख लेते हैं आज के मैप्स हमें यहाँ पर कैसे देखने को मिलने वाले। जी हाँ बात करूंगा गाइस, सबसे पहले मैप के बरमूडा मैप हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वेल नोन मैप रहेगा, हर एक टीम के पास एक्सपीरियंस बिल्कुल इस मैप को लेकर रहने वाला। परगेटरी मैप सेकंड मैच होने वाला, सेकंड मैप हमें देखने को मिलेगा, सेकंड मैच के साथ साथ देखना होगा इसमें रोटेशंस कैसे होंगे, बहुत लंबे रोटेशंस लिए जाएंगे, अच्छी लूट यहाँ पर हमको देखने मिलती है। बट कालाहारी मैप यहाँ पर होने वाला, अनबिलीवेबल मैप रहेगा, कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर कभी भी कमाल का हमें देखने को मिल सकता है, क्या पता कोई प्लेयर उड़ता हुआ आ जाए। हमारे जो मैप्स है गाइस रिपीट होते हुए नजर आ जाएंगे, बरमूडा परगेटरी कालाहारी, तो टोटल 6 मैचेस यहाँ पर होने वाले हैं। गाइस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ आज का जो प्राइस पूल है वो 15,000 रुपीज का होने वाला है, यानी कि जो भी टीम जीतेगी फर्स्ट आएगी उसको मिलेगा 6,000 रुपीज का प्राइस पूल, सेकंड को मिलेगा 4,000, थर्ड को मिलेगा 3,000, फोर्थ को मिलेगा 2,000 रुपीज। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं आसान नहीं रही है ये लड़ाई, अगर जीतना है तो बहुत मुश्किल होने वाला। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगा, इस कैरी मिनाडी गिल पर अभी टूर्नामेंट चल रहा है, आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेगा। मैं बोलना चाहूंगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, गिल्ड का लिंक भी है कैरी मिनाडी एंड टूर्नामेंट का लिंक भी एंड चैट सेक्शन में पिन भी करके रखा। और साथ ही बोलना चाहूंगा जो भी टीम इस मंडे को ये टूर्नामेंट होने वाला, जो भी टीम जीतेगी उसको स्पेशल शाउट आउट मिलने वाला है कैरी मिनाडी की तरफ से। जी बिल्कुल, तो गाइज अगर आप अपनी टीम का शाउट आउट कैरी मिनाडी की तरफ से चाहते हो, ढेर सारे प्राइजेस जीतना चाहते हो, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में एंड बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जो भी हम लिंक पिन कर रहे हैं गाइज उसके ऊपर से आप सिंगल क्लिक एंड बिल्कुल हिस्सा बन जाओगे कैरी मिनाडी के गिल्ड का, फटाक से ज्वाइन कीजिएगा, फटाक से रजिस्टर कीजिएगा एंड जी हाँ आप अपना तगड़ा गेम प्ले दिखा के बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो। देखेंगे आज यहाँ पे आज के टूर्नामेंट में कितना अच्छा गेम प्ले देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पे कहना कि यार फैन सुपर चैट देते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। संजीव फिलहाल मैं एक टीम की जरूर बात करना चाहूंगा, जितने भी 12 टीम के नाम हमने देखे सारे के सारे डोमिनेशन है, यानी कि आज का टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ डोमिनेशन देखने को मिलेगा। बट चाहे बुया लो चाहे ना लो, सुबह का टूर्नामेंट मुझे याद आ रहा है 4 रन पहले 5 मैच बुया नहीं ली थी तब भी टॉप 3 में रही थी, यानी कि यार साइलेंटली मूव करते तो 4 रन से यहाँ पे थोड़ा सा बाकी सारे टीम्स को बचना होगा।
बिल्कुल बचना होगा। यहाँ पर एक सुपर चैट आया फ्री फायर लवर की तरफ से, तो गाइस यहाँ पर टीम एलीट का सपोर्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो देखना होगा गाइस आप लोग कितना सपोर्ट यहाँ पर करते हैं। गाइस आपको क्या करना है, साथ साथ लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर यहाँ पर सेट करना है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के ऊपर बुला के लेकर आपकी फेवरेट टीम यहाँ पर आने वाले। सबसे पहले बात करूंगा सेंटोसा, चार टीम्स का घर यहाँ पर बनने वाला है, कौन अपने घर को संभाल कर रख पाएगा, देखना होगा ये चार टीम्स कैसे यहाँ पर लूट करने वाली, कितने यहाँ पर पॉसिबल फाइट्स हो पाएंगे, किसके पास कितने किल्स यहाँ पर निकल कर आ पाएंगे। हर एक टीम बलशाली यहाँ पर रहने वाली है गाइस, एंड कैमरा सबसे पहले सेंटोसा की तरफ लेकर चलना चाहेंगे, देखना होगा ये जो लड़ाइयां यहाँ पर चल रही है कौन इसमें विजय प्राप्त करेगा। टोटल गेमिंग से कैप्टन को यहाँ पर स्कोर दिया गया, एंड डिलीट यहाँ पर आगे की तरफ जाएंगे, क्या ऑफिशियल फिनिश अप कर पाएंगे, जी देखते देखते यहाँ पर गोलियां बिल्कुल चला जाएगी, नॉक यहाँ पर निकल आयुष को, माफ किया कोई गलती नहीं करेंगे, यूजीएम पैट से गोल प्लेयर आयुष को नॉक करके रखा जाएगा, फिनिश अप करते दो केस यहाँ पर निकाली जाएगी, बड़ा माफिया इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस जाएंगे, नॉकिया पर निकाल पाएंगे। जिया यूजी अंपायरों की पहली टीम जो मेट्रो को जाते हुए नजर आने वाले, जिया गाइस बहुत ही शानदार गेम प्ले यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो गाइस सपोर्ट दिखाइए हैशटैग टोटल गेमिंग लाइक टेक का, तो एक साथ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, दिल थाम के भी बैठे रहेगा गाइस, बिकॉज टोटल गेमिंग के 2+ लाइव है, 3 किल्स खाते में एक और टीम बिल्कुल इनके साथ ग्राउंड शेयर कर रही है, एरिया होने वाला सेंटोसा का, हाई टियर जोन की लूट करने के लिए यूजी एम्पायर यही उतरी थी। बात की जाए टोटल गेमिंग की तो स्ट्रेटेजी में बदलाव, मील इनका फेवरेट प्लेस होता है, बट सेंटोसा इस बार चूज किया गया यूजी के साथ ग्राउंड शेयर किया गया, उनको बैक टू लॉबी भेजा गया, टीम अनहेल्दी हो चुकी है, डिलीट एंड बाला दो ही प्लेयर्स पे बचो, कुछ भी हो सकता है, एंड सेंटोसा का ये एरिया यहां पे यार देखेंगे हाई टियर जोन के ऊपर और भी दो टीम नई नजर आ रही है, उनके बीच में क्या चल रहा है, टोटल गेमिंग के ये दो शेयर बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी टीम के लिए एक अच्छी कमांड संभालेंगे एंड प्लेसमेंट पॉइंट्स दिलाने की कोशिश करेंगे, बट 2v यहां पे मौजूद है, लूट करने की कोशिश कर रही है, इनके बहुत ही ज्यादा करीब एक टीम यहां पे सर्वाइव कर रही है। बात की जाए गाइस 2v के किल मैटर की, तो एक किल खाते में यानी कि सामने जो भी टीम है वो अनहेल्दी नजर आ रही है, देखेंगे इस बार यहां पे टीम ओपी बिल्कुल सामने होने वाली है, 2v वर्सेस टीम ओपी, सेंटोसा का एरिया क्या यहां पे 2v गेमिंग बैक टू लॉबी भेज पाएगी, बट गाइस आपको यहां पे बिल्कुल सपोर्ट करते रहना होगा, अपनी फेवरेट टीम के हैशटैग यहां पे लगाने होंगे, हम देख पा रहे हैं यहां पे कहना कि दिल से एलिट अंगिरा भाई लगा रहे हैं, बात की जाए तो ब्लू हार्ट्स यहां पे बिल्कुल और भी ज्यादा खूबसूरती बढ़ा रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन की, तो गाइस ऐसा ही सपोर्ट बना के रहेगा, टाइटेनियम के पास चलते हैं, क्लॉक टावर पे उतरते हैं, एक टीम यहां पे हमेशा रहती है एरो, इस बार उनके साथ ग्राउंड शेयर करेगी, देखेंगे संजीव हर एक टूर्नामेंट में टाइटेनियम को हमने बहुत अच्छे खासे किल्स उठाकर भूया लेते हुए देखा है, इस बार सीधा एरो के साथ पंगा लेंगे, वो भी अर्ली फाइट में देखेंगे, इस बार यहां पे डोमिनेशन कौन सी टीम कर पाएगी, बिकॉज एक तरफ एरो की टीम 4+ अलाइव, दूसरी तरफ टाइटेनियम की टीम 3+ मौजूद, जी बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा एरो ईस्पोर्ट हमको नजर आने वाले, जी अगर स्टीडो आयो स्पाइडर एंड गब्बर यहाँ पर क्या यहाँ पर बोलने वाले प्लेयर्स है, देखना होगा गब्बर का सामना क्या कुछ यहाँ पर करेगा, जिस भी एरिया पे उतरेंगे, लाइक क्लॉक टावर है तो बाकी को टीम्स को संभालना होगा, क्योंकि गब्बर आ जाएगा इधर कुछ भी हो सकता है, क्या वो खेल से निकाल पाएंगे, जी अगर 11 टीम्स अलाइव रहेंगे, 40 प्लेयर्स हमको देखने लिए मिलने वाले, आपके कमेंट्स गाइस आप लोगों को एक चीज जरूर यहाँ पर ट्राई करना है, शायराना अंदाज में कमेंट्स कीजिए, जैसे दोपहर को यहाँ पर कर रहे थे आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर किया था, मैं एक हर एक कमेंट यहाँ पर रीड आउट जरूर करूंगा, एंड गाइस आपको करना क्या है, साथ साथ लाइक भी करना, स्ट्रीम को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर यहाँ पर सेट करें, गाइस जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, हमारा लाइक टारगेट इस मैच के अंदर अंदर यहां पर होने वाला 13,000 लाइक्स का, तो जल्दी से जल्दी आपको लाइक करना है गाइस, 13,000 लाइक्स के हम लोग ये मैच खत्म होते होते कंप्लीट यहां पर कर पाएंगे, तो गाइस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, देखना होगा टाइटेनियम फिलहाल एक्स पूपी को यहां पर फिनिश ऑफ कर दिया गया, खो दिया गया है, एंड ये टीम कितना अच्छा सर्वाइव कर पाएगी, क्या एरो कोई भी मौका यहाँ पर नहीं देने वाली, कितना रोटेशन यहाँ पर लिए जाने वाले, थिंक वेपन अच्छे खासे रहेंगे, डबल बैरल है, मैं यहाँ पर हर एक वेपन की तारीफ करूंगा, बट 2v गेमर आई थिंक सेंटोसा पर टीम ओपी के साथ फाइट इनकी जारी रहने वाली, जी गाइस अगर मैं बात करता हूं तो दोनों ही टीम्स थोड़ा सा मिड रेंज में फाइट लेना पसंद करेंगे, कोई भी गलती यहां पर नहीं करना चाहेंगे, शॉर्ट रेंज में नुकसान रहता है कि एक टीम एलिमिनेट हो गई तो बिल्कुल उनको नुकसान यहां पर झेलना पड़ सकता है, सेफ गेम प्ले यहां पर दिखाना होगा, एंड गाइस यहां पर राहुल को खो दिया गया निक्कू, एंड यहां पर ट्रिगर को देखना होगा, अंश यहां पर रहने वाले, आई थिंक कितना अच्छा गेम प्ले इनके पास निकल कर आने वाले, कितने पॉइंट्स लोग यहां पर लेकर जाने वाले, इसी के साथ साथ थोड़ा सा रोटेशन लेना होगा, थोड़े से मुश्किलें यहां पर जाने वाले, बट कहने के हम लोग बाकी टीम्स को भी यहां पर देखना चाहेंगे, तो गाइस चलते हैं टीम एलीट टोटल गेमिंग 4 अननोन कैसा गेम प्ले आज यहां पर दिखा पाएंगे, जी हां गाइस टीम एलीट के पास हम लोग आज के RDP आइकॉनिक पहाड़ी किलर ये टीम उतरती है केप टाउन के ऊपर, इनके पास अच्छी लूट रहती है, येलो टोकन कलेक्ट किए जाते हैं जिससे ये लोग अच्छे से अच्छे वेपन्स यहाँ पर ले पाए, डबल स्नाइपर्स पहाड़ी को पकड़ाए जा सके, उसके बाद नेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एंड आइकॉन एक चीज में बहुत ही ज्यादा माहिर है, किंग कहलाएंगे, एंड कितने नेट्स यहाँ पर उनके पास आएंगे, कितनी अच्छी फाइट्स रहने वाली, बट आई थिंक क्लॉक टावर के ऊपर कुछ अलग फाइट्स हमको देखने के लिए मिले, फिनिश ऑफ किया जाएगा एरो आयुष,
3v3 की फाइट कन्वर्ट कर ली है। देखना होगा इस यहाँ से कौन कितने ऊपर तक बढ़कर जाने वाले। जी हाँ गाइस, बहुत शानदार फाइट्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। टाइटेनियम वर्सेस एरो स्पोर्ट, कौन जीत कर जाएगा, कौन नहीं जीत पाएगा, हर एक चीज यहाँ पर आज देखने के लिए मिलेगा। गाइस जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, यहाँ पर बुला कर आज हमें 30,000 की वॉचिंग यहाँ पर कैसे भी करके क्रॉस करनी है। जी बिल्कुल, फिलहाल बात की जाए पुनीत की तो M14 के साथ बिल्कुल रेडी है, सामने होने वाली M60 पैराफल, बिल्कुल हर एक वेपन एरो के पास है, बस पोजीशन जिसके पास है वो डोमिनेट करेगा। बात की जाए नोनू की तो M14 के साथ पंगा लेने की कोशिश करें, इनके सामने एरो के दो प्लेयर्स होने वाले हैं, लेफ्ट साइड से अकेले प्लेयर यहाँ पे स्पाइडर जो है वो फ्लैंक करने की कोशिश करें, उनका फ्लैंक रोकना होगा। अगर टाइटेनियम को इस फाइट में जीत हासिल करनी है तो राइट साइड के दो प्लेयर्स को अगर यहाँ पे नोनू नॉक कर देते हैं, कमाल की जीत टाइटेनियम की तरफ देखने को मिलेगी। तीनों प्लेयर्स को अलाइव रखा जाएगा, अगर बुया लेना है तो यहां पर जीत तीनों प्लेयर्स को अलाइव रखकर करनी चाहिए। फिलहाल एक प्लेयर नॉक करने में कामयाबी हासिल, बागे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहां पे एरो के ऊपर चढ़कर खेलने की कोशिश टाइटेनियम कर रहे हैं। गाइस 3v2 का बैटल अब एरो को पिक करना होगा, एक तरफ यहां पे एरो के T2 होने वाले, दूसरी तरफ एरो के स्पाइडर होने वाले, तीनों के तीनों प्लेयर्स टाइटेनियम की तरफ से बिल्कुल यहां पे तैनात है, तैयार है। AK-47 स्पाइडर लेके आगे बढ़ते हैं, अगर फ्लैंकर को नॉक करते तो बिल्कुल यहां पे एरो भी अपने खाते में ये पोजीशन छोड़ सकते हैं। फिलहाल दो प्लेयर्स क्या यहां से रिट्रीट करेंगे या फिर 2v3 फाइट पिक करेंगे, बट गाइस आपको यहां पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहना चाहिए, कमेंट सेक्शन में चाहे हार्ट स्पैम करो चाहे आपके फेवरेट टीम के नाम स्पैम करो, बस सपोर्ट यहां पे दिखना चाहिए। एंड फैन फेवरेट टीम टीम एलिट यहां पर बिल्कुल एक फाइट में इन्वॉल्व हो जाएगी, देखेंगे इस बार यहां पे टीम एलिट के घर में ही घुसकर मारने की कोशिश करेंगे। जी हां, घर से बाहर निकाला जाएगा, एक प्लेयर को नॉक करके रखा, दूसरा प्लेयर यहां पे स्पॉट है, देखते-देखते तीन प्लस खेल कंफर्म करके 11वें स्थान के ऊपर टीम ओपी को बैक टू लॉबी भेजा गया। केप टाउन का एरिया क्लियर है, टीम एलिट चारों प्लेयर्स अलाइव है, डबल किल आइकॉनिक ने अपने खाते में जोड़े। सुबह इस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए स्पैम चल रहा था कि बिल्कुल आइकॉनिक हर एक गन स्किन में, बिल्कुल मतलब हर एक कोई भी गन इनके हाथों में दे दो गाइस, हर एक गन को यहां पे बहुत अच्छे तरीके से चला पाते हैं। जी हां, ऑलराउंडर प्लेयर अपनी टीम की तरफ से, फिलहाल गैलेक्सी रेसर्स की फाइट देखेंगे, जीरो किल खाते में, ग्लू वॉल डालकर खुद को यहां पे बचाया जा रहा है। राधे ठाकुर की ग्रेनेड क्या यहां पे 4 रन उनको धराशय करेंगे, ग्रेनेड जाएगा डेड सोल, एंड गेम लीडर यहां पे क्रोनोशील एक्टिवेट करेंगे। एंड जी हां बिल्कुल, अपने क्रोनोशील की मदद से हर एक को यहां पे कहने के टेंपरेरी रिकवर दिया जाएगा। देखेंगे संजय वर्स बार गैलेक्सी रेसर्स एंड 4 रन, कौन सी टीम सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है इस पहले मैच में। बिल्कुल गाइस, देखना होगा फाइट्स यहां पर होने वाली, गैलेक्सी रेसर आई थिंक डैमेज यहां पर करते हमको नजर आने वाले, सामने हो जाने वाली 4 अननोन, एक तरफ एरो स्पोर्ट को बैक टू लॉबी का रास्ता। जी हां गाइस, दिखा देंगे नेट से आप राधे ठाकुर के पास रहने वाले, क्या वो थ्रो करके कोई नॉक यहां पर निकाल पाएंगे, वॉच को तोड़ा जाएगा एंड प्लेयर को पकड़ने की कोशिश यहां पर थोड़ी सी नाकाम रहने वाली। राधे ठाकुर एक और नेट यहां पर थ्रो करते नजर आने, क्या वो कनेक्ट हो पाएगा, क्या कोई नॉक निकल पाएगा, आई थिंक देखना होगा, डेड सोलो यहां पर नॉक देंगे, फिनिश ऑफ यहां पर कर देगा, पहला किल गैलेक्सी रेसर पर निकालते हैं। जी हां गाइस, पहले एक सीजन में दो प्लेयर्स का एक साथ रश के ऊपर करने वाले हैं, यहां पर नॉक निकाल कर रखा जाए कुणाल छे यार, कोई भी मौका यहाँ पर नहीं देना चाहिए। वीआर से आगे बढ़ते हुए तो आने वाले बढ़े, देखते ही देखते दो किल्स यहाँ पर निकाल जाए, क्या मैनेज को रिवाइव देने, क्या पॉसिबल यहाँ पर रहेगा, डैमेज देने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। कुणाल छे यार सामने क्या सामना कर पाएंगे, वीआरसी का ट्राई यहाँ पर बहुत अच्छे से किया जा रहा है, बट यहाँ पर मैरियस को फिनिश ऑफ कर देगा, देखना होगा कौन कितने किल्स यहाँ पर लेकर जाने वाला। आगे बढ़ेंगे वास यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, देखना होगा मेडिकेट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, आगे बढ़ना कितना ज्यादा पॉसिबल यहाँ पर रहने वाले, क्या वो रश करके नॉक निकाल पाएंगे, क्या वो ट्राई कर पाएंगे, लूट यहाँ पर करने के लिए आगे गए तो बट 4 अननोन, आई थिंक सिर्फ दो ही प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहने वाले। गाइस क्या लगता है पर क्या कुछ पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं होने वाला, बट गाइस आपको यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल यहाँ पर करते रहना, और साथ ही साथ कैरी मिनाटी का जो टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा है गिल्ड ज्वाइन करने लिंक डिस्क्रिप्शन में, टूर्नामेंट के लिंक भी है गाइस, फटाफट से जाइए और ज्वाइन करें, बहुत सारा प्राइस पूल आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर एक और नॉक निकाला जाएगा, राधे ठाकुर कोई भी मौका नहीं देने वाले, एक और किल क्या कंफर्म कर पाएंगे, घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही, भूकंप पर यहाँ पर क्या नॉक निकाल पाएंगे, वाशो अचिन यहाँ पर गलती हो जाएगी छोटी, आई थिंक वॉल लगानी चाहिए, देखना होगा ये प्लेयर क्या उनके प्लेयर सिवाय यहाँ पर दे पाए, क्या कोई मौका यहाँ पर रहने वाले, एक नॉक यहाँ पर निकल जाएगा, बहुत ही शानदार हेडशॉट यहाँ पर लगाते हैं, साथ ही साथ वाशो को रिवाइव मिला, आई थिंक मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, एंड लास्ट प्लेयर के यहाँ पर बच के निकल पाएंगे, ट्राई उनको करना पड़ेगा, देखते ही देखते यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी, 4 अननोन को 9th पोजीशन के ऊपर बैक टू लॉबी का रास्ता यहाँ पर दिखलाया जाएगा। और साथ ही साथ कमेंट्स गाइस मैं आपके यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा, रेड ड्रैगन की तरफ से कमेंट आया, राशि होया कोकिला मोदी टोटल गेमिंग है हमेशा ओपी, तो गाइस बहुत ही शानदार कमेंट्स हमको यहाँ पर देखने मिलने वाले। एक और कमेंट पढ़ूंगा, मिस्टर हरदीप की तरफ से आया है, बोलते हैं पानीपुरी में पानी कम है, हमारी टोटल गेमिंग में पूरा दम है, तो क्या अपने साथ पानीपुरी खाकर आयो?
देखेंगे यार, आज जरूर खाएंगे, बट देखेंगे हम दम भी टोटल गेमिंग का कितना ज्यादा मचा था। फिलहाल देखेंगे गाइस, सारी की सारी टीम दमदार जरूर है, बट फिलहाल गैलेक्सी रेसर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। 4 रन उनके साथ पंगा लिया उस फाइट से, वो अनहेल्दी हो चुके, 2 ही प्लेयर्स अलाइव है एंड एक नई टीम की एंट्री उस एरिया में होने वाली है जहां पर गैलेक्सी रेसर्स अनहेल्दी हुई थी। देखेंगे इस बार यहाँ पे कितना अच्छा मचाएंगे हमारे टीएजी की टीम, बिकॉज हर एक फैन फेवरेट टीम यहाँ पे कहीं ना कहीं मचाने वाले। बट गाइस आपको भी मचाना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहेगा। फिलहाल नीचे एक थम्स अप वाला बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। मोटिवेट करने के लिए आप अपने टीम के नामों के हैशटैग कमेंट सेक्शन में लगा सकते हो, यानी हर एक टूर्नामेंट के नोटिफिकेशन पाने तो बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन को ऑल पे सेट करके रहेगा। टीएजी का चारों के चारों टीम्स का एक कारवा आगे बढ़ते हैं। जी हां गाइस, एक टीम यहां पे सामने होने वाली है, सब की टीम को कभी भी पकड़ा जा सकता है, ओपन एरिया में पनिश ऑफ किया जा सकता है। फुल फेकर के 2 शॉट्स यहां पे रिकॉइल हो जाएंगे, अगर हल्का सा हेडशॉट यहाँ पे कनेक्ट होता तो बिल्कुल एक नॉक देखने को मिलता। देखेंगे इस बार ओजस भी क्या वुड पिकर के साथ नॉक निकाल पाएंगे या फिर लेजेंड को। सबसे पहले ट्रेड फायर में नॉक किया गया, लेजेंड को बचाना संभव जरूर है, बट क्या यहाँ पे डोमिनेट किया जा सकता है सर्वाइवर्स को। टीएजी वर्सेस सर्वाइवर्स एरिया होने वाला गाइस पिक का, एंड देखेंगे इस बार यहाँ पे कौन सी टीम डोमिनेट करेगी किस टीम को। फिलहाल बात किया जाए तो एसआरबी वर्सेस टीएजी यहाँ पे चलता हुआ, 1 किल टीएजी के खाते में जरूर, खाता इनका खुल चुका है, बट देखेंगे बच्चों 3 प्लेयर्स क्या यहाँ पे रिवेंज लेंगे इसी मैच में या फिर नेक्स्ट मैप में कोई ना कोई मौका ढूंढा जाएगा। फिलहाल पे बात किया जो ओजस्वी लेजेंड विहान आयुष सारे के सारे प्लेयर बिल्कुल रेडी होने वाले हैं सर्वाइवर्स के हर एक मुकाबले का जवाब देने के लिए। फिलहाल एक ग्रेनेड यहां पे जाएगा, यश को अगर कनेक्ट होता तो हल्का सा 15 सा डैमेज यहां पे मिल जाएगा, बट सफिशिएंट डैमेज नहीं था ताकि यहां पर नॉक निकाल सके। क्या लगता है संजीव, इस बार 2 टीम में पंगा जरूर चल रहा है, बट तीसरी टीम बहुत करीब से इस पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। देखेंगे सर्वाइवर्स टीएजी या फिर कोई नए मेहमान आके इस पार्टी का रुख बदल देते हैं। बिल्कुल वो रुख बदलेंगे या फिर नहीं बदलेंगे देखेंगे। बट गाइस एक और कमेंट आया आपकी तरफ से, अजय अरोड़ा पर बोलते हैं कि यार पूछा जा रहा है बेस्ट गन कौन सी रहेगी, वुडपैकर, ड्रैगनो और एसके। सो गाइस मैं आपको सलाह दूंगा, आप लोग वुडपैकर के साथ जाना पसंद करो, क्योंकि एसके और ड्रैगनो की जो गोलियां ना वो मिस हो जाती है, बट वुडपैकर की गोलियां मिस नहीं होंगी। तो गाइस आप लोग एक अच्छा गेम प्ले यहां पर दिखला सकते हैं वुडपैकर के इस्तेमाल करके, बट देखते होगा टीएसजी यहां पर 5 मिनट वाले थे सर्वाइवर्स, या कौन किसका नॉक यहां पर निकालने वाले, पहला किल यहां पर सेट करके देखा जाएगा। टीएसजी यहां पर आगे बढ़ी, क्या कौन नॉक निकालना संभव यहां पर होने वाला, वो माय गॉड यहां पर जस्ट आई थिंक नॉक हो जाएंगे। देखते देखते किल भी कंफर्म कर लीजिएगा, और यहां पर क्या एक और नॉक निकालना संभव रहेगा, लेजेंड यहां पर ट्राई करेंगे बहुत ही ज्यादा लो करके यहां पर प्ले को रखा जाए, क्या वो आगे बढ़ेंगे, रश करना क्या इतना आसान रहने वाला, अगर थिंक वॉल तोड़ते हैं तो ज्यादा एडवांटेज उनको यहाँ पर मिल पाएगा। देख रहे हो क्या ये प्लेयर मेडिकल से अगर अपने आपको हील अप कर पाएंगे, सी के साथ गोलियां बिल्कुल यहाँ पर चलाए जाएंगे, इस प्लेयर के लिए मुसीबत यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगे। टीएसजी के पीछे कॉटी बांधने वाली, क्या लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए कोई भी मौका यहाँ पर छोड़ा जाएगा या फिर नहीं छोड़ा जाने वाला। बट गाइस अपने लाइट टारगेट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, कॉल लाइट टारगेट वीआरसी यहाँ पर बचाएंगे, हेडशॉट के साथ स्वागत किया जाएगा, आयुष यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे, गैलेक्सी रेसर 5 किल्स यहाँ पर निकालते हैं, लेजेंड को भी नॉक करके निकल जाएगा, फिनिश ऑफ करेंगे 6 किल्स यहाँ पर निकालते हैं। वीआरसी एंड राधे ठाकुर दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पर मचाते हुए नजर आएंगे, 23 प्लेयर्स लाइव रहने वाले, जी हां देखना होगा क्या गौर किल निकाल पाएंगे। टीएस यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए नजर आ जाएंगे, आई थिंक वीआरसी एक छोटी सी गलती बहुत ही ज्यादा डैमेज यहाँ पर खा जाएंगे, यानी कि अपने आपको पैक करते नजर आने वाले, क्या यहाँ पर रश होने वाले या फिर नहीं होने वाले, बिल्कुल ट्राई करेंगे आगे, जंप एंड शूट की कोशिश यहाँ पर की जाने वाली, वीआरसी आई थिंक थोड़ा सा ट्रबल में हो सकते हैं, अगर मेडिकेट नहीं लगाए तो बिल्कुल प्रेशर यहाँ पर बना जाएगा, आगे बढ़ेगी क्या वो पकड़ पाएंगे, ट्राई यहाँ पर किया जा रहा, हाफ हेल्थ यहाँ पर लेकर जाएंगे, फाइनली टीएसजी आर्मी को बैक टू लॉबी का रास्ता, एंड वीआरसी यहाँ पर देंगे रिवाइव अपने प्लेयर्स को। गाइस आपको क्या करना है, अगला लाइक टारगेट यहां पर होने वाला 15,000 लाइक्स, तो जल्दी से जल्दी लाइक कंप्लीट कीजिए क्योंकि टीम लीड यहां पर मचाएगी। जी बिल्कुल, बट मचाते यहां पे आरडीपी ट्रेड फायर में नॉक हो जाएंगे, देखेंगे इस बार यहां पे M79 कितना ज्यादा काम करता है, पहाड़ी स्नाइपर के साथ कितने ज्यादा नॉक निकाल पाते हैं। फिलहाल यहां पे क्रोनो शील्ड एक्टिवेट करी गई है, बात की जाए यहां पे तो स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, आइकॉनिक पहाड़ी टीम लीड की कमान संभाल रहा है, किलर को रिवाइव देना क्या संभव रहेगा यहां पर, बट बात की जाए आइकॉनिक की तो बिल्कुल यहां पे 1v2 1v3 क्लच करके बिल्कुल किलर को यहां पे रिवाइव देने का मौका ढूंढ लेंगे, बट बाहर पहाड़ी टाइम बाय करते हुए नॉक हो जाएंगे, धाराशाही हो जाएंगे, उनको रिवाइव दे पाएंगे या फिर आइकॉनिक किलर दोनों को खुद को हिलअप करना होगा। फिर से एक बार तैयार होना होगा, पहाड़ी को रिवाइव देने के लिए आ चुके हैं सेवियर आइकॉनिक, बट एक ग्रेनेड आएगा एंड कहीं ना कहीं यहां पे धमाके धमाके नजर आ रहे हैं। चिया गाइस ऐसी प्रभावशाली टीमों को अगर वाइप आउट करना है तो धमाकों के बिना काम नहीं चलने वाला, ग्रेनेड्स चायल 79 ब्रह्मास्त्र आपको साथ में लेने होंगे, कमाल का व्यू, एक तरफ M79 करके गया तो मैं दूसरी तरफ पहाड़ी के हाथों में स्नाइपर एंड मैक्स 7, देखेंगे इस बार यहां पे
कितना अच्छा गेम ले दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे पहाड़ी को पता चला हम कम हो चुके हैं, वैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेटजीज में बदलाव लाया जा रहा है। जी हाँ, सिंगल स्नाइपर एंड शॉर्ट रेंज वेपन हाथों में रखा जा रहा है। देखेंगे इस बार यहाँ पे शॉर्ट रेंज फाइट पहाड़ी किस प्रकार से लेंगे। 7 मेडिकेट्स, 12 ग्लू वॉल विद नो ग्रेनेड्स, बट दो प्लेयर्स अलाइव एक तरफ करके विद M79, दूसरी तरफ पहाड़ी। देखेंगे इस बार यहाँ पे M79 धमाके मचाएगा या फिर आइकॉनिक के ग्रेनेड्स करकी को धाराशाही करेंगे। फिलहाल अकेले प्लेयर सोलो सर्वाइवर 1v2 क्लच यहाँ पे क्या निकाल पाएंगे या फिर ने बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पे सामने। टीम यूनिट के दो शेर यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सर्कल में भी जाना है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर यहाँ पे होने वाला है। क्या लगता है गाइस यहाँ पे करके आगे बढ़ेंगे या फिर ने फिलहाल 2v के 3 किल्स खाते में एंड अकेले प्लेयर सोलो सर्वाइव कर रहे हैं। क्या लगता है संजय, इस बार टीम यूनिट को इस प्लेयर को खत्म भी करना है एंड सर्कल का पोजिशन भी लेना है। बिल्कुल, पर कैरी मिनाटी जैसा लग रहा है। तो गाइस बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक कैरी मिनाटी का गेट ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टूर्नामेंट का ज्वाइन करो। क्या कर रहा है आपका इतना सारा प्राइस पूल आपका इंतजार कर रहा है। मंडे को होने वाला टूर्नामेंट, जो भी टीम जीतेगी उसको स्पेशल शाउट आउट मिलेगा कैरी मिनाटी की तरफ से। तो देर बिल्कुल भी नहीं करने का, इस लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैट में पिन करके रखा। बट यहाँ पर बात करना चाहेंगे टोटल गेमिंग, जी हाँ, डिलीट एंड बाला 4 किल शॉट यहाँ पर निकाल करके जाएंगे, एक और 9 के ऊपर निकलते हैं, क्या डिलीट कंफर्म करेंगे, जी हाँ, एक और किल निकलते हैं 6 किल से सीआरएक्स जीवन के ऊपर। बैक टू लॉबी का रास्ता दिखाया जाएगा, देखना होगा कितने ऊपर तक टोटल गेमिंग यहाँ पर जा पाई, गैलेक्सी रेसर कितने देर तक यहाँ पर टिकने वाले, हर एक टीम के ऊपर हमारी नजरें बनी रहेगी। बट टाइटेनियम GXR को भी दे देंगे रास्ता, CM यहाँ पर कोई मौका नहीं देंगे। ओ माय गॉड, बाला यहाँ पर नॉक निकलते, क्या वो किल को कंफर्म कर पाएंगे, ट्राई करेंगे वॉस तोड़ने अगेंस्ट सी के साथ। गाइस आपके जितने भी कमेंट्स यहाँ पर आने वाले, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला। जी गाइस एक कमेंट यहाँ पर आया है मोहम्मद अब्दुल गफ्फार की तरफ से, बोलते हैं चॉकलेट खरीदो तो सस्ती नहीं एंड टोटल गेमिंग से मस्ती नहीं। तो गाइस ऐसे ही शायरन अंदाज में आपको कमेंट्स जो करते रहने, सारे कमेंट्स में रीड आउट यहाँ पर करना चाहूंगा, बस स्पेशल कमेंट्स होने चाहिए जिससे आप अपनी टीम को सपोर्ट कर पाओ। जी बिल्कुल, काव्या जैन की तरफ से यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स को सुपर चढ़ाता हूँ, बिल्कुल एक मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा। तो गाइस आपको ऐसा सपोर्ट बना के रखना है। देखेंगे इस बार पहला बुया किस टीम के खाते में जाता है। फिलहाल दो प्लेयर्स यहाँ पे टोटल गेमिंग के विद 7 किल्स यहाँ पे कह रहे हैं हैंड कैनन का यूज करते हैं, डिलीट नजर जरूर आ रहे। देखेंगे हैंड कैनन से टाइटेनियम के कितने प्लेयर्स को डिलीट कर पाएंगे, दोनों प्लेयर्स धाराशाही। एक और यहाँ पे जाएगा हैंड कैनन, एक नॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी अगर टाइटेनियम को धाराशाही करते हुए टोटल गेमिंग के दो शेर, बिल्कुल एक कमाल का कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा था। बिल्कुल टोटल गेमिंग के गाइस डिलीट एंड बाला, देखेंगे इस बार यहाँ पे सुपर 10 कर पाएंगे या फिर फिलहाल 7 किल्स खाते में जरूर। टाइटेनियम को यहाँ पे बैक टू लॉबी भेजा गया। बट गाइस बात की जाए तो ऐसा भी के दोनों किल्स उठाए, बात की जाए यहाँ पे तो सामने टोटल गेमिंग जिसके साथ पंगा ले रहे थे टाइटेनियम के, दोनों किल्स गाइस यहाँ पे ऐसा भी ने उठा, यानी कि नॉक कर रहे थे टोटल गेमिंग के शेयर एंड उठा रहे थे खेल यहाँ पे सर्वाइवर्स। तो कहना कि नॉक कोई और कर रहा है, खेल कोई और उठा रहा है, बट टाइटेनियम को यहाँ पे बैक टू लॉबी भेजा जाएगा। गाइस आपको यहाँ पे पहले मैच में सपोर्ट बिल्कुल करते रहना होगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहना चाहिए। 2B गेमर की टीम यहाँ पे चौथे पोजिशन के साथ बिल्कुल बैक टू लॉबी भेजी जाएगी। बट गाइस पहला बुया किसके खाते में आएगा, आइकॉनिक द ग्रेनेड मैन ऑफिस टीम यहाँ पे ग्रेनेड जरूर जाएगा, बट क्रोनोशील एक्टिवेट की जाएगी। एसावी के पास मैन एडवांटेज है, बट टीम इलीट भी यहाँ पे कहना कहीं एकदम मजबूत नजर आ रही है। गाइस दोनों प्लेयर्स आइकॉनिक एंड पहाड़ी दोनों आगे बढ़ते हैं, फिलहाल यहाँ पे पहाड़ी के हाथों में स्नाइपर कुछ भी हो सकता है, ये बुया किसी के भी हाथों में जा सकता है। क्या लगता है गाइस आपको, क्या एसावी या फिर यहाँ पे टोटल गेमिंग या फिर टीम इलीट, ये बुया का झंडा कौन सी टीम ले जाएगी? बिकॉज ये पहला मैच है, जो भी डोमिनेट करेगी संजीव वो टोटल रैंकिंग के ऊपर भी पहले पोजिशन पे नजर आएगी। बिल्कुल, पहला पोजिशन देखना होगा, इससे दो टीम बची रहने वाले 5 प्लेयर्स एंड ये 2v3 यहां पर एनिमी कॉल लेकर जाएगा सर्वाइवर्स और टीम एलीट। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा, देखना होगा साइबर शॉट से पहाड़ी बिल्कुल ही रुकने का नाम नहीं लेंगे। बट गैरेज से बाहर जाना, अगर ये बुया क्या निकल पाएगा, आइकॉनिक एक नॉक बिल्कुल अपन निकालेंगे, सेम को नॉक करके रखा जाएगा, फिनिश ऑफ कर पाएंगे पहाड़ी को बहुत ज्यादा लो यहां पर करके रखा जाएगा। क्रोनो एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, इसी के साथ आइकॉनिक एक और नॉक निकल पाएंगे। जी नहीं, 8 किल्स ऑलरेडी टीम इलीट के पास आने वाले, पहाड़ी खिलौते प्लेयर यहां पर क्या पॉसिबल कर पाएंगे? जी नहीं, देखना होगा लगातार अब रोटेशन किए जाने वाले, बट पूरे के पूरे टीम यहां पर उनको घेरते हुए नजर आ जाएगा। ये बुया निकल कर जाएगा सर्वाइवर्स के पास एंड टीम यहाँ पर एलिमिनेशन का देखो नजर आ जाएगा। जी हाँ गाइस, बहुत ही शानदार गेम थे, दोनों ही देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही साथ गाइस आपको करना क्या, कैरी मिनाटी के टूर्नामेंट को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गिल्ड का लिंक है, टूर्नामेंट का लिंक है और चैट में भी पिन कर रखा है। बहुत आसान है, आपको बस ज्वाइन करना है, बहुत सारा प्राइस पूल आपका इंतजार कर रहा है। मंडे को होने वाला टूर्नामेंट है, स्पेशल शाउटर्स अगर चाहिए तो टूर्नामेंट आपको विन करना होगा। जी बिल्कुल, एंड अगर कोई टीम यहाँ पे टूर्नामेंट विन करते तो उस टीम का नाम कैरी मिनाटी खुद यहाँ पे शाउट आउट देंगे। तो गाइस देर किस बात की, यहाँ पे यार कमेंट सेक्शन में पिन करके रखा है, गिल्ड भी ज्वाइन कीजिएगा एंड टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन भी कीजिएगा। देखेंगे हम यहाँ पे उस टूर्नामेंट में कौन सी टीम जीत हासिल कर जाती है। बस आज के टूर्नामेंट की हम फिलहाल बात करना चाहेंगे, यहाँ पे कहना कि पहले मैच में
में टीम एलिट मचाते हुए नजर आई थी, नौ किल्स उनके खाते में नजर आए थे। पहाड़ी स्नाइपर के साथ सोलो वर्सेस डुओ कैना के गेम प्ले खेल रहे थे, 1v2 का बैटल यहाँ पे उठाया गया। बट सर्वाइवर्स, लिटरली संजीव बात करना चाहूंगा सर्वाइवर्स के बारे में, स्कूल पे बैठे थे, टोटल गेमिंग टाइटेनियम के साथ पंगा ले रही थी, नॉक वाला ने हैंड कैनन के साथ निकाला बट किल सर्वाइवर्स ने उठाया, टाइटेनियम के दोनों प्लेयर्स का किल सर्वाइवर्स ने उठा के अपने पेशेंस के साथ एक बुया हासिल किया। यानी कि जाते जाते टोटल गेमिंग एंड टीम एलिट को एक झटका लगा, कहीं ना कहीं दोनों टीम के हिट लिस्ट पे आने वाले मैप में सर्वाइवर्स जरूर होगी। बिल्कुल सर्वाइवर्स, लेकिन गाइस एक और बार बोलना चाहूंगा, अब जो भी मैच यहाँ पर स्टार्ट होगा, सेकंड मैच, थर्ड मैच, जो भी यहाँ पर निकलता हो हमको नजर आएगा, तो आपको हर एक मैच का लाइक टारगेट 5000 लाइक्स का होने वाला। जी हाँ गाइस, याद रखना जितने भी लाइक्स अभी कंप्लीट हो गए, जैसे ही मैच स्टार्ट होगा आपको 5000 लाइक्स उसके बाद कंप्लीट करने हैं। मैं आपको टारगेट बार बार याद दिलवाता रहूंगा और साथ ही साथ गिल्ड भी ज्वाइन करना है, टूर्नामेंट भी ज्वाइन करना, हर एक बात आपको याद दिलाता रहूंगा। बट आपको क्या करना है, हैशटैग लगाने अपने फेवरेट टीम के लिए, और शायद ना अंदाज में जो कमेंट करे ना वो करते रहना, क्योंकि मैं सारे कमेंट यहाँ पर पढ़ने वाला, आपको आउट आउट बिल्कुल यहां पर दिया जाएगा। बट परगेटरी मैप को लेकर आपकी क्या रहेगी प्रसाद? परगेटरी मैच के बारे में एक ही यार, टीम एलिट एंड टोटल गेमिंग से बच के रहिएगा, बिकॉज इन दो टीम के हाथों से बुया चिना है सर्वाइवर्स ने। जब बुया चिनता है संजीव, टीम अग्रेशन में नजर आती है, तो परगेटरी मैच में गाइस देखेंगे टीम एलिट का अग्रेशन एंड टोटल गेमिंग का जलवा यहां पे किसको जलाता है। फिलहाल बाकी सारे टीम्स को अलर्ट रहकर खेलना होगा, बट उन टीम्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो टीम सेंटर ऑफ द मैप उतरती है, हार्ट ऑफ द मैप उतरती है। टू बी गेमर, टीएजी, दोनों ब्राजीलिया के ऊपर उतरते, देखेंगे अर्ली एलिमिनेशन का झटका इन दोनों में से किस टीम को यहाँ पे बैठेगा। बट संजीव, एरो की टीम भी यहाँ पे ब्राजीलिया के ऊपर उतरती, यानी कि टू भी एरो एंड बात की जाए तो टीएजी, तीनों टीम्स ब्राजीलिया के ऊपर, यानी कि धमाके बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले। बट जैसा कि संजीव ने गाइस यहाँ पे कहा, हर एक यहाँ पे यार टूर्नामेंट, हर एक राउंड में आपको 5000 का लाइक टारगेट कंप्लीट करना है। यार शेयर कीजिएगा इस टीम को अपने फ्रेंड्स के साथ, सारी बेहतरीन फाइट देखने का, इसका लुत्फ उठाने का मौका आप अपने फ्रेंड्स को भी दीजिएगा। फटाफट इस टीम को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बुलाकर आपके फेवरेट टीम का सपोर्ट भी आप बढ़ा सकते हो। फिलहाल लेन पाथ के बारे में बात की जाए तो क्रॉस रोड के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है, एंडिंग पॉइंट यहां पे होने वाला है। जी हां गाइस, बिल्कुल नंबर मिल के ऊपर फिलहाल बात किया तो देखेंगे इस बार यहां पे क्या तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। टोटल गेमिंग ऑन द क्रॉस रोड, बात की जाए यहां पे सावी की, तो वो मौत है उसके ऊपर जाना पसंद करेगी। एरो की टीम इस बार स्ट्रेटजीज में बदलाव एसआवी के साथ उतरी है, जिस टीम ने यहां पे बुया लिया था उसी टीम के साथ यहां पे लैंड एंड फाइट में बिलीव रखेगी। फिलहाल ब्राजीलिया के ऊपर टीएजी कहीं ना कहीं क्राउडेड नजर आएगी, टूबी की टीम हाइट का एडवांटेज लेके पहाड़ी के ऊपर लूट करेगी। बट बात की जाए यहां पे टीम ओपी की, तो वो यहां पे के ऊपर जाना चाहिए गैलेक्सी रेसेस के साथ, फायर ब्रिगेड लूट करेंगे या फिर हार्टियर जोन में जाना पसंद करेंगे, वो भी देखा जाएगा। बट माउंट विला के ऊपर, गोल्फ फोर्स के ऊपर हमारी यूजी की टीम लूट करते नजर आएगी। देखेंगे इसकी लॉस्क से लेकर ब्राजीलिया तक का सफर संजीव इस मैच में टीम एलिट का किस प्रकार से जाता है। बिल्कुल, पर कैसे रहने वाले गाइस, एंड यहां पर देखना होगा हर एक मुमकिन चीज का आपको यार पॉसिबल करना होगा। जी हां गाइस, देखना होगा क्या यहां पर होने वाला है, बट टीम्स जो है वो उतरते हुए नजर आ चुके हैं। देखना होगा ये टीम्स एंड टीम एलिट का रास्ता क्या वो बिछड़ गए या फिर क्या वो अपने एरिया के ऊपर जाएंगे, इसकी लॉस्क के ऊपर जाना पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बट गाइस आपको यहां पर अच्छे कमेंट्स यहां पर कर देना, हम लोगों ने 33000 की वॉचिंग यहां पर क्रॉस कर ली, क्या हम लोग 40000 की वॉचिंग टच कर सकते हैं? तो गाइस स्ट्रीम को जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए आपकी फेवरेट टीम है। यार बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला, आप लोग भी टूर्नामेंट में उतर सकते हो, अपना नाम बिल्कुल यहां पर बना सकते हो। तो देर नहीं करनी है, जल्दी से आइए टूर्नामेंट ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बुला के लाइन देखना होगा टीम लिट क्या रश खेलेगी या फिर पैसिव गेम प्ले आज यहाँ पर दिखाया जाएगा। बट अभी तक कोई भी फ्रैग नहीं निकाला जाएगा, बट गैलेक्सी रेसर आई थिंक सेंट्रल के ऊपर रहने वाली हॉट जोन है, ब्लू जोन है, लूट परफेक्ट रहेगी, अटैचमेंट्स बिल्कुल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बट आई थिंक देखना होगा इनकी टीम में मैरिस को क्या डबल स्नाइपर जी हाँ मिल पाएगी, इंतजार करेंगे वासियों के पास होने वाले एक्समेट और MV40 से हमको खेलते हुए नजर जरूर आने वाले गाइस। जी हाँ, देखना होगा कौन कितने पॉइंट्स लेकर जाएगा। बट गाइस अगला लाइक टारगेट यहाँ पर 22000 लाइक्स का होने वाला, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए। जी बिल्कुल, एंड जी हाँ गाइस एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन करके रखा है। जी हाँ गाइस, कैरी मिनाटी के खेल में एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, अगर कोई भी टीम उस टूर्नामेंट को जीतती है तो कैरी मिनाटी खुद उनको शाउट आउट देंगे, बहुत सारे प्राइजेस आपका वेट करे। तो फटाक से गिल्ड भी ज्वाइन करनी है, टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन भी करना है। फिलहाल बात करेंगे हम फाइट के बारे में, हार्टियर जोन की, हार्टियर जोन यहां पे बना था सेंट्रल के ऊपर, वहां पे गैलेक्सी रेसेस उतरी जरूर है, बट फायर ब्रिगेड बहुत ही क्लोज एरिया, टीम ओपी यहां पे लूट कर रही है, चारों के चारों प्लेयर्स यहां पे बिल्कुल तैयार है गैलेक्सी रेसेस के ऊपर रश करने के लिए। कभी भी टीम ओपी वर्सेस गैलेक्सी रेसेस का ये हंगामा हमें देखने को मिल सकता है। देखेंगे इस बार यहां पे दोनों टीम आमने सामने कब तक आती है, हार्टियर जोन की लूट कर गैलेक्सी
प्लेसेस लूट के बारे में, रिसोर्सेस के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होगी एंड उस टीम के ऊपर ओपन एरिया से रश करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। देखेंगे इस बार टीम ओपी क्या नए स्ट्रेटेजी के साथ खेलना पसंद करेगी, या फिर सीधा ब्राजीलिया के ऊपर जाकर टीएजी के साथ पंगा लेगी, एरो के साथ पंगा लेगी, या फिर टू वी गेमर के साथ पंगा लेना पसंद करेगी। फिलहाल ऐसा भी को देखना चाहेंगे। लास्ट मैच यानी कि यार पहला जो बुया था इन्होंने ही यहाँ पे करके रखा है, तो टोटल रैंकिंग के ऊपर बिल्कुल टॉप पे नजर आएंगे। बट देखेंगे इस बार ऐसा भी का ये पर्गेटरी मैच का बुया क्या ये हासिल कर पाएंगे, या फिर इस मैच की जर्नी इनकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे टीम्स के हिटलिस्ट के ऊपर ये होने वाले ने एक टीम राउंड भी शेयर कर रही है, एरो वर्सेस हिसाब भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। देखेंगे किस टीम की लूट यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, कौन सी टीम यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे डोमिनेट करेगी। फिलहाल संजीव बात की जाती है यहाँ पे क्लोजिंग फाइट शुरू हो चुकी है, ऐसा भी की बात किया जाए बिल्कुल हर्ष बाहर आएंगे एंड कहना के इस फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए बिल्कुल खुद को बचाना भी होगा, खुद को हिलअप करना होगा। बट मैडी किसकी कमी साफ सब नजर आ रही, क्रोनोशील यहाँ पे एक नॉक निकालने के लिए बिल्कुल कामयाबी हासिल करेगा, उसका किल यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा, एक किल खाते में जोड़ के ट्रेड फायर में हर्ष नॉक हो जाएंगे। ऐसा भी वर्सेस एरो क्या लगता है? बिल्कुल देखना होगा, बट यहाँ पर आई थिंक सर्वाइवर्स एक प्ले को खो देगी। टोटल रैंकिंग आपने के लिए आज के 18 पॉइंट्स आएंगे सर्वाइवर्स के पास, पहला स्थान उन्होंने, सेकंड पर होगी टीम लीड सेम पॉइंट्स यहां पर उनके पास आने वाले। टोटल गेमिंग 15 पॉइंट्स के साथ हमको नजर आने वाले, टाइटेनियम 12 पॉइंट्स सेम पॉइंट्स, गैलेक्सी रेसर अब उठाई गेंद, टू बी गेमर की बात करूंगा 10 पॉइंट्स उनके पास भी रहने वाले, बट बाकी टीम्स को यहाँ पर मेहनत करनी होगी। 5-4-4-2-2-0 यहाँ पर पॉइंट्स रहने वाले। तो गाइस आपको यहाँ पर यार टोटल रैंकिंग देखने को मिल चुका, सपोर्ट आपको करते रहना, एरो स्पोर्ट वर्सेस सर्वाइवर्स की फाइट चली जिन्होंने बुया यहाँ पर निकाला था। यार इंतजार क्या करना, लाइक कीजिए हमारा लाइक टारगेट आपको हमेशा कंप्लीट करते रहना, और साथ ही साथ यहाँ पर कैरी मिनाडी किल को ज्वाइन भी करना गाइस। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गिल का लिंक है, टूर्नामेंट का लिंक है, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, के लिए बहुत सारा प्राइस यहां पर इंतजार कर रहा है। मंडे को होने वाला टूर्नामेंट विन करोगे तो कैरी मिनाडी की तरफ से शाउट आउट यहां पर मिलने वाला। तो गाइस रेडी हो जाइए और जल्दी से आगे ज्वाइन के लिए अपने फ्रेंड्स को भी यहां पर बता दीजिएगा कि यार आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, जीत सकते हो और अपना नाम यहां पर बना सकते हो। जी बिल्कुल, बात की जाए यहां पे तो यार सिक्स पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन तक सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंस है गाइस। कभी भी यहाँ पे पासे पलट सकते हैं, कभी भी कोई भी टीम किसी का भी स्थान छीन सकती है। देखेंगे पर्गेटरी के इस मैच के बाद टोटल रैंकिंग के ऊपर कितने ज्यादा बदलाव आते हैं। फिलहाल चलते हैं फाइट की तरफ। टीएजी यहाँ पे बिल्कुल चारों प्लेयर्स के साथ तैयार है एक टीम के साथ पंगा लेने के लिए, राइट साइड इनके बहुत ज्यादा दूर है बट कहीं ना कहीं यहाँ पे फेस ऑफ करना पड़ सकता है। उससे पहले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लूट यहाँ पे करनी होगी, बिकॉज एक बार अगर फाइट शुरू हो गई तो एक नहीं दो नहीं तीन टीम के साथ ऑलमोस्ट एक साथ पंगा लेना पड़ सकता है, तब रिसोर्सेस की कमी यहाँ पे आप सब नजर आ सकती। तो बिल्कुल यहां पे फ्यूचर को भाप कर अपने हर एक कदम बनाने होंगे, अपने हर एक स्ट्रेटजी यहां पे पिक करनी होगी। ओजस्वी लेजेंड विहान आयुष चारों तैयार है, घर के अंदर हर एक चप्पा चप्पा छान मारा जा रहा है। नसबार सर्कल भी अपना बिल्कुल एक झटका लगा देगा, ब्राजीलिया को पहले सर्कल में ऑलमोस्ट बाहर फेंक दिया। देखेंगे इस बार यहां पे नेक्स्ट सर्कल में ब्राजीलिया जब बाहर जाएगा तब बहुत सारी टीम फील्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएगा, एंड फील्ड्स पे गाइस टीम एलिट कभी भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल देखेंगे यहां पे क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल बात की जाए यूजी के टीम की, चारों प्लस विदाउट टेकिंग सिंगल किल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उतरे थे गोल्फ कोर्स के ऊपर, वो पूरा लूटकर अपने कदम माउंट विला की तरफ बढ़ाए। देखेंगे आगे जाएंगे क्वेरी माबोवर्क्स, नई नई टीम नजर आएगी, अब इस बार किस टीम के साथ पंगा लेंगे, बिकॉज माबोवर्क्स के ऊपर 4 अननोन भी उतरती है। तो गाइस आपकी फेवरेट टीम की फाइट बहुत जल्दी हमें देखने को मिलने वाली, बस उससे पहले आपको यहां पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना चाहिए, आपके टीम का सपोर्ट बढ़ा दीजिएगा, बताइएगा आपके फ्रेंड्स को कि आपकी टीम यहां पे बिल्कुल एक कमाल का गेम प्ले खेल रही है, एंड जी हां पर्गेटरी के मैच में मचाने वाली है, सपोर्ट बढ़ जाएगा तो यार मोटिवेट भी हो जाएगी टीम। फिलहाल बात करेंगे हम सर्वाइवर्स की, एक टीम के साथ ग्राउंड जरूर शेयर कर रहे थे, एरो की टीम ने हल्का सा इनको अनहेल्दी करके रखा है, इन्होंने भी ट्रेड फायर में एरो के एक खेल को कंफर्म किया। देखेंगे दोनों टीम से यहां पे कहना कि बैलेंस नजर आ रही है, फाइट बैलेंस नजर आ रही है, बट डोमिनेट कौन सी टीम करेगी। 3v3 बैटल एरिया होने वाला मौत हाउस का, एंड कहना कि सर्कल यहां पे बिल्कुल फेवर करेगा, बहुत नजदीक होगा। देखेंगे गाइस समय बहुत है, मौका है, बस रश एक कमाल का होना चाहिए, एक गलती एंड सचिव यहां पे बैक टू लॉबी किए जा सकते हैं। ये टीम देखेंगे सर्वाइवर्स के एक प्लेयर को यहां पे नॉक करके रखा है, इनसे आपकी तरफ से बहुत सारे कमेंट्स भी हमको देखने लिए मिलने वाले। सुपर चैट यहाँ पर आया नूप गेमर 999 की तरफ से, बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यूजी अपना सुपरस्टार यार, यूजी के हैशटैग यहाँ पर लगा है। तो गाइस सपोर्ट आपको यहाँ पर बनाए रखना है, जितने भी हैशटैग आपके आ रहे सबका मैं यहाँ पर नाम
बिल्कुल लेना चाहूंगा, बट अभी बात करूंगा इस फाइट को लेकर। यार क्या लगता है, ये अकेला सर्वाइवर कितना ज्यादा डरा हुआ होगा? आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं लास्ट में क्या होता है जब आप अकेले बचे हुए हैं, सामने तीन से चार मीटर भागने का रास्ता भी नहीं मिलता, एलिमिनेशन आपको वहां पर देखना पड़ सकता है। बट यहाँ पर एक नॉक, ओह माय गॉड, अब देखते देखते नॉक निकल जाए, क्या रिवाइवल पे का केक और नॉक यहाँ पर निकालते हैं, ट्राई यहाँ पर करेंगे, बट सर्वाइवर्स को रास्ता दिखा दिया गया। चार केस यहाँ पर एरो इस पर अपने खाते में निकालते, बट एक और फाइट डीएस यहाँ पर एक और नॉक निकालेंगे, जस्ट कोई भी मौका नहीं देना चाहेंगे। देखते देखते यहाँ पर ये फाइट होने वाली, टीम ओपी खतरे में पड़ जाएगी। एक और नॉक यहाँ पर निकाल देगा, रिवाइव देने का मौका तो नहीं मिलेगा, बट फिनिश ऑफ जरूर यहाँ पर मिल जाएगा। एंड सी के साथ TSG रुकने का नाम नहीं, लेकिन गाइस आप लोगों को भी नहीं रुकना। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक साथ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। TSG यहां पर आगे की तरफ जाएगी और साथ ही साथ गाइस आपको करना है यार, कैरी मिनाडी का गिल्ड ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया गिल्ड का टूर्नामेंट का, विदाउट से जाइए टूर्नामेंट के लिए, जीतिए और शाउट आउट उसको मिलेंगे कैरी मिनाडी की तरफ से। साथ ही साथ टीम ओपी यहां पर एलिमेंट्स दिखाई गए, चार केस एंड TSG यहां पर थोड़ा सा ट्रबल हो जाएगा, टू बी गेमर को भी रास्ता दिखा देंगे, दो टाइम्स दो टीम्स के ऊपर सेम टाइम पे बैक टू लॉबी भेजा जाएगा, पांच किल्स पर एक नुकसान यहां पर हो जाएगा गाइस। ओजस्वी आज जो जानती यहां पर टीएचसी की वो आई थिंक एलिमिनेट कर दिए गए जी, बिल्कुल लिटरली बहुत सही कहा संजीव आपने, ओजस्वी बिल्कुल दमदार बनाते हैं टीएचसी को और उनको यहां पे पकड़ के रखा है, जी हां गाइस उनको एलिमिनेट कर दिया है। देखेंगे इस बार बचे हुए तीन प्लस क्या टीएचसी को यहां पे टॉप थ्री में ला पाएंगे या फिर नहीं, क्या कुछ उनके जर्नी में होने वाला है। बट बात की जाए यहां पे द सीएम की, तो उनको स्पॉट करके रखा था, नॉक करके रखा है, बस उनको बचाने का मौका क्या दे पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल यहां पे एक प्लेयर उनको बचाने के लिए जा रहे हैं, पुनीत यहां पे रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, द सीएम को रिवाइव करने का मौका यहां पे मिल जाएगा। टाइटेनियम फिर से एक बार मजबूत हो जाएगा, इस बार टाइटेनियम के ऊपर क्या डालते हुए यूजी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा मोहम्मद अब्दुल गफ्फार की तरफ से, सबके मुंह पर लगेगा ताला जब फॉर्म में आएगा माफिया वाला, देखेंगे गाइस माफिया एंड बाला क्या फॉर्म में आएगा। बट फिलहाल यूजी यहाँ पे फॉर्म में नजर आ रही है, आयुष को यहाँ पे पकड़ के रखा है, उनको क्या नॉक किया जाएगा, बिल्कुल नॉक करके रखा है, ग्रेनेड उनके हाथ में था, ग्रेनेड फेंकने की यहाँ पे बिल्कुल मौका कोशिश की जा रही थी, बट उनको ट्रेड फायर में नॉक किया, खेल कंफर्म नहीं कर पाए। फिलहाल बात किया तो आयुष को रिवाइव मिल चुका है, फिर से एक बार ग्रेनेड यहाँ पे कुक किया जाएगा, अगर इस बार सटीक निशाने के ऊपर ग्रेनेड जाता है तो उस टावर में दोनों प्लेयर्स जो नॉक करके रखे उनका खेल भी कंफर्म होगा। बचे हुए प्लेयर्स यहां पे कह रहे हैं कि दूर से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, बात की जाए गाइस यूजी की तो इस बार टाइटेनियम को आने दिखा कर गाइस दो ही प्लेयर्स यहां पे बचे रहेंगे, एक्स नोनु एंड एक्स पूपी, देखेंगे अपना एक्स फैक्टर क्या यहां पे काम करेंगे। बट संजीव कहीं ना कहीं बात की जाए इस फाइट की, तो इस फाइट को खत्म करने के बाद बची हुई टीम को गैलेक्सी रेसर्स के साथ पंगा लेना होगा। वास्यो बिल्कुल वेट कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अपने टीम के साथ शेयर कर रहे हैं एंड आइलैंड चेंज करने के लिए खुद यहां पे गेट कीपिंग कर रहे हैं। फिलहाल यहां पे 82,000 को वापस बुलाया जाएगा, 82,000 फिर से एक बार वासियों के साथ वापस यूनाइट होते नजर आएंगे। मैरी एक्सन बात की जाए उनके टीममेट की, तो वो भी यहां पे गैलेक्सी रेसर्स के साथ यूनाइट होंगे एंड वासियों को ट्रेड फायर में यहां पे कहना कि लो करके रखा है चावा बॉय, उनके बहुत ज्यादा सामने होने वाले यूजी एम्पायर के एक नायाब खिलाड़ी गैलेक्सी रेसर्स के साथ पंगा ले रहे। तो गाइज आपको यहां पे अपना बिल्कुल सपोर्ट दिखाना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। आपको बता दूं यहां यार कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन करके रखा है कैरी मिनाटी के गिल्ड का, उसको ज्वाइन करना, एक बड़ा सा टूर्नामेंट आप यहां पे खेलने का मौका पा सकते हो, उसमें अगर जीतते हो तो कैरी मिनाटी खुद आपके टीम को शाउट आउट देंगे, बहुत सारे प्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं। तो देर किस बात की, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो, गिल्ड ज्वाइन करो, टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन करो एंड जी हां गाइस मौका पाओ अपने टीम का नाम रोशन करने का। फिलहाल बात किया तो यूजी अपना नाम रोशन करते हुए बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक और स्नाइपर टावर एक और ग्रेनेड यहां पे जाएगा, लो इसमें करके रखा है स्नोनो, बहुत ज्यादा लोग लोअर डाल के खुद का बचाव किया जा रहा है, बट ग्रेनेड यहां पे क्या दारा शेक कर पाएंगे, कोई भी ग्रेनेड यहां पे नुकसान नहीं देगा। बट संजीव क्या लगता है इस बार यूजी के चारों प्लेयर्स ने टावर को घेर के रखा है एंड गैलेक्सी रेसर्स थर्ड पार्टी करने का बिल्कुल कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल पर कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। बट दोनों ही टीम्स के ऊपर सर्कल में जाना होगा, देखना होगा क्या रिवाइव मिल पाएगा, चारों प्लेयर्स पर अलाइव रहने वाले, इसी के साथ दो किल्स पर निकल कर कीजिएगा यूजी एम्पायर क्या यहां पर निकल पाएंगे, गिली बुश का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट देखना होगा गैलेक्सी रेसर कितने किल्स पर लेकर जाने वाले और साथ ही साथ देखना होगा स्नाइपर टावर पर कितने प्लेयर्स कितनी देर तक यहां पर टिके रहने वाले। गाइस आपको क्या करना है, नेट से यहां पर थ्रो जरूर किए जाएंगे, क्या लगता है उज्ज्वल यहां पर नॉक हो जाएगा, जी हां नॉक करके रखा जाएगा, रिवाइव यहां पर मिल पाएगा, क्रोनो का इस्तेमाल यहां पर करते हुए हमको नजर आने वाले और साथ ही साथ फिनिश ऑफ कर जाएंगे। गाइस देखना होगा कौन ऐसे बच के निकल पाएगा, किसके लिए रास्ता यहाँ पर काली होने वाले, हर एक चीज हमको यहाँ पर देखने मिलने वाले। तो गाइस आगे बढ़ेंगे, आयुष यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन देंगे, कैप्टन को यहाँ पर संभालना होगा एंड एक कॉल बहुत ही सही यूनिक कॉल देने होंगे टाइटेनियम, क्या लगता है गैलेक्सी ज्यादा मूड में नहीं है, वो छोड़ना नहीं चाहते, आयुष को भी यहाँ पर पकड़ ले जाएगा, बट बाकी के जो प्लेयर्स होने वाले ऑलरेडी यहाँ पर निकलते हुए हमको नजर आने वाले। गाइस एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक कैरी मिनाटी का गिल्ड ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए, गिल्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और टूर्नामेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, चैट में भी पिन करके रखा हुआ है, बहुत सारा प्राइस पूल आपका इंतजार कर रहा था, फटाफट से जाइए ज्वाइन कीजिएगा, मंडे को होने वाला टूर्नामेंट, जो भी जीतेगा फाइनल्स
उसको स्पेशल शाउट आउट मिलेंगे कैरी मिनाडे की तरफ से। तो यार मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो खोना नहीं है मौका, जल्दी से जाना और टूर्नामेंट ज्वाइन कर लेना है। जी बिल्कुल, 1 2 3 4 अपना टीम यूनिट है तैयार। बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है, तो गाइस आपको यहाँ पे सपोर्ट करना अपनी फेवरेट टीम को, गैलेक्सी रेसर्स विद थ्री किल्स। आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे तीनों प्लेयर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे, सर्कल के बाहर बॉर्डर में खेलने की कोशिश कर रहे। सर्कल श्रिंक जोन में जो टीम है उनको अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे। देखेंगे अगर लेट हो गए तो बिल्कुल खुद भी यहाँ पे गेट कीपिंग को फेस करते हुए नजर आएंगे गैलेक्सी रेसर्स। तीन प्लेयर्स यहाँ पे अलाइव है, तीन किल्स खाते में। अब सर्कल को एक्वायर करना सबसे बड़ा यहाँ पे प्रेफरेंस होने वाला है। देखेंगे क्या सर्कल को एक्वायर कर पाएंगे या फिर नहीं, बट टोटल गेमिंग अपने अलग ही अंदाज में अपना खाता खोल के सर्कल को पकड़ कर रखा है, कब्जा करके रखा है, सर्कल का पोजीशन अपने नाम करके रखा है 8वें स्थान के ऊपर। टाइडन है बिल्कुल, बैक टू लॉबी भेजी जाएगी। देखेंगे इस बार सर्कल का एडवांटेज क्या, टोटल गेमिंग इस मैच में बुआ करेगी। पिछली बार हमने देखा था गाइस थर्ड पोजीशन के ऊपर एलिमिनेट हुई थी, पंगा ले रही थी टाइटेनियम के साथ, बट कहीं ना कहीं सर्वाइवर्स ने इनको एक झटका लगाया था। इस बार यहां पे एरो की टीम ने सर्वाइवर्स को बैक टू लॉबी भेजा है। इस बार देखेंगे टीम एलिट क्या अपना खाता खोल पाएगी सीआरएक्स के सामने होने वाली, बट गाइस फिलहाल बात करेंगे हम इस टीम की। जी हां गाइस, इस बार देखेंगे क्या यहां पे कमाल का गेम प्ले दिखा पाएंगे या फिर बिल्कुल करीब यहां पे देखेंगे क्या नॉक निकाल पाएंगे। पार्टी द स्नाइपर मैन बिल्कुल अपना खिताब हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे एमवीपी टैग क्या इस बार पालेंगे, बट यार गाइस इस पॉलिटी मैच का बुआ बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। बट पहाड़ी खुद यहाँ पे पहाड़ बनते हुए प्लेयर को नॉक करेंगे, कमाल का डबल स्नाइपिंग, कमाल की स्विचिंग यहाँ पे नजर आ रही है। आपको सपोर्ट करना होगा, हैशटैग पहाड़ी इन द चैट लगा दो गाइस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल यार टोटल गेमिंग की बात की जाए, टीम एलिट की बात किया तो दोनों प्रभावशाली टीम सचिव है, दोनों के पास सर्कल का पोजीशन होने वाला है। बिल्कुल पोजीशन है गाइस, आपको स्ट्रीम को शेयर करना जितना ज्यादा शेयर हो सकता है। क्रेडिट क्या हम लोग 40,000 की वॉचिंग यहाँ पर क्रॉस कर पाएंगे टीम एलिट। जी हां, यहां पर रोकते हुए टीम्स को नजर आने वाले, देखना होगा यहां पर क्या प्लेयर्स अंदर से बढ़ पाएंगे। सीआर जीवन के ऊपर खतरा यहां पर बढ़ने वाले, जो कि कैप्टन होने वाले टीम की क्या वो सर्कल में पहुंच पाएगी, बहुत ज्यादा प्रेशर पर बना जा रहा है, प्लेयर उनका डैमेज उनके ऊपर पड़ सकता है, नॉक पर लिया पर निकाल कर रखा जाएगा। ये खेल किसके खाते में निकल कर आ पाएगा वो देखना होगा। एनसी के साथ एरियाना भी प्लेयर जोन से नॉक हो जाएंगे, उनका खेल किसी को भी नहीं मिलेगा। बट टीम लीड या जूझ रही है, खाता अभी तक नहीं खोल पाए, बट सामने सीआरएस के बाकी बचे हुए प्लेयर्स हमको जरूर यहाँ पर देखने लिए मिल जाएगा। आरडीपी यहाँ पर ट्राई करे वॉल तोड़कर, आई थिंक जैसे प्लेयर को पकड़ पाए, बड़े थी वॉल उनके पास है, नेट्स नहीं होने वाले, मेडिकेट्स की कोई भी कमी हमें यहाँ पर देखने लिए नहीं मिलने वाले। मोनो यहाँ पर कितने देता है अपने कमांड को संभाल कर रख पाए, क्या लगता है 7 टीम्स यहाँ पर अलाइव है, 20 प्लेयर्स हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। देखते होगा सी आर एस यहाँ पर यूएवी लाइट यहाँ पर मंगवा लिया गया, इसी के साथ लोकेशंस रिवील हो जाएंगे, पूरा का पूरा प्रेशर बना जा रहा है। पहाड़ी अपनी डबल स्नाइपर की एमो ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं, फाइनली रास्ता दिखा दिया गया, दो किल चप निकालते 7th पोजीशन का ब्रेक झटका, एंड सामने होने वाली एरो ईस्पोर्ट्स यहां का 3 प्लेयर्स उनके पास भी यहां पर रहने वाले, टोटल 18 प्लेयर्स हमको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले। देख रहा होगा कितनी देर तक यहां पर अपने आपको रोक कर रखने वाले पहाड़ी की स्नाइपर, क्या उनको टिकने देगी या फिर सर्कल में आना रोक पाएगी टीम लीड। जी बिल्कुल, देखेंगे इस बार गाइस क्या कुछ होने वाला है। टोटल गेमिंग एक खेल के साथ यहाँ पे आगे बढ़ेगी, 4+ लाइव है, एक सही मौका टोटल गेमिंग के पास होने वाला है गाइस, एक सही मौका आपके पास भी है। कैरी मिनाटी के गिल्ड का लिंक यहाँ पे पिन करके रखा है, कमेंट सेक्शन में स्पैम किया जा रहा है, तो गाइस फटाक से लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, गिल्ड ज्वाइन कीजिएगा, एक बड़ा सा टूर्नामेंट वहां पे होने को, आप उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, बहुत सारे ढेर सारे प्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं। कैरी मिनाटी जीतने वाली टीम को खुद यहाँ पर शाउट आउट देने वाले, तो गाइस देर किस बात की, फटाक से गिल्ड ज्वाइन कीजिएगा। देखेंगे अब यहाँ पे टीएजी क्या टोटल रैंकिंग के ऊपर टॉप 3 पोजीशन को ज्वाइन कर पाएगी या फिर 8 किल्स खाते में, जिनके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। फियाना अकेले प्लेयर सोलो सर्वाइविंग करते हैं, सिंगल मेडिकेट यहां पर होने वाले, बट टोटल गेमिंग अपना यहां पे शिकार बना रही है पूर्ण, उनके दो प्लेयर्स को बुला दिया जी, आर्मी 5वें स्थान के ऊपर एलिमिनेट हो जाएगी। बहुत ही तगड़ा मुकाबला यहां पे चलता है, बट गाइस आपसे यहां पे तगड़ा सपोर्ट आना चाहिए। बात की जाए यहां पे नथू की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सुपर चैट, और भी ज्यादा मोटिवेट कर देगा हमारी बहुत ही सारी प्रभावशाली टीम को। आगे बढ़ते हुए टीजी ने यहां पे कहना के निर्णय ले गया, 4th किल अब यहां पे क्लोजिंग होके निकालेंगे। 4 टीम सभी भी अलावे, इतने छोटे सर्कल में बहुत सारे प्लेयर्स अलावे, बट 4 रन उनको बैक टू लॉबी भेज पाएंगे या फिर कमाल का हेडशॉट, दोनों प्लेयर्स पिक करेंगे बहुत ज्यादा लो एचपी में, 4 रन उनके अकेले प्लेयर होने वाले, क्या टोटल गेमिंग को डोमिनेट करेंगे। जी बिल्कुल, यहां पे बैक टू लॉबी भेजा गया, 5 किल्स खाते में गाइस, हैशटैग टोटल गेमिंग इन द चैट, फॉर जा जाए माफिया डेलेटन बाला, सारे के सारे प्लेयर्स अलावे, तो इस बार बहुत तगड़ा मौका है टोटल गेमिंग के पास एक कमाल का बुआ लेने का। टोटल गेमिंग के फैंस एक्टिवेट हो जाइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रोकिएगा, मैं टीम एलिट आरडीपी आइकॉनिक को रिवाइव देने के लिए आ चुके हैं। किलर देखेंगे इस बार
बार रिवाइव देने के बाद कितना तगड़ा बैटल पिक कर पाएंगे, बिकॉज ग्लू वॉल भी डालनी है, खुद को हिल अप भी करना है, एक प्रभावशाली टीम आपका वेट कर रही है। M79 कहना के इन दोनों में से किसी टीम के पास नजर आ रहा है। RDP यहाँ पे कहना के रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं, बट बचाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, आइकॉनिक को बचाना यहाँ पे असंभव हो जाएगा। बट क्या लगता है संजय, इस बार टीम वर्सेस टोटल गेमिंग, टीम एलिट को तीसरे स्थान के ऊपर एलिमिनेट करके एरो की टीम को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गाइस। Hashtag Total Gaming in the chat, कमाल का gameplay, कमाल का बेहतरीन performance and kill points की बात किया तो 4 kill के साथ MVP बन जाएंगे हमारे Delete। जी हाँ गाइस, बिल्कुल यहाँ पे टीम एलिट के Delete कहीं ना कहीं मचा रहे, टोटल गेमिंग के डिलीट यहाँ पे कहीं ना कहीं मचा रहे, बट टीम एलिट ने यहाँ पे बहुत सारे टीम को डिलीट करने की कोशिश की संजीव। बिल्कुल एक सेकंड के लिए ऐसा लगा था जब यहाँ पे रिवाइव हो रहे थे आइकॉनिक, RDP किलर उनको रिवाइव देने के लिए आ चुके थे, ऐसा लगा था कि अब हाइट का एडवांटेज लेके यहाँ पर कहना कि कैरेट आएंगे, बट टोटल गेमिंग के पास मैन एडवांटेज था, कहना कि मचाया एंड डिलीट। लिटरली हर एक बार उनका काम एक ही रहता है, हर एक टीम को डिलीट करना। बिल्कुल गाइस, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ कैरी मनाडी की गिल्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और साथ ही साथ टूर्नामेंट का लिंक भी पिन करके रखा, चैट में पिन करके रखा, डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जल्दी से आइए टूर्नामेंट ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए आप लोग टूर्नामेंट खेल सकते हो, और कैरी मनाडी के साथ खेलने का मौका आप यहां पर जीत सकते थे, और जल्दी से आइए ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रसाद, जिसकी आप बात कर रहे थे लग रहा था उस टाइम पर एक और रिवाइव दिया जाएगा, बट लेकिन वो एक बार रिवाइव हो गए थे, श्रिंक का फिर से डैमेज पड़ा, अगर एक और बार रिवाइव मिल जाता तो शायद से टीम एलीट यहाँ पर बूया निकल कर चली जाती, बट टोटल गेमिंग ने कोई भी मौका किसी को भी यहाँ पर नहीं दिया, हमारे व्यूअर्स प्यार किसी को भी मौका नहीं दिया यार, प्यार दिखाने में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं छोड़ रहे, हार्ट ही हार्ट यहाँ पर स्पैम किया जा रहा है। अगर आप दुख देखो ना, यूजी और टीम एलीट और गैलेक्सी रेसर और हर एक टीम के लिए सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। जी बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारा सुपर चैट शायराना अंदाज में यहाँ पे किया है, नाम मैं पढ़ नहीं पाया, बट जी हाँ यहाँ पे कहना के बिल्कुल एक कमाल का बिल्कुल सुपर चैट आ रहा है, बट गाइस टोटल गेमिंग के लिए यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है आपके बदौलत यहाँ पे टोटल गेमिंग बहुत ही ज्यादा अग्रेशन में नजर आ रहे हैं, जैसा कि हमने पहले मैच के बाद सोचा था, टोटल गेमिंग एंड टीम एलीट दोनों अग्रेशन में नजर आई, दोनों टॉप पे नजर आई, दोनों टॉप 3 में नजर आई, बट फिलहाल यहाँ पे टोटल गेमिंग ने कमाल का भूया पा लिया, अपने चारों प्लेयर्स को अलाइव रखा, कहना के मैन एडवांटेज मैटर करने वाला है। गाइस हम सभी ने देखा ये 12 के 12 नाम झलकते हुए सितारे आना, अगर इनको डोमिनेट करना है तो आपके चारों प्लस अलाइव होने चाहिए। देखेंगे इस बार यहां पे आने वाले कलारी मैच में कौन सी टीम कमबैक करती है, बट गाइस आपको भी यहां पे कहना कि कमबैक करना होगा। जी हां गाइस, मोटिवेट करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, नीचे एक थम्स अप वाला बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके अपना प्यार दिखा दीजिएगा, सब्सक्राइब करके आप चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को अगर आप ऑल पे सेट करते हो तो इन सारे टूर्नामेंट की नोटिफिकेशन आपको हर रोज मिलती रहेगी। फिलहाल देखते हैं संजीव आने वाला कलारी का मैप किसके लिए सरप्राइजेस लाता है, किसके लिए खुशियां लाता है। बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा कौन कितने खेल से आप लेकर जाएगा, बट एक ही बात बोलूंगा, बेफ्रंट रिफाइनरी एंड जो कमांड पोस्ट यहाँ पर रहने वाला तीनों ही एरिया से अपर सेंटर में हमको देखने लिए मिल जाएंगे, टीम्स को इंश्योर करना होगा सबसे पहले सर्कल में अपने लिए जगह यहाँ पर बना पाए। बट बात करूंगा 4 अननोन को लेकर जो की ऑलरेडी हमको रिफाइनरी के ऊपर देखने लिए मिलती है, सेंटर यहाँ पर कवर अप करती है, बट TSG 10 सब यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं है, वो भी सेंटर के एरियाज में हमको उतरते हुए नजर आ जाते हैं, बट यहाँ पर प्लेन पाथ थोड़ा सा अटपटा रहेगा, जो भी टीम्स यहाँ पर ओल्ड हैम्पटन एंड फाउंडेशन जाना ट्राई करेंगे यार उनके लिए थोड़ा सा भागदौड़ यहाँ पर रहने वाला, बट देखना होगा टोटल गेमिंग सेंटा कैटरीना एंड स्ट्रोंडी दो एरिया यहाँ पर कैप्चर करेगी, ज्यादा से ज्यादा लूट इनके पास निकल कर आ जाएगी, बट CRX G1 कन्फाइनमेंट के ऊपर जाते हैं उनके साथ यहाँ पर होने वाली UOG एम्पायर। जी हां गाइस, स्टार्टिंग फाइट लैंड एंड फाइट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, इसी तरह TSG की बात की हमने गैलेक्सी रेसर मेहमत के ऊपर हमको देखने के लिए मिलने वाले, देखना होगा यहाँ पर बाकी की टीम्स भी आगे की तरफ जाते हैं हमको नजर आने वाले, देखना होगा किसके पास कितने पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आने वाले। गाइस हमारा अगला जो लाइक टारगेट होने वाला है वो 30,000 लाइक्स का होने वाला, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखना होगा किसके पास कितने पॉइंट्स निकल कर आ पाएंगे सर्वाइवर्स MP5। जी हाँ यहाँ पर रोटेशन से जाएंगे, सर्कल में जाएंगे, आई थिंक देखना होगा पहले लूट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आई थिंक सेंटर कवर अप करने की कोशिश की गई, यहाँ फिर कुछ और रहने वाले इंसेन एक तरफ रहने वाले सामने एक टीम है, बट मैं बात करूंगा UG एम्पायर वर्सेस CRX G1। जी हाँ गाइस, इन दोनों टीम्स के फाइट होने वाले, लॉन्ग रेंज यहाँ पर दोनों देखने के लिए मिल रही है, आयुष के पास एक शॉर्ट रेंज भी होने वाले, M10-14 यहाँ पर रहने वाले, बट सोच समझ कर फाइट यहाँ पर लेने, क्योंकि रिवाइव देने का मौका नहीं मिलेगा UG एम्पायर के चारों प्लेयर, थोड़ा सा स्प्रेड आउट होकर खेलने में बिलीव यहाँ पर करना चाहेंगे। उज्जवल के पास दोनों ही AN-94 रही, यानी कि दोनों ही लॉन्ग रेंज वेपन, सो शॉर्ट रेंज में कवर फायर नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल बात करेंगे हम गाइस लैंड एंड फाइट की, यूजी यहाँ पे कंफाइनमेंट के एरिया में जरूर आ चुकी है, बट कभी भी यहाँ पे कोई भी नई टीम आ सकती है, CRX G1 वर्सेस UG यहाँ पे चल तो जरूर आए, बट बहुत ही करीब यहाँ पे टोटल गेमिंग उतरती है, उसके पीछे काउंसिल हॉल के ऊपर टीम एलिट उतरती है, दोनों प्रभावशाली टीम कभी भी इस पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। फिलहाल यहाँ पे यूजी एम्पायर को यूनाइट होना होगा, उनके 3 ही प्लेयर्स अभी तक पंगा ले रहे, 4th प्लेयर को यहाँ पे सबसे दूर से यहाँ पे फ्लैंक करना होगा, देखेंगे फ्लैंकर इनके कितने ज्यादा नॉक निकाल पाएंगे, फाइनली जाओ बॉय भी यूनाइट हो जाएंगे अपने
अपने टीम की तरफ से एक कमाल का व्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। यूजी एम्पायर शिकारी की तरह शिकंजा कस रहे सीआर स्टीवान के ऊपर। जी हाँ, स्नेहा को यहाँ पे सबसे पहले पकड़ के रखा, जिया गाइस उनको नॉक किया, उनको फिनिश किया। यूजी का खाता यहाँ पे खुल जाएगा, बचे हुए तीन प्लेयर्स के ऊपर एक कमाल का रश यहाँ पे करेंगे। देखेंगे यहाँ पे आयुष के पास चलने की कोशिश करेंगे, गाइस कहीं ना कहीं नॉक निकालने की कोशिश कर रही है। थॉम्पसन के साथ खुद को हील अप यहाँ पे बिल्कुल रखेंगे, थॉम्पसन के साथ एक प्लेयर को नॉक करके रखा, यानी कि दूसरा किल भी यहाँ पे खाते में आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे यूजी के एम्पायर, यूजी एम्पायर के खाते में कितने ज्यादा किल्स होने वाले हैं। एक और नॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा, सीआरएक्स टीपर के अकेले प्लेयर यहाँ पर पकड़े जाएंगे। देखेंगे इस बार यहाँ पे पोडियम फिनिश दे पाएंगे या फिर निचावा बॉय को रिवाइव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो कहना है कि अपने टीम की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली प्लेयर है, जिया गाइस उनको रिवाइव मिल चुका है। सीआरएक्स डिवाइन को बारहवें स्थान के ऊपर यहाँ पे यूजी एम्पायर डिलीट कर देगी, बैक टू लॉबी भेज देगी जिया गाइस। अब हैशटैग यूजी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल बात करेंगे हम इनके शुरुआत की, चारों प्लेयर्स को खाते में जोड़ा, चारों प्लेयर्स को अलाइव रखा, चार किल्स इनके खाते में तुरंत आ जाएंगे। बट सबसे अच्छी बात, चारों प्लेयर्स अलाइव है। पिछली बार हमने देखा टोटल गेमिंग ने इसी के बदौलत बुआ लिया था, इस बार यूजी ने अपने चारों प्लेयर्स को अलाइव रखा है। बस अंत तक अलाइव रखना यहाँ पे कहना कि एक काम होने वाला है, देखेंगे खुद को यहाँ पे अंत तक अलाइव रख पाएंगे या फिर। फिलहाल चलते बाकी सारे टीम के पास, टू बी एक अर्ली फाइट में बिल्कुल पंगा लेना पसंद करेगी सामने होने वाले गैलेक्सी रेसर्स, जहां गाइस बहुत ही ज्यादा करीब द मेज के ऊपर उतरना पसंद करते हैं, यही लैंड एंड फाइट में बिलीव करते हैं। बात की जाए टोटल रैंकिंग की तो टोटल गेमिंग 34 पॉइंट के साथ पहले पोजीशन के ऊपर नजर आएंगे। जिया गाइस फैन फेवरेट टीम टीम मिलेट उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, 30 पॉइंट्स के साथ सिर्फ 4 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि दोनों भारत की प्रभावशाली टीम टोटल रैंकिंग के ऊपर बैठकर डोमिनेट कर रही है टॉप 2 पोजीशन के ऊपर। जिया गाइस टोटल गेमिंग फर्स्ट पोजीशन, टीम मिलेट थर्ड पोजीशन, गैलेक्सी रेसर्स कभी भी कमबैक कर सकते हैं, अगर लैंड एंड फाइट में जीत हासिल करते तो 23 पॉइंट्स उनके पास होने वाला है। बट संजीव अगर चौथे स्थान से टॉप 3 में एंट्री करनी है तो हल्का सा यहां पे यार पुश करना होगा, एक डबल डिजिट किल वाला बुआ सर्वाइवर्स को दिखाना होगा। बिल्कुल, बस गैलेक्सी रेसर को दिखाना होगा, हर टीम को ट्राई करना होगा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेके जाने के। टोटल गेमिंग टीम मिलेट गैलेक्सी रेसर ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर की तरफ हमको देखने मिल जाएंगे, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला गाइस। एक ही बात बोलूंगा, सिर्फ एक गेम यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पर शुभम गर्ग की तरफ से एक सुपर चैट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 40 रुपीज का, बोलते हैं आई लव फ्री फायर एंड यहाँ पर स्पोर्ट टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो आपको गाइस बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट करते हैं ना, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिलने वाला। आप लोग देखो यार कैसे यहाँ पर टीम फाइट ले रही, कब वो उतर रही, क्या वो कितनी लूट उनके पास है, कैसे वो रोटेशंस ले रहे, कैसे फ्लैंकर्स उनके काम कर रहे। तो गाइस आपको जो नॉलेज है वो यहाँ पर बिल्कुल सीखने के लिए मिलेगा, आप लोग भी गेम के अंदर अप्लाई कर पाओगे। एंड साथ ही साथ गाइस आपको करना क्या है, कैरी मिनाटी की गिल्ड का लिंक, टूर्नामेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप लोग आजमा सकते हो आपका गेम प्ले कितना अच्छा बेटर है या फिर आपको जरूरत है मेहनत की। द्वारा अपने दोस्तों को बुलाइए एंड जाइए टूर्नामेंट ज्वाइन कीजिए, मंडे को होने वाला टूर्नामेंट एंड आप लोगों को मौका मिल सकता है कैरी मिनाटी के साथ खेलने का। जिया गाइस तो देर बिल्कुल भी नहीं करनी, यहाँ पर बात करूंगा मैं कमेंट सेक्शन को लेकर। एंड यहाँ पर एक कमेंट है जीवन गेमिंग की तरफ से, बोलते हैं सबको कर देगा बीट जब फॉर्म में आएगा टीजी डिलीट, तो देखना होगा डिलीट के यहाँ पर हैशटैग लगाए जाने लगा, इस हैशटैग यहाँ पर लगाते रहिए। मैं सारे कमेंट्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आपको हर एक शाउट आउट यहाँ पर दूंगा। एक और कमेंट आया अजय यादव की तरफ से, बोलते हैं क्यों पड़े हो चक्कर के, कोई नहीं है इलाइट के टक्कर में। आई थिंक यहाँ पर कमेंट है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं इलाइट के टक्कर में। देखना होगा टीम लीड के लिए यहाँ पर क्या कुछ लगने वाला है, सपोर्ट यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। बट टोटल गेमिंग, जी हाँ गाइस 11 टीम्स अलाइव है, 41 प्लेयर्स यहाँ पर होने वाले, बट सर्कल किसके पास निकल कर जा पाए, क्या हम लोग एक बार मैप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्कल यहाँ पर देख सकते हैं कैसे रोटेशन यहाँ पर टीम की तरफ से हमको देखने के लिए मिलने वाले, कौन कौन सी टीम्स यहाँ पर फाइट में इन्वॉल्व होंगे, किसके पास सेंटर यहाँ पर निकल कर आने वाले। जी गाइस बात करूंगा, 4 अननोन ऑलरेडी यहाँ पर हमको सर्कल के सेंटर में देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पर सभी टीम्स को रोटेशन देने होंगे, देखना होगा इन 4 अननोन जो एरिया लेकर बैठे हो कितनी देर तक इस एरिया को संभाल कर रख पाएगी। पीछे से हर एक टीम मुमकिन कोशिश करेगी कि यार सेंटर वो कवर अप कर पाए, जो टीम सेंटर में उनका एलिमिनेशन दे पाए। तो गाइस देखते हैं यार, चलते हैं वापस से गैलेक्सी रेसर की तरफ और जानते हैं ये फाइट क्या मुमकिन कर पाएंगे उनके सामने। यहाँ पर 2B गेमर होने वाले, जिया गाइस मैरी एक्शन, यहाँ पर गोलियां चलाकर लोकेशंस को रिवील बिल्कुल यहाँ पर कर देंगे। जी बिल्कुल गाइस, कहीं ना कहीं थर्ड पोजीशन के ऊपर गैलेक्सी रेसर्स इस बार टोटल रैंकिंग के ऊपर बैठी हुई है। देखेंगे इस बार अर्ली फाइट में क्या जीत हासिल करेगी या फिर ने अपने तीन टॉप 3 की पोजीशन अपने ही पास अगर रखनी है तो इस बार 2B गेमर को बैक टू लॉबी भेजना ही होगा, अपने चारों प्लेयर्स को अलाइव रखे। ऐसा नहीं कि लैंड एंड फाइट में आप जीत हासिल करते हो तो अच्छे खासे पॉइंट्स आ जाएंगे। जी गाइस अंत तक सर्वाइव भी करना है, चारों प्लेयर्स को अलाइव भी रखना है, एक बुआ यहां पे लगाना है बहुत ज्यादा मुश्किल है। 12 की 12 टीम प्रभावशाली है, कोई भी इतने आसानी से बुआ लेने देने वाला है नहीं। 2B विद 0 किल, बात गैलेक्सी रेसर्स विद 0 किल, बट और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ते हुए दोनों टीम्स कहीं ना कहीं सर्कल के बॉर्डर पर खेल रही है, नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट भी होगा, प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, तब प्रेशर में दोनों टीम्स को एक दूसरे के करीब आना ही होगा एंड फाइट लेनी होगी। इससे अच्छा अभी फाइट लो, इससे अच्छा अभी यहां पे किसी को वाइप आउट करके नेक्स्ट सर्कल में जाने की तैयारी की जाए। तो
गाइस सिचुएशन को एंड फ्यूचर को देखकर यहां पे कहना कि स्ट्रेटजीज पिक करनी होगी, कुक करनी होगी, उनका एग्जीक्यूशन यहां पे करना होगा। टीम इनिट एक प्लेयर यहां पे बहुत ज्यादा दूर आके हुए कहना कि मुआवजा कर रहा है, हर एक एरिया का चप्पा चप्पा छान मार रहा है, हर एक इंफॉर्मेशन यहां पे अपने टीममेट के साथ शेयर करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो गाइस ये एक बहुत ही नई स्ट्रेटजीज इस बार टीम इनिट की तरफ से निकली, अकेले प्लेयर को आगे भेजा, देख रहे क्या रास्ता क्लियर है या फिर नहीं, सारी इंफॉर्मेशन टीममेट के साथ शेयर कर रहे हैं एंड बाकी बचे हुए टीममेट्स का कारवा बिल्कुल उनको यूनाइट हो रहा है कि यानी कि हर एक दिशाओं पे जो कदम बढ़ा रहे वो फूक फूक कर रख रहे हैं। ऐसे ही अलर्ट रह के यहां पे टीम इनिट को आगे बढ़ना होगा, फिलहाल आरडीपी यूनाइट हो जाएंगे। पता चल चुका है कि इस एरिया में शाइंस के ऊपर कोई भी टीम सर्वाइव नहीं कर रही है, बिल्कुल यहां पे खतरा नहीं है, तो लूट भी की जाएगी, एक भारी भरकम लूट इस बार टीम इनिट के पास नजर आएगी। बट क्या गैलेक्सी रेसिस 2B को वाइप आउट करेगी, क्या इनको बैक टू लॉबी भेजा जाएगा। ग्रेनेड की बॉचार यहां पे की जा रही है, 82,000 नीचे से एक बहुत ही लंबा कवर फायर दे रहे, देखेंगे अपने प्लेयर्स को कवर फायर दे पाएंगे या फिर नहीं। बट राधे ठाकुर विद मैक्स 7 आगे बढ़ने की कोशिश, इनकी मैक्स 7 कुछ भी यहां पे मैजिक कर सकती है। अगर दो नॉक निकाले संजीव बक्से के पीछे दो प्लेयर्स होने वाले, उनको अगर धाराशाही किया तो 2B गेमर को डोमिनेट करने का एक सही मौका मिल सकता है, पर मौका मिल सकता है। जिया गाइस देख रहे हो गैलेक्सी रेसर्स राधे ठाकुर क्या नॉक करके देखा जाएगा, यहाँ पर एक नेट जो मजीशियन का कनेक्ट हो जाएगा एंड सी के साथ वासु यहाँ पर नॉक निकालेंगे थॉमसन गेमर्स से, देखते देखते यहाँ पर क्या किल को कंफर्म कर पाएंगे, एक और बार नॉक निकालते हैं, यहाँ पर रिवाइज की कोशिश बिल्कुल की जाएगी बट वास को तोड़ कर नॉक एंड फाइनली 2B गेमर जाएगी बैक टू लेवल। जिया गाइस 4 के सिखाते हैं, किसी भी प्लेयर को यहाँ पर नहीं खोया जाएगा। तो गाइस आपको करना है स्ट्रीम को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को यहां पर बुला के लाए। और साथ के साथ गाइस क्या आज हम लोग यहां पर 40,000 की वॉचिंग क्रॉस कर पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स को बुलाकर यहां पर लेकर आना है, देखना होगा सीएम यहां पर क्या पॉसिबल कर पाएंगे, ट्राई करेंगे यहां पर आगे की तरफ जाते नजर आने वाले क्या कोई नॉक यहां निकाल पाएंगे, ट्राई करेंगे इसी के साथ एक नॉक एंड सीएम यहां पर नॉक हो जाएंगे, क्या पॉसिबल होगा। जिया गाइस टीम ओपी बैक टू लॉबी बिल्कुल जाएगी। और साथ ही साथ गाइस आपको क्या करना है, कैरी मिनाडी के टूर्नामेंट का लिंक यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गिल्ड का लिंक भी दिया गया, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, टूर्नामेंट खेलकर प्राइस पूल जीतने का मौका पाइए और साथ ही साथ कैरी मिनाडी के साथ खेलने का मौका बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना, ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। सर इंश्योर कर लो अपनी जगह टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लो, अपने दोस्तों को बता दो कि यार हमें मौका मिल सकता है तो क्यों ना हम लोग टूर्नामेंट को विन करें एंड बहुत सारा प्राइस पूल यहां पर जीत कर जाए। एनसी के साथ गाइस बात करूंगा टीम लीड्स, अभी तक खाता नहीं खुला है बट लेफ्ट साइड में एक टीम होने वाली जो कि आएगी सर्वाइवर्स वेट कर रही है, फाइट यहां पर क्या हो पाएगी, क्या टीम को स्ट्रेटजी लगाएगी, क्या फ्लैंकर का काम करके पहाड़ यहां पर क्या कोई नॉक निकाल पाएंगे। सर्वाइवर्स पहला मैच बुआ, दूसरा मैच अर्ली एलिमिनेशन, तीसरा मैच आपके सामने देखेंगे इनकी स्टोरी लाइन किस प्रकार से होती है। बट एक सुपर चैट को शॉर्ट आउट देना चाहूंगा, ब्रोकन एफएफ की तरफ से 40 रुपीज का सुपर चैट आता है, बिल्कुल एक कमाल का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइज आपका प्यारा सपोर्ट ऐसे ही बना के रखेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। बस एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जो भी यहाँ पे सुपर चैट दे रहे हैं अपने सुपर चैट के साथ आपके टीम का नाम भी यहाँ पे स्पैम कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपका सपोर्ट किस टीम को जा रहा है। फिलहाल बात करेंगे हम यहाँ पे टोटल गेमिंग की फैन फेवरेट टीम यहाँ पे एक दूसरे फैन फेवरेट टीम के सामने आ चुके हैं गाइस, टोटल गेमिंग वर्सेस टीएजी यहां पे देखने को मिल सकते हैं। बट टीम एलिट भी यहां पे खुद लैंड एंड फाइट में बिल्कुल विश्वास करेंगे, देखेंगे इनके रोटेशंस क्या यहां पे आसान होने वाले। फिलहाल यहां पे टीम एलिट का आइकॉनिक बिल्कुल ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, 3 ग्रेनेड्स इनके हाथों में होने वाली बट वो फेंकने के लिए यहां पे एक सही एंगल की जरूरत है, ग्रैपलिंग हुक गन उनको जरूर मदद करेगी। फिलहाल हाइट का एडवांटेज आइकॉनिक के पास है, टीम एलिट काफी ज्यादा मजबूत सर्वाइवर्स के नॉक प्लेयर को रिवाइव मिल चुका है इस बार सर्वाइवर, क्या आलिया एलिमिनेट हो गए, क्या यहां पे नुकसान को बिल्कुल तब्दील किया जाएगा, एक ग्रेनेड यहां पे जाएगा, एक नॉक यहां पे देखने को मिलेगा, आइकॉनिक ग्रेनेड से कोई भी बच नहीं सकता। फिलहाल यहां पे बिल्कुल धमाके के ऊपर धमाके नजर आ रहे, देखेंगे इस बार गाइस क्या देखने को मिलेगा, टीम एलिट क्या सर्वाइवर्स को बैक टू लॉबी भेजेगी या फिर फिलहाल क्रोनोशील यहां पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड एक ग्रेनेड यहां पे सटीक निशाने पे जरूर था बट सर्वाइवर्स बिल्कुल अलर्ट। 3v4 बैटल क्या यहां पे पिक कर पाएंगे टीम एलिट, देखेंगे इस बार यहां पे क्या डोमिनेट कर पाएंगे, बिकॉज गाइस अभी हमने देखा टीएजी भी कहीं ना कहीं यहां पर आ सकती है, बहुत सारी प्रभावशाली टीम अपना अपीयरेंस यहां पे दिखा रही, तो आपको भी सपोर्ट दिखाना होगा, लाइक चैनल सब्सक्राइब रुकना चाहिए। हाइट का एडवांटेज एक फ्लैंकर का रोल प्ले कर रहा है इस बार यहां पे पहाड़ी, देखेंगे वुड पेकर के साथ खेलते नजर आ रहे स्नाइपर इनके हाथों में, नहीं कहना कि एक नया दौर यहां पे चल रहा है गाइस, समय देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेटजीज में बदलाव लाया जा रहा है, देखेंगे पहाड़ी हमारे स्नाइपर के साथ कब तक देखने को मिलता है। बट वुड पेकर के जलवे भी उनके कम नहीं है, M87 के यहाँ पे कहना के करारे शॉट लगाते हैं, देखेंगे इस बार यहाँ पे सर्वाइवर्स फॉर एम क्या टीम इलिट को डोमिनेट कर पाएगी या फिर फिलोसफी जी बात करना चाहूंगा सर्कल की, सर्कल इनके पास नहीं है, एडवांटेज नहीं है, दोनों को सर्कल के अंदर जाना है एंड यूजी एम्पायर इस पार्टी को ज्वाइन करेगी। तो गाइस देखेंगे यहां पे धमाकों में और भी ज्यादा रफ्तार नजर आएगी, बस कौन सी टीम सबसे ज्यादा रफ्तार में सर्कल का पोजिशन एक्वायर करेगी वही टीम यहां पे कहना कि डोमिनेट करते नजर आएगी। बट टीएजी को लेजेंड को यहां पे बिल्कुल रिवाइव करना होगा, बात की जाती है यहां पे लेजेंड को रिवाइव मिल चुका है, एक टीम की यहां पे एंट्री हो चुकी है सर जीव, 9 के 9 टीम सभी अलाइव है, 11 मिनट हो चुके हैं इस सर्कल में, अब
बहुत ज्यादा क्राउड नजर आने वाला है। बिल्कुल क्राउड नजर आने वाला, देखना होगा यहाँ पर क्या नॉट निकाल पाएंगे। ट्राई करेंगे चिया, बट दो प्लेयर्स यहाँ पर हो जाएंगे। गैलेक्सी रेसर भी निकालेगी दोनों के एनसी के साथ। आयुषम को यहाँ पर नजर आने वाला, बट टोटल गेमिंग यहाँ पर थर्ड पार्टी करेगा, कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रिवाइव यहाँ पर दे देगा, गैलेक्सी रेसर रेडी हो जाएगी एक और बार। पांच किल्स उनके पास यहाँ पर रहने वाले, देखना होगा 9 teams and 31 प्लेयर्स कैसे मुकाबला कर पाएंगे। ओपन एरिया पे हमें सर्कल यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले, बट फाइट यहाँ पर चलती ही रहने वाली। क्या कौन सी टीम यहाँ पर लेकर जाएगी बाल, एक तरफ ट्राई करने वाले। इस बार स्नाइपर्स देखना होगा, क्या माफिया के यहाँ पर स्नाइपर्स मिल पाएंगे या फिर क्या स्नाइपर शॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे। नीचे टाइटेनियम भी आपको देखने के लिए मिलने वाले। जी गाइस, सर्कल जाएगा यहाँ पर गैलेक्सी रेसर के फेवर में। देखना होगा टाइटेनियम से सामना करना कितना ज्यादा पॉसिबल रहेगा। एक नॉक ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के रखा जाएगा, सर्कल ओपन में रहेगा। फायर की तरफ चलना चाहेंगे, जाना चाहेंगे गैलेक्सी रेसर। ऑलरेडी वासियों को यहाँ पर खो दिया जाएगा। टाइटेनियम क्या पॉसिबल कर पाएंगे, ट्राई यहाँ पर किया गया बहुत ही शानदार डैमेज के साथ साथ। यहाँ पर ट्राई करें यहाँ पर रिवाइव, देखा रिवाइव जैसे मिलेगा जंप एंड शूट की टेक्निक यहाँ पर लगाया जाएगा। एक नॉक यहाँ पर निकलते हैं गैलेक्सी रेसर, कोई भी मौका नहीं देंगे। कोर नॉक यहाँ पर निकल जाएगा, चिया का छह किल हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। राधे ठाकुर एंड वीआर सियाज दोनों ही प्लेयर्स कहीं ना कहीं मचाते हुए हमको नजर आने वाले। एरो इस पर यहाँ पर एलिमिनेशन करते हुए नजर आ जाएगी। एंड यहाँ पर आई थिंक सोच समझ के फायर चलेंगे, वीआरसी यहाँ पर कवर फायर दे पाएंगे। एक नॉक यहाँ पर जुट निकाल के रखा जाएगा, क्या रिवाइव यहाँ पर दिया जाएगा। किल्स यहाँ पर कंफर्म करते हैं, टाइटेनियम को दिखा दिया गया सर, नो किल्स अब निकाल लेंगे। तो गाइस हैशटैग गैलेक्सी रेसर इन द कमेंट सेक्शन लगाइए। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा आप स्ट्रीम को अपने फ्रेंड्स को। जी हां गाइस, बुला कर लाइए। अगर आपने अभी तक टूर्नामेंट ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यार कैरी मिनाडी गिल को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत शानदार टूर्नामेंट यहाँ पर होने वाला, मौका है आपका। टूर्नामेंट जीतोगे तो यार कैरी मिनाडी के साथ खेलने का मौका आपको मिलेगा। जी हां गाइस, स्पेशल शाउट आउट्स मिलेंगे, देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। लिंक जो है वो चैट में पिन करके रखा है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। तो भाई जल्दी से आइए और टूर्नामेंट ज्वाइन कीजिए। देखेंगे इस बार यहाँ पे डिलीट को ज्वाइन करने के लिए कोई नहीं होने वाला। फिलहाल अकेले प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, टोटल गेमिंग की कमांड संभाल है। एंड जी हाँ, इतने सारे क्राउड में सर्कल में पोजीशन लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तब भी यहाँ पे अपने टीम के लिए लड़ रहे। टीम एलीट के आर्ट भी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। आइकॉनिक बिल्कुल आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, 47 यहाँ पे आने वाले, बहुत ज्यादा लो स्पीड करके रखा, बट खुद को भी बचाना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ रश करके देखने को मिलता है। किलर यहाँ पे ऊपर जाएंगे, एक नॉक यहाँ पे कन्फर्म करेंगे, तीसरा किल टीम एलीट के खाते में नजर आएगा। इसी के साथ साथ आरडीपी यहां पे बिल्कुल रिवाइव पा लेंगे, खुद को हिलअप करेंगे, तैयार हो जाएंगे इस फाइट के लिए। आइकॉनिक की बात करें तो बिल्कुल आगे बढ़कर एमएडेड 7 के साथ एक और किल, चार किल्स खाते में। लुक एट द कंट्रीब्यूशन हर एक प्लेयर की तरफ से, यहां पे एक एक किल आता हुआ देखेंगे। ये डबल किल कौन से प्लेयर कर पाते हैं, आरडीपी को यहां पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लो स्पीड करके एक कमाल का हेडशॉट यहां पे जाएगा। आरडीपी डबल किल करके टीम एलीट की ये जो रफ्तार है वो और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। 5 kills टीम एलीट के खाते में सर्वाइवर्स के, सोलो सर्वाइवर ऑलमोस्ट यहां पे नजर आ रहे हैं, नो डुओ सर्वाइवर है। देखेंगे इस बार यहां पे दो प्लेयर्स को क्या डोमिनेट कर पाएंगे या फिर, बट गाइस आपको बता दूं 14 मिनट यहां पे हो चुके हैं, 5 teams अलाइव है, 10 प्लेयर्स यहां पे मौजूद होने वाले। टोटल गेमिंग की कमान अभी भी संभाले बैठे हुए, डिलीट देखेंगे जाते जाते कितने प्लेयर्स को डिलीट कर पाएंगे टीम एलीट को। गेटकीप करने का एक मौका, बट अगर फायर नहीं करते तो ऊपर वाली टीम यहां पे कहना कि होने वाली, नीचे भी एक टीम है, आगे भी बढ़ना है, कहना कि फायर बहुत ज्यादा आ रहा है। इस बार एलिमिनेट होना पसंद करेंगे या फिर जाते जाते एक झटका लगाएंगे। फिलहाल यहां पे बहुत ही जल्दी टोटल गेमिंग बैक टू लॉबी भेजी जाएगी, 4th स्थान के ऊपर एलिमिनेट हो जाएगी। बात की जाए टीम एलीट के पास एक कमाल का मौका होने वाला है। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, टीम एलीट फैन फेवरेट टीम यहां पे मचाते हुए नजर आ रही है। आरडीपी का ये 1v2 क्लच सर्वाइवर्स को बैक टू लॉबी भेज देगा। फिलहाल बात करेंगे हम टीम एलीट के चल रहे की 8 kills खाते में, एक प्रोन पोजीशन में प्लेयर को नॉक किया, धाराशाही करके कमाल का भूया लीड यहां पे मचा देगी आरडीपी। यहां पे 4 kill के साथ एमवीपी का ट्रैक पा लेंगे। बट गाइस जिस प्रकार से एलीट यहां पे मचा रहे, जिस प्रकार से ये अपना नाम रोशन कर रहे, जो पहले से रोशन है, चार चार लगा रहे, वैसे आप अपने करियर में चार चांद लगा सकते हो। कैरी मिनाटी के गिल्ड को ज्वाइन करके एक बड़ा सा टूर्नामेंट आपका वेट कर रहा है। रजिस्टर कीजिएगा खुद को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन करके रखा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप गिल्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड जी हां, उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे जो उस टूर्नामेंट में टीम जीतेगी, कैरी मिनाटी खुद उस टीम को शाउट आउट देंगे, तो मौके बहुत सारे होने वाले, ढेर सारे प्राइजेस आपका इंतजार कर रहे। देर किस बात की, फटाक से गिल्ड ज्वाइन करो, खुद का नाम यहाँ पे रोशन करो। फिलहाल बात करना चाहेंगे टूर्नामेंट के बारे में संजीव, टीम एलीट ने फाइनली कलारी जैसे मैप में एक भूया करके दिखाया। बिल्कुल पर भूया निकाल कर दिखाएं गाइस, अब क्या टीम को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना। जब भी यार मैच कंप्लीट हो जाता है, मैं देखता हूं पर वाचिंग आती हो जाती है, फिर यार कुछ जो व्यूअर्स होते हैं वो चले जाते हैं। बट गाइस आपको छोड़ना नहीं, मैं आपको हर एक नॉलेज यहां पर देने वाला, इनफैक्ट प्रसाद भी आपको कुछ कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा देंगे जो हम यहां पर बताएंगे कि लाइक पहला मैच जो भूया निकाला वो सर्वाइवर्स ने यहां पर भूया निकाला, सेकंड मैच टोटल गेमिंग यहां पर भूया लेकर के, जिसमें से 4 kills डिलीट ने अकेले यहां पर निकाल दिया। हर एक चीज आपको यहां पर पता चलने वाले, आपको शेयर करना स्ट्रीम को अपने फ्रेंड्स को, यहां पर बुला कर लाना। बट तीसरा गेम यहां पर टीम एलीट 8 से 10 के लिए आप लेकर गए थे यार, कितने अच्छे कमबैक हमको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले। बड़े की बात बोलूंगा,
तीन मैचेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। क्या लगता है गाइस यार, तीन मैचेस के बाद किसका कमबैक होगा? जो भी टीम यहाँ पर बॉटम में रहेगी क्या ऊपर आ पाएगी? क्या आपकी फेवरेट टीम यहाँ पर तहलका मचा पाएगी? क्या वो टीम इलीट होने वाली? क्या वो टोटल गेमिंग गैलेक्सी रेसर? कौन सी वो टीम होने वाली हमें नहीं पता, बट आप जरूर जानते हैं। मोटिवेट आप लोग जरूर कर सकते हैं अपने फेवरेट टीम्स का हैशटैग बिल्कुल यहाँ पर लगते रहने चाहिए। क्या गाइस हम लोग 40,000 की वॉचिंग यहाँ पर टच कर सकते, आपको करना है क्या? स्ट्रीम को शेयर करना है एंड अपने फ्रेंड्स को बुला कर लाना, बताओ उनके यार बहुत कुछ नॉलेजफुल यहाँ पर हमें मिलने वाला है। जी बिल्कुल, सीखने वाली चीजें बहुत सारी होने वाली है गाइस। आप बहुत बार टूर्नामेंट देखते होंगे एक ही लॉबी में, जब इतनी सारी तगड़ी टीम आती है ना तो सीखने वाली बातें बहुत कुछ होती है। तो यार कैसे खेला जा सकता है इतनी सारी तगड़ी टीम के साथ? कैसे किसी के ऊपर रश किया जा सकता है? कैसे भारत की प्रभावशाली टीम को वाइप आउट किया जा सकता है? इन सारे टीम्स के एक सारे स्ट्रेटेजी के पैतरे आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिल रहा है। तो गाइज जैसा कि यार संजीव यहाँ पे कह रहे थे, बिल्कुल छोड़कर जाना नहीं है, हर एक चीज आपको डिस्कस करनी है। जी हाँ, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने के। फिलहाल बात करेंगे हम स्ट्रेटेजीज के बारे में। तीन मैचेस कंप्लीट संजीव, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों मैप अब कंप्लीट। एक सबसे ज्यादा फैन फेवरेट मैप, जी हाँ गाइस, वेल नोन मैप यहां पे आएगा। देखेंगे सर्कल कहां बनता है एंड प्लेन पाथ के बारे में बात किया जाए तो सेंटर ऑफ द मैप यहां पे गुजरता नजर आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट सेंटोस के ऊपर, एंडिंग पॉइंट ऑब्जर्वेटरी के करीब है। देखेंगे हमेशा की तरह टीम लीड अपने फेवरेट पोजीशन के ऊपर जाना पसंद करेगी, केप टाउन के ऊपर लूट करेगी, शॉपिंग भी की जाएगी। बट बात की जाए इस बार संजीव, तो टोटल गेमिंग एंड गैलेक्सी रेसर्स दोनों यहां पे कहने के अपने स्ट्रेटजी में बदलाव आ रहा है यार। टोटल गेमिंग मेल के ऊपर जाना पसंद कर रहे हैं, गैलेक्सी रेसर्स रिवर्स साइड के ऊपर जा रहे हैं। बात की जाए टीएजी तो ऑब्जर्वेटरी के ऊपर जाना पसंद करेंगे। फिलहाल फोर रन उनकी बात की जाए तो शिपयार्ड उनका फेवरेट प्लेस होने वाला, बट इस बार टू बी गेमर तहलका मचा सकते हैं बिकॉज हाई टियर जोन की लूट उनके पास होगी। वेलकम उनके पास है। देखना होगा स्टार्टिंग फाइट्स के कौन कौन सी टीम्स यहाँ पर लेने वाली, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमको नजर तो आने वाले, बट यार हर एक टीम थोड़ा सा दूर उतरी एक दूसरे टीम से, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर नजर आ जाएगी एक अच्छी लूट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले। गाइस यहाँ पर बोलना चाहूंगा अगला लाइव टारगेट जो यहाँ पर होने वाला है वो 37,000 लाइक्स का होने। तो गाइस जल्दी जल्दी आपको स्ट्रीम को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि गर्ल्स की टीम यहाँ पर मचाएगी। स्नेहा यहाँ पर किल निकाल दे, चिया गाइस सीआरएच डिवाइन बिल्कुल मचाते नजर आने वाले। टीम ओपी के कॉर्ड में नॉक करके रखा जाएगा, एक बहुत ही शानदार गेम प्ले हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बट शेड नहीं है, कैप्टन यहाँ पर डैमेज खाते नजर आ जाए, उनको अपने आपको बचाना होगा, यहाँ पर कोई भी किल नहीं देने का, अवॉइड करना होगा। चार किल यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि सामने सिर्फ दो ही प्लेयर्स बचे जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो एचपी में यहाँ पर रहने वाले। गाइस देखना होगा कौन कितने किल्स यहाँ पर लेकर जा पाएगा, बट गाइस आपको यहाँ पर फुल ऑन ट्राई करना, सपोर्ट यहाँ पर बनाकर रखना, हैशटैग बिल्कुल यहाँ पर लगाकर रखने हैं। जी हाँ गाइस, देखना होगा कितने किल सीआरएसटी वाले लेकर जाएगी टीम ओपी। आई थिंक कदम पीछे हटाते हुए नजर आने वाले, निक्कू ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो कर देगा, बट टोटल गेमिंग एंड गैलेक्सी रेसर की फाइट भी कहने की हमको सेम टाइम पर देखने के लिए मिल रही है। कहने की एक नॉक यहाँ पर निकाला जाएगा, देखना होगा किसके पास कितने किल्स हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले। जी हाँ गाइस, देखना होगा ये फाइट आई थिंक बहुत ही ज्यादा लंबी चलती हुई हमको नजर आने वाले। स्नेहा यहाँ पर ट्राई करेंगे आगे जाने के, बट क्या वो पॉसिबल कर पाए? क्या यहाँ पर रश किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? चिया फाइनली गाइस पकड़ ले जाएगा, लास्ट जो प्लेयर बचे वो यहाँ पर निकल जाएंगे। सुमिता कुमारी की तरफ से सुपर चैट यहाँ पर है 20 रुपीज का, सपोर्ट कर रही है हर एक टीम को। तो यार हमें प्यार देखने को मिल रहा है हमारे व्यूअर्स की तरफ से, तो गाइस आप लोग बिल्कुल अपना प्यार ऐसे बनाकर रखिएगा। बट बात करूंगा गैलेक्सी रेसर टोटल गेमिंग है, दोनों ही टीम्स का ड्रॉप लोकेशन सेम है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता ही मिलता है यार। दोनों टीम टकराते हैं और किसी को तो यहाँ पर खत्म होना ही होगा। वासियो का पकड़ा गया जो कि कैप्टन थे टीम के, एंड सी के साथ यहाँ पर रोटेशन लिए जा रहे थे कि सर्कल में जाए, लूट यहाँ पर ओली निकल कर आ चुके। बट वेस्ट हेलमेट कितने अच्छे रहेंगे, मैरी एक्स यहाँ पर ट्राई करेंगे। बट गाइस आपको कमेंट्स मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, ईस्ट और वेस्ट टीम लीड इज बेस्ट। या गाइस चौधरी गणेश की तरफ से एक कमेंट आया, और साथ ही साथ बात करूंगा यार जितने भी दिल है ना वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, दिल ही दिल यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, जो सपोर्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, तो गाइस आपको सपोर्ट दुगना करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल यहाँ पे दबाना होगा। फिलहाल टोटल गेमिंग की बात किया तो खाता इनका खुल चुका है, एक किल खाता में, चारों प्लेयर्स लाए हुए, ये सबसे ज्यादा बेहतर इन बात है। देखेंगे इस बार यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के कितने प्लेयर्स को धाराशाही कर यहाँ पे बैक टू लॉबी भेज पाएगी। फिलहाल देखेंगे यहाँ पे टोटल गेमिंग का खाता तो खुल चुका है, बट थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा गाइस बिकॉज टूर्नामेंट का सेकंड सेगमेंट शुरू हो चुका है, ये चौथा मैच आपके सामने है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे कहना है कि टोटल 6 राउंड से 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा राउंड यहाँ पे सामने है, टोटल गेमिंग का खाता खुल चुका है। गैलेक्सी रेसर्स हल्का सा अनहेल्दी होते हुए नजर आ रहे, देखेंगे इनकी स्टोरी लाइन इस बर्मुडा मैप में किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। फिलहाल बात करेंगे हम डिलीट के बारे में, जिनके हैशटैग्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे कमेंट सेक्शन में, वो काफी ज्यादा यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट रहने वाले। टोटल गेमिंग की शान माने जाते, टोटल गेमिंग का एक दमदार खिलाड़ी माने जाते, देखेंगे अपनी कलाकारी के साथ कितने सारे फैंस के दिल जीतना पसंद करेंगे। इस बार 9-4 हाथों में होने वाली है, शॉर्ट रेंज के लिए यहाँ पे करारा वेपन होने वाला। आगे बढ़ेंगे 12 एंड कहना के एक नए इलाके के ऊपर जाकर लूट करनी होगी बिकॉज मेल की लूट इतना
ज्यादा सफिशियंट नहीं रहेगी। हमें पता है टोटल गेमिंग एक नहीं दो नहीं बहुत सारे टीम के साथ पंगे लेते हैं। फिलहाल एक नया पंगा क्लॉक टावर का हमें देखने को मिल रहा है। 2B गेमर की बात किया तो बिल्कुल इनकी टीम एक टीम के सामने होने वाली टाइटन एम इस बार क्या यहाँ पे डोमिनेट करेगी, क्या एक डबल डिजिट किल वाला हुई है टाइटन एम की तरफ से देखने को मिलता है। एक हेडशॉट यहाँ पे चला जाएगा टाइटन एम के प्लेयर को नॉक करके रहेगा। देखेंगे ट्रेड फायर में यहाँ पे कहने के हैकर डाउन हो सकता है विद द स्नाइपर यहाँ पे कहने के द्वारा शेक करने की कोशिश। दो प्लस को नॉक करके रहेगा किल कंफर्म करने के लिए कमाल का हेडशॉट यहाँ पर आ जाएगा हैकर लिटरली प्लेइंग एज अ हैकर। या गाइस यहाँ पे कहने के कमाल का गेम प्ले रेड नंबर्स ओनली यहाँ पे हैकर की तरफ से देखने को मिल रहे। तीन किल्स खाते में देखते देखते चुटकियों में टाइटेनियम को अनहेल्दी करके रहेगा। एक कमाल का गेम प्ले जहाँ गाइस क्लॉक टावर ऑलमोस्ट 2B गेमर का होने वाला है। देखेंगे यहाँ से लूट कर सर्कल में भी जाना होगा बिकॉज इस बार सर्कल के बॉर्डर पर क्लॉक टावर होने वाला है। सर्कल भी अपनी अपनी चाल खेल रहा है, बस सर्कल की चाल से बचते टीम तो बिल्कुल एक बुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखेंगे अपना चौथा किल कब तक कंप्लीट करता है। फिलहाल टाइटेनियम की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर, नोनू अकेले बहुत ज्यादा प्रेशर में खेलेंगे। सिर्फ दो मेडिकेट्स यहाँ पे, सिर्फ एक ग्लोअल यहाँ पे नजर आ रही बट ग्रेनेड चाह रहे, यानी कि अगर एक रॉन्ग रश देखने को मिला 2B की तरफ से तो ग्रेनेड की तरफ से बिल्कुल यहाँ पे धाराशाही किए जा सकते हैं, एक अच्छा खासा बूस्ट दिला सकते हैं। फिलहाल टाइटेनियम के खाते में एक भी खेलने बट बाकी सारे टीम का गेम लिए देखेंगे। एक चीज आपको फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा गाइस, कैरी मिनाटी के गिल्ड में एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आपका वेट कर रहा है। तो फटाक से कमेंट सेक्शन में जो लिंक हमने पिन करके रखा है उसके ऊपर क्लिक करके गिल्ड ज्वाइन कीजिएगा, टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जी खुद को आप मौका दे सकते हो एक बड़ा सा बेहतरीन टूर्नामेंट जीतने का, खुद का नाम रोशन करने का। फिर से एक अच्छी बात गाइस ये होने वाले कि इस टूर्नामेंट में जो भी टीम जीतेगी कैरी मिनाटी खुद उनको शाउट आउट देंगे। तो अपना नाम रोशन करने के लिए बिल्कुल अपना काम शुरू कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो लिंक पिन करके रखा है उसके ऊपर क्लिक करके गिल्ड जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल यूजी के बारे में बात करेंगे, एक प्लेयर को नॉक करके रखा है बिल्कुल उनका किल कंफर्म करने के लिए कमाल का डैमेज देने की कोशिश बट जावा बॉय यहां पे नॉक हो जाएंगे। बचाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा चाहे कितने भी ग्लू वॉल क्यों ना लगाए। आखिरी सेकंड के ऊपर अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो जावा बॉय को यहां पे खोना पड़ता। फिलहाल तीन ग्लू वॉल्स लगा के उज्जवल ने जावा बॉय को फिर से एक बार तैयार किया है। देखेंगे संजय इस बार चौथे मैच में कौन सी टीम डोमिनेट करेगी, क्या नया नाम देखने को मिलेगा या फिर बुआ लिस्ट में कोई ना कोई रिपीटेशन नजर आएगा। जी बिल्कुल आप देखना होगा यूजी एम्पायर गाइस हमको यहाँ पर नजर आने दें। देखना होगा अगला लाइट टारगेट यहाँ पर 37,000 लाइट्स का बोला तो गाइस स्टॉक यहाँ पर निकाल लिया गया। जी गाइस आयशा पर नॉक निकालेंगे, जुनैद को नॉक करके रखा जाएगा। नेड यहाँ पर थ्रो होने वाले, क्या किल को कंफर्म कर पाएगा। जी हाँ कोई भी मौका नहीं मिलेगा, रिवाइव देने एंड सी के साथ पहला किल शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। खाता यहाँ पर खोल लेगा यूजी एम्पायर एंड ऊपर एरो के प्लेयर्स होने वाले हैं, पीछे तो एक और टीम आपको यहाँ पर नजर आने वाले। जी हाँ गाइस देखना होगा थर्ड पार्टी होने के चांसेस बिल्कुल यहाँ पर बढ़ने वाले। सर्वाइवर्स यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देना चाहिए, एरो स्पीड के ऊपर खतरा बढ़ने वाला। दो प्लेयर्स को जी हाँ नॉक करके रखा जाएगा। इकलौते प्लेयर एक यहाँ पर बचे, क्या निकल पाएंगे, क्या सर्वाइव यहाँ पर कर पाएंगे। जी हाँ देखना होगा बट गाइस उससे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रीम को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर यहाँ पर सेट कर लेना। जी हाँ गाइस सारे कमेंट्स में यहाँ पर पढ़ने वाले, यहाँ पर बात करूंगा आलू या टमाटर सब मिलेगा 20 रुपए किलो, और अगर स्नाइपर चलाना सीखना है तो पहाड़ी से मिल लो। जिया गाइस ये कमेंट होने वाला है एवायरल गुप्ता के साथ। यार शाउट आउट बिल्कुल आपको दिया जाएगा एंड टोटल रैंकिंग यहाँ पर निकलेगा आज के टीम लीड हाफ सेंचुरी के साथ हमको नजर आ जाएगी। 50 पॉइंट उनके पास है, सेकंड पर होने वाली टोटल गेमिंग 43 पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड पर गैलेक्सी रेसर 38 पॉइंट एंड फोर्थ पर होने वाली TSG आर्मी। जी बिलाल बात की करेंगे हम गाइस टोटल रैंकिंग के, TSG आर्मी कहीं ना कहीं एक कमाल का कमबैक करके टॉप 3 में अपना पोजीशन बना सकते हैं बट वो जो डिफरेंस है वो 8 पॉइंट्स का होने वाला है। एक डबल डिजिट किल्स हुआ और एक ही झटके में टॉप 3 में नजर आएगी। फिलहाल बात करेंगे हम एरो के प्लेयर्स के, M10 के साथ एक प्लेयर को धारा शेक किया बट कोई भी मौका नहीं दिया। इस बार सर्वाइवर्स अपना स्थान चीनने की कोशिश करेंगे। जी हां गाइस फिर से एक बार आपको बता दूं पहले मैच में सर्वाइवर्स ने कमाल का बुआ लिया था, बाकी के मैच में कहना कि अर्ली एलिमिनेशन का शिकार बनते चले गए। इसी के बदले टोटल रैंकिंग के ऊपर फिलहाल के लिए 5वें स्थान के ऊपर बैठे हैं बट गाइस जिस प्रकार से इस मैच की उनकी शुरुआत है कुछ हो सकता है। सर्वाइवर्स अपना स्थान चीनने के लिए इस बार कुछ भी कर सकते हैं। ये वॉर यहां पे चलता है बर्मुडा मैप्स के किंग यहां पे नजर आ रहे, देखेंगे इस बार यहां पे टीएजी क्या बर्मुडा इनके फेवरेट मैप में मचाएगी या फिर ने फिलहाल के लिए 0 किल खाते में। बट एक चीज आप गौर कीजिएगा गाइस, हाई टीएस जोन की लूट है यानी कि अटैचमेंट सबसे ज्यादा तगड़ी होने वाली है, लूट सबसे ज्यादा यहां पे डेंस होने वाली। तो देखेंगे अपनी भारी भरकम लूट के साथ सबसे पहला शिकार किसको बनाएगी। बहुत ज्यादा करीब मेरे मैप के अंदर बिल्कुल एक टीम नजर आ रही है ग्राउंड शेयर करते हुए, दो प्लेयर्स यहां पे कहना के होने वाले। थोड़ा सा बचकर खेलना अगर ओपन एरिया में स्पॉट होते तो रिजेस का फायदा भी नहीं मिलेगा एंड एक झटका यहां पे लग सकता है विदाउट टेकिंग अ किल। अगर एलिमिनेट होता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा बचे हुए सिर्फ
सही सुन रहे हो, अब सिर्फ दो मैचेस में, इसके बाद सिर्फ दो मैचेस होने वाले गाइस कमबैक करने के लिए या फिर कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए। बट टीएजी यहां पे कहना कि निर्णय ले लेगी फाइट लेने का, एंड देखते देखते यहां पे पीछे से कॉल आया, अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की जाएगी। जी हां गाइस, थोड़ा सा अलर्ट रहकर खेलना होगा, बट आपको यहां पे सपोर्ट करते रहना चाहिए गाइस। ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, कहना कि यार हर एक लाइक है हर एक टारगेट हम क्रॉस करते रहेंगे, एंड हर एक मैच में हमारी टीम मचाती हुई नजर आएगी। तो कहना कि हम दोनों मिलकर यहां पर काम करेंगे। फिलहाल सर्कल शिफ्ट हो जाएगा, देखेंगे किस टीम का फेवर करता है, पीक का एरिया, पुचिनॉक का एरिया, कोटाटुआ का हल्का सा एरिया, इन तीनों एरियाज को कवर करेगा नेक्स्ट सर्कल। बट बात की जाए यहाँ पे टीम्स की, तो गाइस फोर रनर ऑलमोस्ट सर्कल के बॉर्डर पर है। गैलेक्सी रेस सर्कल के अंदर बात की जाए, यूजी की सर्कल के अंदर, टीम एलिट भी सर्कल के अंदर अपना पोजीशन बना चुके हैं, सर्वाइवर्स ने भी अपने कदम जमा चुके हैं। बट बात करेंगे हम टोटल गेमिंग टीएजी की, एंड जी हाँ एक टीम टू बी गेमर की, ये तीन टीम्स बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रही है टीम एलिट के सामने। यहाँ पे सीआरएक्स टीमान का खतरा हो सकता है, क्या लगता है संजीव, अगर पीछे से यहाँ पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश की, अगर पार्टी को ज्वाइन किया तो सीआरएक्स टीमान के साथ यहाँ पे टीम एलिट को पंगा लेना पड़ सकता है। बट फोर रन उनको सर्कल के अंदर जाना है, टू बी को फटाफट यहाँ पे बैक टू लॉबी भेजना होगा। बिल्कुल बैक टू लॉबी भेजना होगा। गाइस यहाँ पर सुपर चैट आया है रुबेल बॉस की तरफ से, 20 रुपीज का सुपर चैट, यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूंगा। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, देखना होगा कितना हो जाता है नॉलेज उनके यहाँ पर मिलेगा। बट आई थिंक डेड सोल का नेट क्या परफेक्ट निकल रहा है, जिया एक टॉक निकल के रखा जाएगा, हैकर ही अपना हो जाएगा, टू बी गेमर ट्रबल में वर्सेस सी के साथ रश किया जाएगा, ना के बचे प्लेयर उनको फिनिश ऑफ करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, टू बी गेमर यहां पर एलिमिनेट हो जाएगी 10th पोजीशन के ऊपर, एंड फोर अननोन चार किल्स अब निकालेंगे। जिया गाइस डेड सोल कुनाल विजाडो बचे रहने वाले तीनों प्लेयर्स यहाँ पर बिल्कुल मचाएंगे। गाइस आपको भी यहाँ पर मचाते रहना, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर करो, और हम लोगों को कैसे भी करके आज 40,000 की वॉचिंग यहाँ पर क्रॉस करने, रिकॉर्ड यहाँ पर बना रहे हैं। सबको बता दो कि आज यहाँ पर आपकी फेवरेट टीम है, एंड हम लोग हर एक रिकॉर्ड आज यहाँ पर तोड़ने वाले। यूएवी लाइट यहाँ पर मंगवा लिया गया, तो देखना होगा ये टीम्स जो है वो लोकेशंस रिवील हो जाएंगी, एंड टोटल गेमिंग से लीड यहाँ पर आगे बढ़ेगा। टीएचजी वर्सेस टोटल गेमिंग, क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा, कौन जाएगा सर्कल में, एंड ये चीज हमको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। 9 टीम्स अलाइव, 30 प्लेयर्स बिल्कुल। जी हां गाइस, एक हेडशॉट का स्वागत करेंगे, डिलीट के हेडशॉट हमेशा हमेशा यहाँ पर ओपी रहते हैं, नॉक यहाँ पर बिल्कुल निकालते हैं। बट यहाँ पर टीएचजी होने वाले जो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, तो मुकाबला बहुत ज्यादा रोमांच पर जाने वाला गाइस, देखना होगा कौन यहाँ से जीत लेकर जाएगा, अपने नाम करेगा। बट गाइस लाइक करते रहेगा, 37,000 लाइक्स का टारगेट होने वाला है, ना आपको जल्दी से जल्दी लाइक करना, शेयर करना स्ट्रीम को, 40,000 की वॉचिंग बिल्कुल हमें क्रॉस करनी है। बट यार ड्रोन की मदद से हमको यहाँ पर देखने लिए मिल जाएगा टीएचजी एंड टोटल गेमिंग दोनों की लोकेशन, एंड गैलेक्सी रेसर प्रसाद सीमेंटेड हाउस में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, गैलेक्सी रेसर सीमेंटेड हाउस में, नीचे वुडन हाउसेस में टीएचजी एंड ब्रोकन हाउस में यहाँ पे टोटल गेमिंग होने वाले हैं। फोर अननोन भी यहाँ पे आ जाएगी, तो गाइस पीक के इस एरिया में चारों प्रभावशाली टीम भारत की, टीएचजी, फोर अननोन, गैलेक्सी रेसर एंड टोटल गेमिंग, चारों टीम्स को अब एक दूसरे के विरुद्ध लड़ना होगा। देखेंगे पीक के इस एरिया में कौन सी टीम जीत हासिल करके जाएगी, बिकॉज गाइस ये एरिया सर्कल के बॉर्डर पर होने वाला है, अगर सर्कल के अंदर तो इन चारों टीम्स को एक दूसरे में भिड़ंत लेनी होगी। देखेंगे इस बार टोटल गेमिंग किस टीम को बैक टू लॉबी भेजवाएगी, चारों के चारों प्लस अभी के लिए अलाइव जरूर है, दो किस खाते में जरूर, एक खाता इनका खुल चुका है, यानी कि शुरुआत बहुत ज्यादा ओपी हो गई है। बट गाइस अंत भला तो सब भला, देखेंगे इस बार यहां पे बर्मुडा मैप का अंत किस टीम के लिए भला ही लाता है। फिलहाल टीएजी बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा, टोटल गेमिंग की आके उनके ऊपर यहां पे टिकी हुई है। फिलहाल यहां पे हल्का सा डैमेज देने की कोशिश टीएजी आयुष को की जरूर गई थी, बट देखेंगे लेफ्ट साइड से ओजस्वी कहीं ना कहीं इस फाइट में बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं, फ्लैंकर का रोल प्ले करते हैं, ओजस्वी की यहाँ पे बिल्कुल क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं अपने टीम की तरफ से एक प्रभावशाली प्लेयर है, एंड चुटकियों में यहाँ पे बिल्कुल रुख मोड़ा जा सकता है उस प्लेयर की मदद से। देखेंगे इस बार यहाँ पे कहना कहीं टोटल गेमिंग ने सोच लिया कि इस फाइट से रिट्रीट करेंगे खुद को, अब टीएजी का पीछा छोड़कर सर्कल के अंदर कैसे जाए उसके ऊपर काम करेंगे। जी हां गाइस, कहना कहीं आपको भी ये बात सीखनी होगी, अगर आप टूर्नामेंट खेलते हो तो बिल्कुल टूर्नामेंट खेलते खेलते एक ऐसा मोमेंट आ जाएगा जब आपको छोड़कर सर्कल के अंदर जाना मुनासिब समझना होगा, कहना कहीं इंपॉर्टेंट समझना होगा। फिलहाल देखेंगे टोटल गेमिंग को सर्कल के अंदर जाने के लिए बिल्कुल निकल चुके हैं, बट टीएजी को भी निकलना होगा। इस बार लेजेंड को खोया गया है, देखेंगे तीन शेयर अपना खाता कब तक खोल पाएंगे, बहुत सारी टीम सलाइव है। गाइस आपको बता दूं 13 मिनट यहां पे हो चुके हैं, 9 टीम सलाइव है, 30+ मौजूद है, देखेंगे इस बार अपना नाम टीएजी इतनी सारी क्राउड में कैसे रोशन करेगी। फिलहाल नाम रोशन करने का मौका आपको भी मिलने वाला है गाइस कमेंट सेक्शन में, कैरी मिनाटी के गिल्ड का लिंक पिन करके रखा है, आपको एक बड़ा
सा टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलने वाला है उसमें आप अपना नाम भी रोशन कर सकते हो, अपना गेम तराश भी सकते हो। जी हाँ, अगर आप उस टूर्नामेंट में जीतते हो तो कैरी मिनाडी खुद उस टीम को शाउट आउट देंगे। तो देखेंगे गाइज आप कब तक ये मौका पाते हो, फिलहाल फटाक से गिल्ड ज्वाइन कीजिएगा। जी हाँ, आप अपने फ्रेंड्स को भी मौका दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस टीम को एंड यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बताएगा कि आपकी फेवरेट टीम इस चौथे मैच में यहाँ पर मच्छा रही है। तो क्या लगता है संजय, इस बार बर्मुडा का किंग कौन बनेगा? जी बिल्कुल, आप देखना होगा बर्मुडा का किंग कौन यहाँ पर बनकर जाएगा। एनसी के साथ टीम लीड अभी तक खाता कोई भी नहीं खोला जाएगा, बट गाइस सर्कल का सेंटर आने वाला है पोची नोक पर सीमेंटेड हाउस के साथ। एनसी के साथ जितने ज्यादा टीम्स होंगे उतना ज्यादा यहाँ पर थर्ड पार्टी होने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। बट टोटल गेमिंग आते कुनाल छह आर का पढ़ने को कहते हैं, फोर अननोन क्या निकल पाएंगे, क्या वो ट्राई करेंगे, क्या कोई नॉक यहाँ पर निकल कर आ पाएगा, ट्राई करेंगे फोर अननोन को जल्दी जल्दी पर पकड़ जाए विजार्डो। जी हाँ, यहाँ पर नॉक हो जाएगा, डिलीट कोई भी मौका नहीं देना चाहेंगे। इसी के साथ रश यहाँ पर बिल्कुल किया जाएगा, कुनाल जी आर के ऊपर नेट्स की जो बारिश है वो यहाँ पर होने वाले बाल यहाँ पर ट्राई करेंगे, बट यहाँ पर फौज दिया जाएगा नॉक करके निकल जाएगा कुनाल छे आर और से यहाँ पर नॉक निकालेंगे। इसी के साथ रिवाइव दिया जाएगा, जल्दी जल्दी यहाँ पर अपने कदम पीछे हटाने होंगे, बट डिलीट आई थिंक लगता नहीं यार कोई भी मौका यहाँ पर देने वाले, ट्राई करेंगे। ओ माय गॉड, टोटल गेमिंग तीन प्लेयर्स यहाँ पर नॉकडाउन हो जाएंगे, माफिया इकलौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे, क्या वो नॉक निकाल पाएंगे? जी नहीं, यहाँ पर फोर रन नो एलिमिनेशन देगी टोटल गेमिंग का, सेवन किल्स यहाँ पर अपने नाम करते हुए नजर आ जाएंगे। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। गाइस क्या हम लोग 40,000 की वॉचिंग क्रॉस कर पाएंगे, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। यहाँ पर बुला कर लाइए विजार्डो की, ओ माय गॉड डबल स्नाइपर हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जी बिल्कुल, देखेंगे इस बार गाइस आपको भी शेयर करना होगा विजार्डो, देखेंगे इस बार अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा शेयर करते हैं अपनी टीम के नाम। सेवन किल्स यहाँ पे, फोर रन उनके हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आ चुके हैं गैलेक्सी रेसर्स एक प्लेयर को स्नाइपर के साथ, विजार्डो यहाँ पे नॉक करेंगे, एक मैजिकल शॉट यहाँ पे नजर आएगा विजार्डो का, मैजिक डबल किल अपने टीम के खाते में जोड़ देगा। गैलेक्सी रेसर्स के दो सर्वाइवर्स ऊपर की तरफ होने वाले, फोर रन उनके ट्रिपल किल यहाँ पे बिल्कुल हो चुके हैं। गाइस डेड सोल की तरफ से डबल किल यहाँ पे हो चुके हैं, कुनाल की तरफ से डबल किल, विजार्डो ऐड कर देंगे, भीम जो फिनिश ऑफ हो चुके हैं एक किल कर। फिलहाल यहाँ पे डेड सोल इन गेम लीडर को यहाँ पे नॉक किया जाएगा, देखेंगे उनको बचाने का मौका मिल पाता है या फिर फिलहाल कोई भी मौका नहीं मिलेगा। फोर रन उनको गैलेक्सी रेसर्स इस बार थोड़ा सा आनंदी करेंगे, ट्रेड फायर में विजार्डो भी अपना काम करेंगे, एक बुलेट एंड एक नॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंगल बुलेट अगर कनेक्ट होते उस प्लेयर को तो कहीं ना कहीं बैक टू लॉबी भेजाएगा, एंड भेजा भी गया है आठवें स्थान के ऊपर गाइस। गैलेक्सी रेसर्स बैक टू लॉबी भेजी जाएगी, एक कमाल की बेहतरीन टीम कहीं ना कहीं डोमिनेट हो जाएगी। देखेंगे इस बार यहाँ पे टीम लीड मचाएगी, यहाँ पर इस बार मौका है, दस्तूर है, सब कुछ है, बस अलर्ट यहाँ पे रहना होगा, बस चारों प्लेयर्स को अंत तक सर्वाइव करना होगा। सात टीम्स अभी भी अलाइव एंड टीम लीड के ऊपर एक टीम का यहाँ पे कहना के डोमिनेशन पावर नजर आ रहा है। सर्वाइवर्स बहुत ज्यादा करीब होने वाली, पहाड़ी को यहाँ पे नॉक करके रखा है, उनको बचाना होगा, हर एक संभव कोशिश करनी होगी। बिल्कुल सर्वाइवर्स यहाँ पे मौका नहीं देंगे, बट संजीव क्या लगता है एक आखिरी सर्कल देख के कहना की यहाँ पे टीम मचा रही तो जरूर है, बट सर्कल एकदम ओपन में कितना ज्यादा फायर पावर दिखा पाएंगे? 14 मेडिकेट्स एंड 6 ग्लू वॉल्स यहाँ पे होने वाली आइकॉनिक के पास। बिल्कुल देखना होगा आइकॉनिक यहाँ पर एक ड्रॉप निकालेगी, जी सर्वाइवर्स हर्ष को नॉक करके रखा जाएगा, साथ ही साथ एक होगा आगे यहाँ पर बढ़ेगा सिंह के साथ, क्या निकल पाए, क्या पॉसिबल कर पाएंगे टीम लीड अप यहाँ पर देखने के मिल जाएगा, छोटा सा एरिया होने वाले सर्वाइवर की बात। जी हाँ गाइस, गोलियां चला जाएगी, नेट से यहाँ पर थ्रो किए जाएंगे, किलर क्या यहाँ पर पॉसिबल कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा किल्स अपने खाते में यहाँ पर निकाल पाएंगे, बट सर्कल जाएगा ऊपर की तरफ, जो भी टीम ऊपर रहेगी उनको एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा किल्स पर टोर पाएंगे। बट आई थिंक आरडीपी एक तरफ नजर आने वाले, बैटिंग ऊपर टी एच होने वाली, गोलियां ऊपर चलाए जा रहे, बट क्या वो रोक पाएंगे टी टीम मिनट को, सर्वाइवर्स को रास्ते पर दिखा देगा। और साथ ही साथ गाइस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया कैरी मिनाटी के गिल का, तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए और टूर्नामेंट के लिए जीतने का मौका पाइए, और साथ ही साथ आपको कैरी मिनाटी तक खेलने का मौका मिलेगा। तो देर नहीं करनी यार, उसका लिंक यहाँ पर गिल का लिंक टूर्नामेंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। गाइस फाइट की तरफ बात करेंगे, फोर रनो चिया गाइस टीएलजी 8 के सब निकलते कर एक्शन। जी हाँ, यहाँ पर क्या किया जाएगा, यूजीएम पर को एलिमिनेशन देते हैं, फाइनली एक और टीम टाइटेनियम को बैक टू लॉबी करते हैं, 11 के सब गाइस हैशटैग लगाइए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, एंड फिर से एक बार बता दूंगा जो जसवी विद 5 किल्स यहां पे कहना के बूस्ट दिला देंगे टीएचजी के खेल मेडर को, फिलहाल 11 किल्स खाते में, बट देखेंगे ये भूया कितने सारे किल्स के साथ होने वाला है। फिलहाल दो टीम चलाए हुए, 5 प्लेयर्स यहां पे मौजूद होने वाले, बट टीएचजी के एक प्लेयर को यहां पे नॉक करके रखा है, देखेंगे ओजेसवी एंड आयुष क्या इस भूया को अपने खाते में जोड़ पाएंगे या फिर अपनी क्रोन शॉट एक्टिवेट करके एक और किल जोड़ा जाएगा। 12 किल्स टीएचजी के यहां पे कंप्लीट हो चुके, बट आयुष दिस स्नाइपर मैन फ्रॉम टीएचजी यहां पे बिल्कुल एक कमाल का कंट्रीब्यूशन लगाते नजर आ रहा है, एक बेहतरीन कवर फायर M87 ओजेसवी के हाथों में। रोटेशंस लेने होंगे सर्कल के अंदर जाने के लिए, कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, ओजेसवी यहां पे कहना के डैमेज हो सकते हैं सर्कल की मदद से, टीम लेट के किलर अकेले यहां पे धाराशाही करने की कोशिश, यहां पे कहना के दो ग्रेनेड जरूर है, बट कोई भी फायदा नहीं होगा, रोटेशन यहां पे लिया जाएगा, 1v1 बैटल यहां पे बिल्कुल कोई भी मौका नहीं देगा इस बार स्नाइपर मैन आयुष
टीएनजी की कमान संभालेंगे। कमाल का बुआ यहाँ पे टीम एलीट के किलर के प्रभावशाली प्लेयर के साथ 1v1 बैटल पिक किया। ओजस्वी खुद यहाँ पे एमवीपी बन जाएंगे। कमाल का गेम प्ले, ऑलमोस्ट 5 से 6 किल लेकर यहाँ पे ओजस्वी एमवीपी बन चुके हैं। संजीव, जितने ज्यादा यहाँ पे किल पॉइंट्स उठा रहे उतने ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट्स भी एक्वायर कर रहे हैं। टीएनजी टोटल रैंकिंग के ऊपर सीधा रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। बिल्कुल, रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। साथ साथ बोलना चाहूंगा, हमारा इस वक्त चल रहा है यहाँ पर मेगा सीजन इन्विटेशनल, एंड यहाँ पर जितनी भी टीम्स लगातार मचाते नजर आ रहे हैं, आपको भी मचाना है। फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक कैरी मिनाडी गिल ज्वाइन नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और साथ ही टूर्नामेंट चल रहा है, जल्दी से जाके ज्वाइन करो मंडे को होने वाले टूर्नामेंट, और आपको मौका मिल सकता है कैरी मिनाडी के साथ खेलने का। शाउट आउट मिलेंगे और आपको टूर्नामेंट विन करना है, बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। अपने दोस्तों को बताइएगा और जल्दी से जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखना होगा यहाँ पर, यार मैं बात करूंगा, हर एक बुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। टीएसजी का ये जो बुआ है ना, 12 और 13 किल, आई थिंक 13 किल के साथ यहाँ पर बुआ निकाला गया। तो देखना होगा कितना अच्छा कमबैक यहाँ पर करने वाले, क्या फर्स्ट पोजीशन लेकर जा पाएगी टीएसजी। अगर गाइस लेकर जा पाएगी तो बिल्कुल हैशटैग लगाइएगा। जी बिल्कुल गाइस, कलरफुल हार्ट्स, अपनी टीम के नाम, उनके हैशटैग्स, बिल्कुल आपका सपोर्ट यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहेगा। जी हाँ गाइस, फिर से एक बार बताना चाहूंगा, एक बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैरी मिनाटी के गिल्ड में एक बड़ा सा टूर्नामेंट आपका इंतजार कर रहा है। तो गाइस देर किस बात की, फटाक से कमेंट सेक्शन में उनके गिल्ड का लिंक स्पैम करके रखा है, पिन करके रखा है, एक क्लिक एंड गिल्ड ज्वाइन कीजिएगा। कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में आप अगर रजिस्टर करते हो एंड जीतते हो तो गाइस कैरी मिनाटी खुद आपके टीम को यहाँ पे शाउट आउट देंगे। तो संजीव एक शान की बात होगी यार, एक टूर्नामेंट जीतकर यहाँ पे कहना कि एक झटके में अपना नाम रोशन करने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, आप अपना नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। तो गाइस बार बार ये मौके मिलने वाले नहीं, तो जल्दी से टूर्नामेंट ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने और प्रसाद ने तो फटाफट से ज्वाइन किया। अगर आपने नहीं किया तो यार जल्दी से ज्वाइन करो, मौका पाओ कैरी मिनाटी के साथ खेलने का। बट गाइस अभी हम लोग बात करना चाहेंगे, हमारा जो अगला मैच यहाँ पर होने वाला गाइस वो होगा परगेटरी मैप। एंड जैसे कि प्रसाद ने थोड़ी देर पहले बोला था, टीएचजी 2B गेमर एंड एरो स्पोर्ट 3 टीम्स जाएंगी ब्राजील के ऊपर। देखना होगा क्या और भी टीम्स वहां पर उतरने वाली, क्या गैलेक्सी सर वहां पर उतरेगी या फिर क्या टोटल गेमिंग इस बार अपना रास्ता चेंज कर रही है, ब्राजील के ऊपर आएगी। हर एक टीम के ऊपर हमारी नजर बिल्कुल यहाँ पर बनी रहेगी, बट देखना होगा कौन कौन सी टीम्स कहाँ कहाँ पर जाने वाले, कितने किल्स यहाँ पर निकाल कर रखे जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी सारे पैतरे सारे स्ट्रेटेजी दिमाग में रखने होंगे। बिल्कुल गाइज, बात की जाए 2-3 टीम की तो ब्राजील के ऊपर एरो की टीम भी उतरती, बट क्या इस बार स्ट्रेटेजी में बदलाव किया जाएगा, बिकॉज आखिरी के 2 मौके होने वाले, तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। टीएजी के साथ यहाँ पे 2B की टीम बिल्कुल ब्राजील पे उतरेगी, बट अर्ली एलिमिनेशन का झटका कौन सी टीम खाएगी। फिलहाल एक बात यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स को भी ध्यान में रखनी होगी कि उनके ही करीब फायर ब्रिगेड के ऊपर टीम ओपी उतरती है, तो कहना कि अर्ली एलिमिनेशन का चांस उनके पास, यानी कि उसके रिस्क उनके ऊपर भी हो सकती है। तो देखेंगे इस रिस्क से किस प्रकार से बच पाएंगे। यूजी की टीम आप वर्स के ऊपर किसको डोमिनेट करेंगे। जी हां गाइस, हर एक एरिया में यहां पे कहना कि आपकी फेवरेट टीम मचाने वाली है, बट टीम एलीट के पास यहां पे इस बार लक फैक्टर बिल्कुल काम करेगा। उनके फेवरेट प्लेस के ऊपर स्की लॉज के ऊपर हार्ड टियर जोन बन चुका है, तो पार्टी इस बार यहां पे डबल स्नाइपर के साथ मचा सकते हैं। फिलहाल ब्राजील के ऊपर उतरा जाएगा, बहुत सारे कलरफुल टीम्स यहां पे नजर आ रही है ब्राजील के ऊपर। फिलहाल बात करेंगे अब टाइटेनियम की टीम की, गोल्फ कोर्स के ऊपर जाकर लूट करना पसंद करेंगे गैलेक्सी रेसर्स इस बार सेंट्रल के ऊपर। यूजी की टीम यहां पे कहना कि कैंप साइट के आसपास नजर आ रही है, बात की करेंगे हम संजीव टीम ओपी की, तो स्ट्रेटजी में बदलाव नजर आ रहा है, फायर ब्रिगेड के ऊपर उतरते हैं, बट इस बार टीएजी के साथ ब्राजील के ऊपर ग्राउंड शेयर करेंगे। बिल्कुल ग्राउंड शेयर करेंगे, देखना होगा 2B गेमर गाइस हमको आगे बढ़ते हो। जिया गाइस नजर आने वाले टीम ओपी, जिया गाइस अब रुकना होगा, देखना होगा कितनी देर तक कमान यहां पर संभाल कर रखने वाले हैं। एक नॉक यहां पर निकल आज के ट्रिगर को नॉक करके जो क्या उनको रिवाइव मिलेगा, देखना होगा जल्दी से जाएंगे बॉल यहां पर लगाने, बट यहां पर आई थिंक फिनिश ऑफ करने के लिए 2B गेमर से प्रोडक्शन जिया यहां पर आ जाएगा, साथ ही साथ किल्स को कंफर्म कर लिया जाएगा। बट आई थिंक मैजिशियन को थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, क्योंकि नेट्स यहां पर थ्रो किए जाने वाले, टीम ओपी कितनी देर तक अपने आप को यहां पर संभाल कर जी हां रखने वाले। आगे बढ़ेंगे, सीधा बात करना चाहूंगा, आई थिंक मैजिशियन को बहुत ही ज्यादा डैमेज यहां पर दे देगा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, मैं आपको अगला लाइक टारगेट यहां पर जरूर देना चाहूंगा। हमारा गाइस अगला जो लाइक टारगेट यहां पर होने वाला है गाइस वो होगा इस बार हमारा 43,000 लाइक्स के। तो गाइस रेडी हो जाइए, एक साथ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट के लिए। क्या हम लोग 43,000 लाइक्स ये मैच खत्म होते होते क्या कंप्लीट कर पाएंगे, तो गाइस सपोर्ट यहां पर दिखाते रहेगा। बट 2B गेमर मैं यहां पर बात करूंगा, ऊपर टीएचजी आरबीबी है, नीचे एरो स्पोर्ट भी होने वाले, थोड़ा सा संभल कर उनको फाइट लेने को, जल्दी जल्दी या तो फाइट खत्म करो या तो अवॉइड करके यहां से रोटेशन लेकर कोई कंपाउंड होल्ड कर लो। जी बिल्कुल, फिलहाल बात करेंगे हम यहाँ पे स्ट्रेटजीज के बारे में। टीम ओपी को यहाँ पे 3 प्लेयर के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाना होगा, बिकॉज एक
नहीं दो नहीं तीन टीम यहाँ पे नजर आ रही है ब्राजील के इस एरिया में। अगर अपना झंडा गाड़ना है तो तीनों प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहकर हर एक दूसरे के करीब रहकर खेलना होगा, यानी किसी का नॉक निकलता है तो उनको तुरंत यहाँ पे रिवाइव दे पाए। फिलहाल स्प्रिंट स्ट्रैटेजी यूज की जा रही है, इनके एक टीम मेट इनसे काफी ज्यादा दूर है, अगर उस एरिया के ऊपर नॉक देखने को मिलता है तो बिल्कुल रिवाइव देने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। एंड पीछे से एक नई टीम यहाँ पे कहने के इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे कहने के धमाके देखने को मिल सकते हैं। टीएसजी ऑल द सेवन हाउसेस यहाँ पे लूट कर रहे हैं। बात करेंगे हम डाउन सिटी की तो बिल्कुल बाकी सारे टीम डाउन सिटी में रहने वाली, बट टीएसजी का कारवा यहाँ पे किसी को भी शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ सकता है। एक नई टीम यहाँ पे यूजी ने इस बार अपना स्ट्रैटेजी में बदलाव लाया, इस बार उतरेगी ब्राजीलिया के ऊपर, टीएसजी के साथ ग्राउंड शेयर करेगी, यानी कि दो टीम्स ने स्ट्रैटेजी में यहाँ पे बदलाव लाया है। एक टीम ओपी जो उतरती है यहाँ पे बहुत बार सेंट्रल के ऊपर फायर ब्रिगेड के ऊपर, एंड बात करेंगे हम यहाँ पे यूजी की, बहुत बार उनको हम देखते हैं माबो वर्स के ऊपर, इस बार दोनों टीम ने यहाँ पे अपने पैटर्न बदल दिए। देखेंगे इस बार यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी के साथ क्या नॉक करवाएंगे, टीम ओपी के एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, निको को यहाँ पे नॉक करके गया, अंश को यहाँ पे नॉक करके गया, अकेले राहुल, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखेंगे इस बार यहाँ पे टूबी के खाते में क्या चौथा खिला पाएगा, या फिर फिलहाल तीन किस खाते में जरूर है, बट कोई भी अलग टीम कोई भी नई टीम इस पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। गाइस आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहना चाहिए, नीचे एक थम्सअप वाला बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके अपना प्यार दिखा दीजिएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर आप चैनल का हिस्सा बन सकते हो, बेल नोटिफिकेशन को अगर आप ऑल पे सेट करते हो सारे टूर्नामेंट की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। टीएसजी चारों प्लेयर्स अलाइव, एंड फाइनली बात की जाए तो इन्होंने निर्णय लेके रखा है आगे बढ़ा जाएगा डाउन सिटी में जाकर यह फाइट पिक करेंगे। देखेंगे टीएसजी का यहाँ पर जो एंट्री हो चुका है इनके लिए कितना ज्यादा यहाँ पे फायदेमंद साबित होता है। राइट साइड के फ्लैंकर यहाँ पे स्पॉट करेंगे, ओजेस यहाँ पे अंदर जाने से पहले सारी चीजें सारा चप्पा चप्पा यहाँ पे चार मार रहे कि पोजीशन है तो है का, तब आगे जाके रश करने की स्ट्रेटजीज यहाँ पे पिक की जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है संजीव, जाने से पहले सबसे पहले एनिमी स्पॉट किया जाए, एनिमी स्पॉट किया जाए। टीएसजी यहाँ पर आगे उठ जाए, जिया गाइस ओजेस को देते हैं नॉक एंड शॉट के साथ, जिया निकल जाएगा, एक और हेडशॉट यहाँ पर कनेक्ट किया बट कहने के जंप एंड शूट की तरह ट्राई करेंगे, यहाँ पर वो टेक्निक काम नहीं आएगी क्योंकि क्रोनो की एबिलिटी लगाई जाएगी सी के साथ भी, और एक और नॉक यहाँ पर निकाले क्या रिवाइव दे पाएगा अपने प्लेयर को। जिया गाइस टू बी गेमर को एलिमिनेशन यहाँ पर दिया जाएगा, टीएसजी लेजेंड को रिवाइव यहाँ पर मिल जाएगा, पहली टीम को एलिमिनेशन दे देंगे, तीन किल्स यहाँ पर निकालते हमको नजर आ जाएगा, बट यूजी एम्पायर आज के थर्ड पार्टी करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। 4v3 की ये फाइट क्या कंप्लीट कर पाएंगे, यहाँ पर जावा बॉय की तरफ से फ्लैश बैंग यहाँ पर थ्रो किया जाने वाले, क्या कनेक्ट हो पाएगा, क्या अंधा कर पाएगा, क्या कोई नॉक यहाँ पर निकल जाएगा, रश करने की कोई भी कमी या नहीं छोड़ने वाले गाइस, आगे बढ़ेंगे। जावा बॉय का पूरा सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में घुसने जाके बीच में सेंटर में जा रहे थे, देखना होगा टीएसजी क्या ऐसे वापस कदम हटा पाएगी या फिर उनको ये फाइट लेनी पड़ेगी। यूजी पर क्या उनको एलिमिनेशन यहाँ पर दे पाएगी, चिया का स्ट्राइक करना होगा, हर एक पॉसिबल चीज यहाँ पर की जाएगी, शॉट यहाँ पर टीएसजी लेजेंड यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, देखते ही देखते दो गेंद यहाँ पर निकाल देंगे आयुष इकलौते प्लेयर, क्या यहाँ पर बचे रहेंगे जी हाँ, बट टीएसजी आर्मी को रास्ता बिल्कुल यहाँ पर दिखा देंगे, जो टीम यार पिछले मैच में मचा कर गई उसको यहाँ पर स्टार्टिंग में एलिमिनेशन हमें देखने के लिए मिल रहा था। कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जो भी टीम मचाएगी उस टीम को यहाँ पर खतरा भी है। एक और टीम आज के प्रसाद क्या कहना चाहेंगे, गैलेक्सी रेसर है एक के बाद एक टीम यहाँ पर फोर्थ टीम हमें आते हुए नजर आ रही है। यही तो इस टूर्नामेंट की खूबसूरत बात है संजीव, बिकॉज हर एक पार्टी ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई नई टीम जरूर आएगी। देखेंगे इस बार यहाँ पे यूजी क्या बच पाएगी, यहाँ पर गैलेक्सी रेसर जीरो किल फिलहाल के लिए जरूर है बट क्या अपना खाता खोल पाएगी। यूजी के आयुष को यहाँ पे कहना के बहुत ज्यादा डैमेज देखे रखा है, बात करेंगे एक प्लेयर की तो यूजी के एक प्लेयर को नॉक करके यार अब गैलेक्सी रेसर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएगी, क्या उस नॉक प्लेयर का खेल यहाँ पे उठा पाएंगे। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे डैमेज प्लेयर जरूर होने वाले, देखेंगे यहाँ पे कहना की फ्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है राधे ठाकुर, आगे बढ़ेंगे मैक्स 7 के साथ डैमेज देने की कोशिश, एक प्लेयर को नॉक करने में कामयाबी हासिल करी थी बट रिवाइव बिल्कुल मिल चुका है। यूजी बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाएगी, डिवाइड एंड रूल करने की स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज की जा रही है, क्रोनो शील्ड एक्टिवेट करके दोनों प्लेयर की तरफ से एक कमाल की तकनीक यहाँ पे नजर आ रही है, बस किसका क्रोनो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। फाइनली यहाँ पे एक नॉक देखने को मिल रहा है बट गाइस राधे ठाकुर यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, कहना के इस फाइट में दोनों टीम को थोड़े से नुकसान झेलने होंगे बट गैलेक्सी रेसर्स कोई भी नुकसान नहीं चलेगी, चार किल्स खाते में चारों प्लेयर्स लाइव, हैशटैग गैलेक्सी रेसर्स इन द चैट यहां पे लगा दो गाइस, बिल्कुल गैलेक्सी रेसर्स के कंट्रीब्यूशन अगर कहे जाए तो हर एक प्लेयर ने बैलेंस कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लगा के रखा है, हर एक प्लेयर ने एक खिल अपने खाते में जोड़ के रखा है। गैलेक्सी रेसर्स के फैंस के लिए एक खुशी की खबर, शुरुआत बहुत ज्यादा तगड़ी बट अंत यहाँ पे कैसे होगा, चारों प्लेयर्स को क्या लास्ट तक अलाइव रख पाएंगे, या फिर फिलहाल के लिए चारों प्लेयर्स अलाइव जरूर है बट क्या अगली टीम के साथ अगर पंगा लेंगे अनहेल्दी होगी तो बुया लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कहना कि गैलेक्सी रेसर्स इस मैच में बुया लेती है तो टूर्नामेंट एक नया झटका यहाँ पे दिखा देगी, तो गाइज आपको यहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहना, इसी के साथ साथ टोटल रैंकिंग भी हमारे सामने
में आ जाएगी जिसका इंतजार सभी को होता है। टीम इलीट हमेशा की तरह टॉप करते नजर आ रही है। चियागा फिलहाल बात करेंगे इनके पॉइंट्स की, 63 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करके बैठी है। टीएजी सेकंड पोजीशन के ऊपर बैठकर उनको चेस कर रही है 55 पॉइंट्स के साथ। थर्ड पोजीशन टोटल गेमिंग विद 47 पॉइंट्स। क्या लगता है संजीव, इस बार गैलेक्सी रेसर्स के पास एक मौका जरूर है 42 से टॉप 3 में बिल्कुल वो जो हल्का सा डिफरेंस है वो कवर करके अपनी जगह बनाने का। बिल्कुल देखना होगा इस कौन कितने पॉइंट्स लेकर जहां पर बढ़िया। पर एक ही बात बोलूंगा 63 पॉइंट्स का जो ये जो अच्छा खासा गेम प्लेयर पर देख रहे हैं मिल रहा है 8 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर टीम इलीट ने बनाकर रखा गया। टी एस सी ऑलरेडी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है तो टीम इलीट के पास यहाँ पर मौका क्या इस डिफरेंस को और भी ज्यादा बड़ा यहाँ पर कर पाए क्योंकि हम लोग देख सकते हैं थर्ड पर टोटल गेमिंग है जो की ऑलरेडी 47 पॉइंट्स उनके पास यहाँ पर रहने वाला है। 16 पॉइंट्स का डिफरेंस जो है टीम इलीट को बहुत ज्यादा मदद यहाँ पर करने वाला है। बट गैलेक्सी रेसर कितने किल्स ले पाएगी यहाँ पर नहीं ले पाएगी बट टीम इलीट एक सेफ गेम प्ले यहाँ पर दिखाते हैं हमको नजर आने वाले। बट नीचे की टीम्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा जितनी भी नीचे की बॉटम टीम्स हैं जो भी बॉटम टॉप 6 टीम्स यहाँ पर बोल सकते हो नहीं तो जो भी टीम्स 20 के पॉइंट से नीचे उनको एक अच्छा गेम प्ले यहां पर दिखाना होगा। तो गाइस रेडी हो जाइए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। गाइस हम लोग हर एक फाइट यहाँ पर देखने जाएंगे जितनी भी टीम्स यहाँ पर मचा रही है हर एक फाइट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा क्या कुछ यहाँ पर होने वाला। बट बात करूंगा गैलेक्सी रेसर को आई थिंक बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्राजील में अपने कदम रख लिए, देख सकते हो यार एक जो ब्लैक कंपाउंड है वो यहाँ पर होल्ड करके रखा जाएगा। एंड मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हमें क्या ड्रोन व्यू देखने के लिए मिल जाएगा जिससे टीम्स को पहचान पाएंगे। यहाँ पर आई थिंक दोनों ही तीनों तरफ से गोलियां चलाए जाने वाले, टाइटेनियम आई थिंक सैंडविच सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंस सकती है। जी बिल्कुल, एक तरफ से एक टीम ब्रिज से फायर कर रही है, दूसरी तरफ से ब्राजीलिया की तरफ से फायर आ रहा है। बीच मझदार में टाइटेनियम की टीम यहाँ पे अपना जुनून दिखाते हुए खड़ी है, तैनात है, तैयार है, मजबूत है अपने प्लेयर को यहाँ पे बिल्कुल लाइव रखने के लिए। जी हाँ गाइस, सीएम ने खुद को हील अप करके रखा है बट कहीं ना कहीं रिसोर्सेज हीलिंग रिसोर्सेज की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ उसमें कमी नजर आ रही है। सिर्फ 3 मेडिकेट्स 2 से 3 टीम के साथ पंगा लेने के लिए बहुत ही ज्यादा सफिशियंट नहीं होगी, देखेंगे इस बार यहाँ पे अपने रिसोर्सेज के साथ कितना अच्छा पंगा ले पाती है। बट टाइटेनियम के ऊपर 4 रन का एक भारी भरकम रश देखने को मिलेगा, देखेंगे दूर से 150 क्या अपने 3 प्लेयर्स को कवर फायर दे पाएंगे या फिर मैं आपको पोजीशन बता दूं समझा दूं गाइस 3+4 रन उनके इस आइलैंड के ऊपर होने वाले हैं। दूसरे आइलैंड पे दूर से 150 उनको कवर फायर दे रहे तो रश करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अगर 150 की रेंज से उनके 3 टीममेट्स बाहर जाते तो 150 उनको कवर फायर नहीं दे पाएंगे, कहना कि कवर बिल्कुल यहां पे क्लोज आना होगा। देखेंगे इस बार डायरेक्ट इनको बैक टू लॉबी भेज पाएंगे या फिर विजार्डो यहां पे कहना कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक प्लेयर फ्लैंकर को सबसे पहले अगर धाराशाही कर दे तो टाइटेनियम की टीम यही यहां पे धाराशाही हो जाएगी। फिलहाल क्रोनशील एक्टिवेट करके रखे, नोनू को फोर्स किया गया खुद के लिए बचाव करने का, ग्लू वॉल लगाने का, ग्रेनेड अंदर जाएगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज यहां पे नजर आएगा। इमीडिएट 7 एक कमाल का शॉट यहां पे कुनाल एक नॉक कर देंगे, टाइटेनियम थोड़ा सा शेकी अब नजर आएंगे हल्का सा इस ये टर्निंग पॉइंट जरूर था। टाइटेनियम 4 किल्स खाते में 4 रन उनको यहां पे कहीं ना कहीं प्रभावशाली गेम प्ले दिखाने का मौका मिल चुका था। टाइटेनियम को बैक टू लॉबी भेजकर 4 रन ने 4 किल्स खाते में जोड़कर एक अच्छी खबर यह है कि 4 प्लस को अलाइव रखा है। बट दूसरी तरफ संजीव ये आंधी बन चुकी है इस यहां पे 5वें मैच में कहना कि गैलेक्सी रेसर्स नाम के तूफान को कौन सी टीम रोक पाएगी यही सवाल मेरे मन में चल रहा है। बिल्कुल पर मन में चलता रहेगा तो गाइस देखना होगा क्या गैलेक्सी रेसर को कोई यहां पर रोक पाएगा या फिर नहीं रोक पाएगा। जी गाइस रश के जगह आगे बढ़कर सी के साथ क्या रेडी हो जाएंगे यहां पर पैरों पर गोली चलाने की ट्राई करेंगे, छोटा स्पेस यहां पर मिल पाएगा क्या वो ट्राई कर पाएंगे। जी फिनिश ऑफ करेंगे सर्वाइवर्स को भी बैक टू लॉब एंड 8 किल्स यहाँ पर गैलेक्सी रेसर मचाते हुए हमको नजर आने वाले। गाइस हमारा जो लाइक टारगेट है वो 43,000 लेट्स करना, जल्दी जल्दी लाइक को कंप्लीट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करिएगा। और साथ ही साथ बोलना चाहूंगा अब तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कीजिए और साथ में एक और काम आपको करना है कैरी मिनाडी गिल्ड को ज्वाइन करना है क्योंकि आपके लिए एक टूर्नामेंट बिल्कुल यहाँ पर वेट कर रहा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, गिल्ड का लिंक है, टूर्नामेंट का लिंक है और साथ ही साथ चैट में पिन करके भी यहाँ पर रखा जाएगा। जल्दी से आइए ज्वाइन कीजिए और मौका पाइए कैरी मिनाडी के साथ खेलने का, शाउट आउट्स मिलेंगे तो गाइस आपको टूर्नामेंट विन करना होगा। अपने दोस्तों को बताइए यार ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे तो मौका बिल्कुल भी गंवाना नहीं है तो जल्दी से आना है ज्वाइन करना है। हम लोग बात करना चाहेंगे टीम इलीट जो कि जा तो जरूर आगे की तरफ रही है बट सामने 4 अननोन होने वाले, दोनों ही बलशाली टीम्स होने वाले, शक्तिशाली टीम दोनों, जब आपस में टकराएंगे तो रिजल्ट्स क्या निकलेगा तो गाइस आप लोग बिल्कुल यहां पर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में बता देंगे ना। हम लोग भी देखना चाहेंगे किसके पास कितने पॉइंट्स होंगे, क्या टीम इलीट शिकार कर पाएगी, घात लगाकर बैठी हुई एम्बुश यहां पर किया जाएगा एंड इसी के साथ विजार्डो के ऊपर नजरिया पर बनी रहने वाले। क्या लगता है गाइस आपके अकॉर्डिंगली क्या होने वाले, क्या यहाँ पर आइकॉनिक हेडशॉट कनेक्ट कर पाएंगे, क्या यहाँ पर आरडीपी डैमेज दे पाएंगे। सीधा एक सवाल ही यही है क्या जैसे ओपन में निकलेंगे वैसे ही नॉक निकल जाएगा। जी अल्ट्रा की एक नॉक शाम निकल जाएगा, किल को कंफर्म कर जाएगा, पहाड़ी की साइपर बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है, वॉल्स को तोड़ा जाएगा, रिवाइव यहाँ पर
आई थिंक ट्रबल में डाल देगा, पीछे से गोलियां बिल्कुल अब चला जाएगी, पहाड़ी का कवर बिल्कुल ओपी रहने वाला, आगे बढ़ेंगे किलर यहां पे, क्या नॉक निकाल पाएंगे, ट्राई करना चाहिए डबल बैरल एंड पैरा फेल उनके पास रहने वाले चिया गाइस। और देखते देखते यहां पर भीम को पनिशमेंट दे दिया, लड्डू का जवाब यहां पर लिया जा रहा है, देखना होगा क्या फोर निकल पाएगी, यहां से निकलना संभव रहेगा, नॉक्स यहां पर ऑलरेडी निकाले जा चुके दो, केस यहां पर कंफर्म करेगी टीम में लीड चिया गाइस, हर तरफ से गोली चला जाएगी, पूरा का पूरा घेराव यहां पर रखा जाएगा, नाडी भी अपना किल कंफर्म कर लेंगे, बड़ा आइकॉनिक, ओ माय गॉड यहां पर ब्राजील की तरफ से गोलियां चलाई गई, गैलेक्सी रेसर्स का स्वाद बिल्कुल यहां पर चखना चाहेगी जी, बिल्कुल तीनों दिशाओं से यहां पर फायर आ रहा है गाइस, लुक एट द मिनी मैप, लेफ्ट साइड एक टीम है, राइट साइड एक टीम है, सामने एक टीम है, इन तीनों टीम के बीच में यहां पर टीम मिनट फंसी हुई है, तब भी यहां पर लड़ रही है, तब भी चारों प्लेयर्स अलाइव है, तो देख सकते हो आप एक्सपीरियंस कहता है गाइस, एक्सपीरियंस बोलता है एंड एक्सपीरियंस यहां पे बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है, देखेंगे इस बार एक कमाल का शॉट यहां पे पिक किया पहाड़ी स्नाइपर के साथ, यहां पे एक प्लेयर को बिल्कुल लो करके रखेंगे, देखेंगे हैंड कैनन के साथ क्या ये नॉक देखने को मिलता है, यहां पे ने बिल्कुल डैमेज तो जरूर करके रखा है, बट देखेंगे गैलेक्सी रेसर्स के वीआरसी 1000 को यहां पे क्या धाराशाही कर पाएंगे, यहां पर ने बट ट्रेड पर आइकॉनिक को यहां पे खोया जाएगा, किलर अभी भी यहां पे बचाए जा सकते हैं, बट पहाड़ी को खुद को सबसे पहले बचाना होगा, स्नाइपर के साथ खेल रहे हैं, ट्रेड फायर में पहाड़ी भी शिकार बन जाएंगे, तीन टीम्स गाइस कोशिश कीजिएगा समझने की, तीन टीम्स टीम के ऊपर यहां पे खेल डाल रही है, सामने यहां पे टीम यूनिट को डोमिनेट करने के लिए एक रश गेम प्ले दिखा रही है गैलेक्सी रेसर्स, ये भी शिकार बनी, इनके एक प्लेयर यहां पे खोए गए, राधे ठाकुर को यहां पे खोया गया 10 किल, लिटरली यहां पे सुपर 10 हो चुके बहुत ही जल्दी, पांच टीम्स 11 देखेंगे गाइस, पांचवें मैच कब हुआ किस टीम के खाते में जाता है, बट एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से यहां पे हर एक टीम बचा रही है उसी प्रकार से आप भी बचा सकते हो गाइस, कमेंट सेक्शन में कैरी मिनाडी के गिल्ड का लिंक हमने पिन करके रखा है, वहां पर एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आपका वेट कर रहा है, तो फटाक से अगर आप उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उस लिंक के ऊपर क्लिक कर जरूर आप गिल्ड ज्वाइन कीजिएगा, खुद को मौका दीजिएगा उस टूर्नामेंट में जीतने का, अगर आपकी टीम जीतती है उस टूर्नामेंट में तो आपकी टीम का शाउट आउट बिल्कुल खैरी मिराडी खुद यहां पे देंगे, तो गाइस नाम रोशन करने का मौका भी है, खुद का गेम प्ले तराशने का दस्तूर भी है, बस आपको यहां पे चौका मारना है, फिलहाल फाइट की बात करेंगे, सीआरएक्स डिवाइन दो किल्स कार्य में एक प्लेयर को शिकार बनाने की कोशिश, स्नाइपर गर्ल यहां पे बात करेंगे, फोर फीमेल्स खेलती गाइस, फिर से एक बार बता दूं सीआरएक्स डिवाइन में चारों की चारों यहां पे फीमेल प्लेयर्स होते हैं, चारों यहां पे शेरनियां बहुत ज्यादा तैयार रहती है शिकार करने के लिए, देखेंगे गैलेक्सी रेसर्स के तीन प्लेयर्स कितना ज्यादा खुद के किल पॉइंट्स को इस बार बढ़ा पाएंगे, संजीव सर्कल खुद में ही एक सरप्राइज जोड़ देगा, दोनों आइलैंड को कवर कर रहा है, बिल्कुल यहां पर दोनों आइलैंड्स को कवर करेंगे गाइस, देखना होगा गैलेक्सी रेसर 10 किल्स यहां पर बढ़ लेकिन थोड़ा सा धोखा यहां पर मिल सकता है, जो भी टीम सर एक तरफ है दूसरी तरफ है किसके पास सर्कल यहां पर निकल कर जा पाएगा, जितने किल्स निकाल सकते हैं, बट गैलेक्सी रेसर ऑलरेडी यहां पर 10 किल्स निकाल चुके, बट टोटल गेमिंग जी हां गाइस सेंटर में होने वाले हैं, देखना होगा ये जो वुडन हाउस उन्होंने लेकर रखा है कितनी देर तक इनको मदद करेगा, पीछे तो कोई टीम नहीं रहने वाली तो इनको एडवांटेज बिल्कुल यहां पर मिल जाएगा, डिलीट एक तरफ होने वाले उनके पास होने वाले वीएसएस एक्स्ट्रा डैमेज यहां पर कैरी करेंगे, बट गैलेक्सी रेसर रास्ता दिखा दिया जाएगा, बट आई थिंक स्नेहा किल कंफर्म कर लेंगे, इसी के साथ बचाने की कोशिश की जाएगी, वासियो को रिवाइव यहां पर जल्दी जल्दी देने का, वॉल्स यहां पर लगाए जाएंगे इसी के साथ, अगर मैं बात करता हूं तो रिवाइव मिलने के बाद तुरंत उनको भी वॉल लगानी है, यहां पर एक कवर पार देखने को मिल रहा है बीआर से, बिल्कुल यहाँ पर आपको मचाते हुए नजर आने वाले गाइस, देख रहा होगा कौन कितने किल्स लेकर जाने वाले गैलेक्सी रेसर यहाँ पर मचा रहे हैं, आप लोग भी मचाइए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक एक साथ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा, यहाँ पर ओडिशन थोड़ा सा दिक्कत देने वाला, टोटल गेमिंग यार जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही जल्दी जल्दी पानी को पार करना होगा, बट देखना होगा कितनी देरी तक वो यहाँ पर रुके रहने वाले, सीआरएक्स जीवन क्या यहाँ पर एक प्लेयर को नॉक हो जाएगा, जिया हरियाणा को यहाँ पर नॉक करके रखा जाएगा, गैलेक्सी रेसर से मैरी एक्स यहाँ पर कोई मौका नहीं देना चाहिए, कौन नॉक यहाँ पर निकल जाएगा, एक के बाद एक प्रेशर यहाँ पर बनाया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, वो यहां पर आगे ना बढ़ पाए, बट गैलेक्सी रेसर से मैरी एक्स कितनी देर तक अपने आप को रोक पाएंगे, एंड क्या रात खेल से कौन नॉक यहां पर रश किया जाएगा, एंड वासियो का M79 मोनो यहां पर नॉक करके रखा जाएगा, एंड 12 के साथ निकाल ली जाएगी, शेर नहीं क्या कुछ यहां पर कर पाएंगे मैरी एक्स, ओ माय गॉड आई थिंक प्ले जोन का डैमेज भी बढ़ेगा, साथ साथ क्या एक और नॉक फिनिश ऑफ कर पाएंगे, ट्राई यहां पर करेंगे M79 उनके पास यहां पर रहने वाले, ट्राई तो बहुत कुछ करना चाहते, बट आई थिंक कनेक्ट नहीं पाएगा एरियाना जो कि अपने क्रोनो की एबिलिटी यहां पर लगाकर रेडी रहने वाले, बट वास यहां पर मेडिकेट लगाएंगे, डिलीट एक तरफ रहने वाले, क्या वो हेडशॉट यहां पर कनेक्ट कर पाएंगे, तीन प्लेयर टोटल गेमिंग यहां पर एंट्री हो जाएगी, क्या लगता है प्रोसेस क्या यहां पर होने वाला है, टोटल गेमिंग गैलेक्सी रेसर्स का कमाल का गेम प्ले हमें देखने को मिलने वाला है गाइस, तो फटाक से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रोकिएगा मत, फिलहाल आपका काम है यहां पे टीम को सपोर्ट करना, आपका काम है यहां पे टीम को मोटिवेट करना, डिलीट यहां पे हमें 7 के शॉट यहां पे कनेक्ट करेंगे, चियागस गैलेक्सी रेसर्स को बैक टू लॉबी भेजा गया, 6 किल्स डीप टोटल गेमिंग के खाते में होने वाले, सीआरएक्स टीवन को यहां पे फिनिश ऑफ करके 7 किल के साथ ये बूया इनको और भी ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट्स दिलाकर टोटल रैंकिंग के ऊपर टॉप 3 में बिल्कुल अपना किंगडम खड़ा करने में
मजबूती दिलाएगा, डिलीट खुद एमवीपी बन जाएंगे, फाइनली पर्गेट्री के इस जंगल का राजा। यहाँ पे टोटल गेमिंग बन जाएगी, चियागा से कमाल का भूया, यहाँ पे टोटल गेमिंग ने लगा, आपको मौका मिल चुका है, हैशटैग लगा दीजिएगा कलरफुल हार्ट्स यहाँ पे स्पैम कीजिएगा। जी हाँ, आपका सपोर्ट अपनी फेवरेट टीम के लिए बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, शेयर भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बुलाकर यहाँ पे बता सकते हो कि आपकी टीम इन पांचों मैचेस में कितना ज्यादा मचा के रखी है और आखिरी मैच में कितना ज्यादा मचाने वाली है। बिल्कुल, कितना मचाने वाले गाइस, टोटल गेमिंग दूसरा बूया यहाँ पर निकाल लेगा। सबसे पहले मैच में बूया निकालेगा सर्वाइवर्स, उसके बाद टोटल गेमिंग ने निकाला, टीम एलीट ने निकाला, फिर टीएचसी ने निकाला, बट फिफ्थ मैच यहाँ पर निकल के जाएगी टोटल गेमिंग। दो बूया टोटल गेमिंग की तरफ से हमको देखने मिल चुके हैं, देखने को फाइनल मैच के अंदर क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। बट गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर और पर सेट कर लीजिएगा। देखना होगा कौन कितने ऊपर तक यहाँ पर पहुंच पाएगा, कितने पॉइंट्स किसके पास यहाँ पर निकल कर आने वाले, बट देखना होगा। टीम एलीट टीएचसी बहुत सारे किस्से कर गए, बट अभी तक कहते हैं टीएससी के पास ज्यादा किस्से कर आए, बट टोटल गेमिंग कितने ऊपर तक पहुंच पाएगी, क्या टीएससी कमबैक कर पाएगी। उनके पास ऑलरेडी यार सेकंड और थर्ड पोजीशन थी, बट एक जो एक अर्ली एलिमिनेशन उनको झेलना पड़ा, वो आई थिंक वो एक कमबैक शायद से नहीं कर पाएंगे, आई थिंक कर भी सकते अगर 15-20 किल निकाल ली तो। जी बिल्कुल, बट संजीव जैसा कि हमें एक्सपीरियंस है, पहले चार मैचेस में हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, बट जब आखिरी मैच आता है ना तो गाइस प्रेडिक्शन बिल्कुल हमें छुप ही रहना पड़ता है, आखिरी मैच अपने ही सरप्राइजेस लेके आता है, एक झटका यहाँ पे देखने को मिलता है। देखेंगे कालारी मैच का ये मैप यहाँ पे कितना ज्यादा झटका लगाएगा, कौन सी टीम यहाँ पे झटके लगाने में काम करेगी, कौन सी टीम जल पे दिखाएगी, कौन सी टीम सबसे ज्यादा डोमिनेशन पावर दिखाएगी, कौन सी टीम यहाँ पे अर्ली एलिमिनेशन का शिकार बन जाएगी। बिकॉज अर्ली एलिमिनेशन की बात की जाए तो रिफाइनरी के ऊपर कहना के लैंड एंड फाइट देखने को मिलती है, स्टोन रिज के ऊपर यहाँ पे कहना के लैंड एंड फाइट देखने को मिलती है, गैलेक्सी उतरते द मेज के ऊपर वहां कहना कि नई टीम नजर आती है। तो गाइस आपको क्या लगता है कौन सी टीम्स यहां पे मचाएगी एंड कौन सी टीम के पास इस कालारी मैप का बूया जाने वाला है, बिकॉज़ जो टीम संजीव बूया पाएगी वो टीम टोटल रैंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बदलाव लाएगी। बिल्कुल, अब टोटल रैंक है जो भी बूया निकाली गई थी 8 10 किल 12 किल 14 किल 15 किल जो भी लेकर जाएगा वो यहां पर जीते हुए हमको नजर जरूर आने वाला है। बट गाइस रेडी हो जाइए फाइनल मैच के लिए, देखना होगा ये कालारी मैप कितना ज्यादा ट्रबल लेकर आएगा, कितनी खुशियां लेकर जाएगा, कितना प्यार यहां पर बिखेरा जाएगा हमारे व्यूअर्स की तरफ से। गाइस रेडी हो जाइए, हमारा फाइनल मैच किसी भी वक्त यहां पर स्टार्ट हो सकता है, बट आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के ऊपर, ब्लॉग करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर यहां पर सेट करना। टोटल गेमिंग इक्वल टू इमोशंस ऑफ ऑल प्लेयर्स, यहां गाइस देखना होगा टोटल गेमिंग कितने पॉइंट्स यहां पर लेकर जाएगा, बहुत सारे हैशटैग यहां पर लगाए जा रहे हैं, हर एक हमारी व्यूअर चादर की टीम फेवरेट यहाँ पर गेम प्ले दिखाया था और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहेगा, जब तक मोटिवेशन मिलेगा तब तक उनकी टीम फेवरेट गेम प्ले यहाँ पर दिखाई गया, रश करेगी बिल्कुल, तबाही मचाएगी, आग लगा देगी पूरा गेम के अंदर। जी बिल्कुल, आग का ही तो यहाँ पे एरिया होने वाला, देखेंगे इस कलारी के रेगिस्तान में कौन सी टीम यहाँ पे बिल्कुल पानी ढूंढ पाएगी, कौन सी टीम यहाँ पे बारिश लाएगी, कौन सी टीम आंधी तूफान बन के बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत सारे टीम्स को अपनी चपेट में लेगी। फिलहाल प्लेन पाथ यहाँ पे बिल्कुल सेंटर ऑफ द मैप नजर आएगा, बैलेंस इजेक्शन यहाँ पे नजर आएगा, बात करेंगे अब हॉली लैंड एंड फाइट के लिए। फिलहाल काउंसिल हॉल के ऊपर टीम एलिट के साथ एक पंगा लेने की कोशिश करेंगे, इस बार टूबी की टीम यहाँ पे बिल्कुल उनके घर में उनको वाइप आउट करने की कोशिश कर रही है, एंड हम पे पता है टीम एलिट के साथ यहाँ पे काउंसिल हॉल के ऊपर जो भी टीम पंगा लेती है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखेंगे इस बार टूबी की टीम क्या वाइप आउट कर पाएगी, यहाँ पर नंबर ट्रेड फाइव में आइकोनिक को नॉक करके फिनिश ऑफ करने की कोशिश करी गई, आइकोनिक को यहाँ पे खो देगी टीम एलिट पर, आरडीपी पहाड़ी यार किलर अपने लो एचपी के चलते भी यहाँ पे कहना के डोमिनेट कर रहे, कमाल का गेम प्ले पहाड़ी विद यूएमपी यहाँ पे कहना के एक बेहतरीन खूबसूरत स्प्रे यहाँ पे लगा देंगे और भी ज्यादा डैमेज नजर आएगा, अपने हार्ड कवर का क्या ही कमाल का इस्तेमाल कर रहा है पहाड़ी, इतनी लो एचपी थी कहना के कमाल का रश किया था टूबी गेमर के प्लेयर ने, बट पहाड़ी अपने अलग ही अंदाज में नजर आएंगे, टूबी गेमर की टीम यहाँ पे उनके ही घर में उनको वाइप आउट करने के लिए उतरी है, रिस्क फैक्टर उठाया जरूर था बट काम नहीं आया। फिलहाल देखेंगे यहाँ पे टीम एलिट के खाते में चार केस होने वाले, बट ट्रेड फायर में एक झटका उनको लग चुका है, सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, देखेंगे इनका सेलिब्रेशन इनको अपने सफर में कितना आगे लेके जाता है। फिलहाल टीम एलिट के तीन प्लेयर्स अलाइव है, आरडीपी पहाड़ी एंड किलर, ये तीन प्लेयर्स अब टीम एलिट की कमान संभालेंगे कलारी मैप में, अपने किल पॉइंट्स या फिर प्लेसमेंट पॉइंट का बैलेंस लगाने के लिए बिल्कुल अपना कंट्रीब्यूशन जोड़ देंगे। फिलहाल गाइस आपको अपना कंट्रीब्यूशन जोड़ना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हर एक टारगेट हमें भी क्रॉस करना है इस मैच के अंत तक, गाइस हर एक टारगेट क्रॉस हो जाना चाहिए। फिलहाल आपको बिल्कुल यहां पे बता दें टीम एलिट की शुरुआत काफी ज्यादा शानदार, बट काउंसिल हॉल से रिफाइनरी या फिर कमांड पोस्ट लास्ट सर्कल जहां भी आएगा वहां तक का सफर टीम एलिट किस प्रकार से तय करेगी। फिलहाल अर्ली फाइट में टीम ओपी की जीत हो जाएगी, बट संजीव इन्होंने भी अपने एक प्लेयर को खोया, यानी कि जो भी टीम अर्ली फाइट में इन्वॉल्व हो रही है वो अनहेल्दी हो जा रही है जीत के साथ साथ।
बिल्कुल सीख जा टोटल रैंकिंग गाइस हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। टीम लीड यहाँ पर पहला स्थान लेकर रखना चाहिए 70 पॉइंट्स उनके पास। यहाँ पर हमको नजर आने वाले सेकंड पर होगी टोटल गेमिंग 66 पॉइंट्स आएंगे, 4 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर होने वाला है। बट गैलेक्सी रेसर 62 पॉइंट्स उनके पास हमको देखने के लिए मिल जाएगा। देखना होगा टीएसजी क्या यहाँ पर कमबैक कर पाएगा। फोर्थ पोजीशन को यहाँ पर लेना पड़ रहा है, सेकंड पोजीशन के ऊपर टीएसजी बैठी हुई है। देखना होगा कितना अच्छा कमबैक कर पाएंगे। फाइनल मैच यहाँ पर चल रहा है तो गाइस देख सकते हैं जितने भी टीम्स नीचे की तरफ होने वाले सीआर स्टेडियम यूजी एरो स्पोर्ट होने वाले टू बी गेमर ओपी कर एक शानदार गेम प्ले दिखाना होगा। बट मैं यहां पर एक ही बात करना चाहूंगा, जो भी टीम्स अब 8th तक पोजीशन पर बैठी हुई हैं उनके पास एक मौका है यार एक गेम प्ले अच्छा निकालन अपने लिए टॉप 5 में जगह बना पा। 4 अननोन क्या कमबैक यहां पर कर पाएगी। बट यार ऊपर की टीम बहुत ही शानदार डिफरेंस यहां पर क्रिएट करके बैठी, यानी कि 4 टीम्स को आप लोग देख लो गाइस, टीम लीड टोटल गेमिंग गैलेक्सी रेसर एंड टीएसजी, ये चारों नाम सर बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स आप लेकर बैठ जाएंगे। बट देखना होगा किसके पास कितने पॉइंट्स आप निकल कर आने वाले, तो गाइस रेडी हो जाइए कौन कहां तक आगे बढ़ पाएगा चिया देखना होगा। बट टाइटेनियम शिकार करने के लिए रेडी है कि सामने होने वाली टीम ओपी क्या संभाल पाएगी अपने आप को या फिर खोते हुए नजर आ जाएगी। बट गाइस आपको आप स्ट्रीम को लाइक करते रहना, लाइक नहीं करता शेयर कीजिए, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करेंगे। यहां पर खेल कर रखा जाएगा राहुल आई थिंक बीच में फंसे हुए हमको नजर आने वाले, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्या नॉक कर पाएंगे जिया गैस एक प्लेयर को नॉक करके रखा जाएगा। सीएम यहाँ पर नॉक हो जाएगा, जल्दी जल्दी रिवाइव देना है नोनू यहाँ तक फिनिश ऑफ करेंगे। रिवाइव देने की जो कोशिश है वो यहाँ पर क्या कामयाब रहेगी, ट्राई करेंगे वॉल सगा जा रही क्रोनो एबिलिटी को तोड़कर यहाँ पर बत्ता बिल्कुल यहाँ पर लिया जाएगा डैमेज देते एक और प्लेयर को नॉक जिया करेंगे। बट यहाँ पर कहीं नहीं दो प्लेयर्स नॉक हो जाएंगे, सीएम एंड पुनीत यहाँ पर बचे रहे क्या वो मौके। ओह माय गॉड अब टाइटेनियम ने मैच थोड़ा सा ट्रबल में फंसे टीम ओपी एक शानदार गेम प्ले के साथ कमबैक करते हुए जिया गाइस सबको नजर आने लगे। सीएम एक लौते प्लेयर यहां पर बचे रहे क्या वो ट्राई कर पाए क्या वो पचाट पाएंगे दोनों प्लेयर्स का 1v2 निकालना क्या आसान यहां पर होगा देखेंगे। इस बार यहाँ पे चीते की रफ्तार के साथ भागेंगे या फिर शेर की दाढ़ कर यहाँ पे कहना कि 1v2 क्लच निकालेंगे टीम ओपी अनहेल्दी 6 किल्स खाते में 2 प्लेयर्स अलाइव। बात करेंगे हम यहाँ पे ट्रिगर अभी भी लाइव है राहुल के साथ, देखेंगे इनकी जोड़ी कितने अच्छे किल पॉइंट्स उठा पाएगी। 10 सीएम यहाँ पे कभी भी इनको डोमिनेट कर सकते हैं, 1v2 क्लच करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अपने M87 के साथ। एक कमाल का हेडशॉट अगर पिक करता है तो एक नॉक यहाँ पे नहीं मिलेगा गाइस, एक प्रभावशाली वेपन होता है M87 शॉर्ट रेंज बैन वो अब 10 सीएम के पास है। देखेंगे इस बार यहाँ पे क्या धारा शेयर कर पाएंगे, ओपन एरिया में स्पॉट किया नॉक भी देखने को मिल सकता है। ये जो स्प्लिट स्ट्रेटजी है खुद यहाँ पे डिवाइड हो जा रहे हैं, खुद एक दूसरे से यहाँ पे दूर जा रहे हैं। एक शॉट हेडशॉट अगर कनेक्ट होता तो यहाँ पे नॉक देखने को मिल सकता था। भाई आखिरी मौका हल्का सा यहाँ पे खो देंगे, फिर से एक बार अपने कदम पीछे हटाएंगे, कहीं ना कहीं प्लेयर को सरप्राइज किया जाएगा अपनी पोजिशन की तरफ से। जी हाँ गाइस इनको ढूंढने के लिए दोनों प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे से फिर से एक बार दूर भी हो सकते हैं, इसका फायदा 10 सीएम भी उड़ा सकते हैं। दोनों टीम के लिए एक यहाँ पे कहना कि खतरनाक पोजिशन होने वाली सिचुएशन होने वाली, टीम ओपी या फिर टाइटेनियम कौन सी टीम बैक टू लॉबी भेजी जाएगी। बिल्कुल अगर यहाँ पे बैक टू लॉबी अभी भेजी जाती है तो 10वां स्थान होगा, जी हाँ गाइस अर्ली एलिमिनेशन का झटका मिल जाएगा एंड बाद में जाके कम बैक का कोई भी मौका नहीं होने वाला। फिर से एक बार बता दूं गाइस 6 मैचेस यहाँ पे होने वाले थे जिसमें से 5 कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे छठा मैच, तो एक आखिरी मौका आपके पास है आपकी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने का, तो उनके हैशटैग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लगा दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए गाइस। एंड फिर से एक बार बता दूं आपको कि यार एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पे होने जा रहा है कैरी मिनाटी के गिल्ड के अंदर, एक बड़ा सा टूर्नामेंट आपका वेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे खेलना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में गिल्ड का लिंक हमने पिन करके रखा है, आप एक क्लिक करके गिल्ड का हिस्सा बन सकते हो, टूर्नामेंट में रजिस्टर कर सकते हो। जो भी टूर्नामेंट में जीतेगा उस टीम के नाम के शाउट आउट कैरी मिनाटी खुद देना पसंद करेंगे, तो गाइज आपका नाम भी रोशन हो जाएगा, आपको खुद का गेम प्ले तराशने का मौका भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की, लिंक के ऊपर क्लिक करो एंड गिल्ड यहाँ पे ज्वाइन करके खुद को नाम रोशन करने का मौका दे दो। टोटल गेमिंग रिफाइनरी के ऊपर देखेंगे संजय, इस बार पूरे मैप के सेंटर तक तो पहुंच गए बट यहाँ पर अलाइव रहना, यानी कि तीनों दिशाओं से कहना कि नई नई टीम्स यहाँ पे आती है, हर एक दिशाओं में नजर रखनी होगी एंड यहाँ पर माफिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, देखना होगा टोटल गेमिंग जिया गाइस आगे तब जाएंगे। इसी के साथ डिलीट हमको नजर आने वाले, रश करने में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं छोड़ जाएगी, तो गाइस देखना होगा कौन ये मुकाबला जीत पाएंगे। डिलीट यहाँ पर आगे बढ़ते हमको नजर जरूर आने, इसी के साथ क्या वो नॉक निकाल पाएंगे ट्राई करेंगे, बहुत ही शानदार डैमेज देते हुए हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सीधा क्रोनो एबिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा सामने 4 अननोन एंड टोटल गेमिंग बिल्कुल भी रुकने का नाम यहाँ पर नहीं लेगी, बट कहने की नेट जो है वो शायद से वेस्ट हो जाएगा। टोटल गेमिंग ट्राई तो करना चाहती है बट डिलीट यहाँ पर क्या कोई मौका दे पाएंगे, क्या रोकने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे पूरा का पूरा ट्रबल में डाला जा रहा है, इसी के साथ डिलीट आ जाएंगे गलत रोटेशन, इसी के साथ क्या वो फिनिश ऑफ कर पाएंगे। रिवाइव बिल्कुल यहाँ पर दिया जाएगा एंड पाले पर 4 और नॉन को एलिमिनेट करते माफिया एंड पाला, कोई मौका नहीं देंगे। 3 किल्स अब निकाल जाएगी फौज, ये जे को रिवाइव मिल जाएगा, देखना होगा फौज ये जे कितना अच्छा यहाँ पर
आगे बढ़ने वाले। मैं यहाँ पर एक ही बात बोलना चाहूंगा गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट क्रिकेट टीम ओपी पनिशमेंट यहाँ पर दे दिया। टाइटेनियम से इकलौता प्लेयर यहाँ पर 1v2 निकालते हुए हमको नजर आ रहा है। 8 टीम्स अलाइव रहेंगे, 28 प्लेयर्स हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। जी हाँ गाइस, बात करना चाहूंगा ये अकेला प्लेयर तबाही मचाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ गाइस आप लोगों ने देख लिया टोटल रैंक में कौन सी टीम्स ऊपर है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 8 टीम्स को खेलना होगा फाइनल मैच यहाँ पर हमको देखने लिए मिला। बट गाइस बात करना चाहूंगा एरो इस बार सर्वाइव करे, आई थिंक ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स वो लेकर जाना चाहती है। जी देखेंगे इस बार यहाँ पे कितने ज्यादा पॉइंट्स लेकर जाएगी, बिकॉज इतनी सारी प्रभावशाली टीम यहाँ पे आने। अभी अभी हमने देखा 4 रन को यहाँ पे बैक टू लॉ भी भेजा गया अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ। टोटल गेमिंग अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, माफिया का वो जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकता है एरो की टीम के लिए। देखेंगे जुनेद एके टीटू एंड एबीडी यहाँ पे कितना अच्छा गेम प्ले दिखा पाएंगे। फिलहाल फौज आ जाए बिल्कुल रोटेशन लेते हुए नजर आ रहे, कहना की हर एक दिशाओं की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही है, अपने टीम के साथ शेयर की जा रही है। तो गाइज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके इनको तो पता चल ही चुका हुआ कि एरो टीम एक तरफ से यहां पर एंटर कर सकते हैं। बट गाइस लुक एट द सर्कल, सर्कल का बॉर्डर रिफाइनरी के ऊपर है, यानी कि अब टोटल गेमिंग को रिफाइनरी छोड़नी होगी। इस बात की भनक एरो टीम को लग चुकी है, अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, आगे जाके टोटल गेमिंग का गेटकीपिंग करने का मौका पाना चाहते हैं। देखेंगे इस बार एरो टीम की गेटकीपिंग क्या टोटल गेमिंग तोड़ पाएंगे, एंड इस बार इनके पास भी मौका है फिलहाल के लिए एक टीम का गेटकीपिंग करने का। देखेंगे पीछे से टीम नंबर 12 आने की कोशिश कर रही है। तो गाइस क्या लगता है इस बार टोटल गेमिंग एक और टीम को क्या बैक टू लॉबी भेजेगी, या फिर एक तरफ टीम मिलिट मचा रही दूसरी तरफ टोटल गेमिंग मचा रही। गाइस आप भी क्यों ना मचाएं, यहां पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, आपके टीम को यहां पे सपोर्ट कर दीजिएगा, आप भी यहां पे मचाए रहेंगे। एंड गाइस इन सभी का आपके पास एक आखिरी मौका होने वाला है मचाने का, तो फटाफट यहां पे अपने फेवरेट टीम के हैशटैग लगाइएगा लाइक, अगर नहीं किया तो नीचे एक थम्स अप वाला बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर प्रेस करके चैनल को एंड स्ट्रीम को एंड अपनी फेवरेट टीम को अपना सपोर्ट अपना प्यार दिखा दीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप बन सकते हो चैनल का हिस्सा, एंड अगर आपको हर एक टूर्नामेंट मिस नहीं करना है तो बिल्कुल बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पे सेट करना ना भूलिएगा। फिलहाल कमिंग बैक टू द फाइट, टीजी एकदम तैयार है यहां पे नई फाइट लेने के लिए। 3 किल्स फिलहाल के लिए खाते में, 4 रन को बैक टू लॉबी भेजा गया, 9 मिनट हो चुके हैं, 8 टीम्स अभी भी अलाइव है, 28 प्लेयर्स मौजूद होने वाले हैं। टोटल गेमिंग को सोचना होगा नेक्स्ट सर्कल में जाना तो जाना कैसा, बिकॉज संजीव थोड़ी देर पहले हमने एरो की टीम यहां पे देखी जिन्होंने खुद को रिट्रीट कर चुके हैं। एंड बात करेंगे हम अब सीआरएक्स डिफाइन की, तो वो यहां पे पंगा लेना चाह रही है टोटल गेमिंग के साथ। बिल्कुल आप पंगा लेने चाहेंगे, देखना होगा गाइस यहां पर टोटल गेमिंग जी हां गाइस हमको नजर आने वाले। बट 3 किल्स और यहां पर निकाल के रखे जाएंगे, सीआरएक्स डिवाइन सामने की तरफ रहने वाले। बट हॉट जोन की लड़ाई क्या एक और बार सीएम यहां पर क्या कोई क्लच निकाल पाएंगे, उनके साथ होने वाली गैलेक्सी रेसर कोई भी मौका यहां पर नहीं दे देगा। वासियो फिनिश ऑफ करेंगे टाइटेनियम इसी के साथ, पहला किल खाता यहां पर खुल जाएगा। देखना होगा किसके पास कितने पॉइंट्स यहां पर निकल कर आने वाले हैं इसी के साथ। हैशटैग टीम इलीट यहां पर लगाया जा रहा है, TSG टोटल गेमिंग यार हर एक टीम के लिए कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स यहां पर दिखलाए जा रहे हैं। गाइस क्या लगता है कौन यहां पर मचाने वाला है कौन नहीं मचाने वाला, हर एक चीज हमको देखने मिल जाएगी। बट देखना होगा यार पानी पूरी यहां पर ऋषभ गुरुंग की तरफ से यार हैशटैग लगाया जा रहा है, देखना होगा जितने भी हमारे व्यूअर्स है क्या कुछ यहां पर करने वाले। बट गाइस देखना होगा कितने ज्यादा हैशटैग यहां पर लगाए जाने वाले, टीम्स यहां पर आगे बढ़ेंगे। इलाइट के लिए हैशटैग लगाया जा रहा है, इलीट के लिए बिल्कुल यहां पर देखने मिल रहा है। यहां पर एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है गेमर ट्यूब की तरफ से, यहां पर पूछ रहे प्राइस पुल कितना है प्लीज टेल। तो गाइस यहां पर आज का प्राइस पुल होने वाला है 15,000 रुपीज का, जिसमें से पहला प्राइस पुल होगा फर्स्ट टीम को मिलेगा 6,000 रुपए का, एंड सेकंड को मिलने वाला 4,000, एंड थर्ड को 3,000, एंड फोर्थ को 2,000 रुपए यहां पर मिलने वाले। गाइस रेडी हो जाइए, अगर आपने लाइक नहीं किया सपोर्ट नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करते रहिएगा। हमारा लाइक टारगेट इस फाइनल मैच का यहां पर होने वाला 47,000 लाइक्स के, तो गाइस जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, अपना जो टारगेट है वो आपको आज यहां पर कंप्लीट करना ही करना है। देखेंगे इस बार यहां पे कितना मचाता है। फिलहाल बेफ्रंट के ऊपर सर्कल आ जाएगा, बहुत सारी टीम सर्कल के अंदर आना चाहती है। गैलेक्सी रेसर्स सर्कल के बॉर्डर पर होने वाले, आरओ की टीम यहां पे सर्कल के बॉर्डर पर होने वाले, टीएजी सर्कल के अंदर बिल्कुल आ जाएगी, उनके पास यहां पे सामने कोई भी खतरा नहीं होने वाला। देखेंगे इस बार यहां पे यूजी की टीम क्या सर्कल के अंदर आ पाएगी, या फिर टीम मिनट की बात किया तो वो भी यहां पे सर्कल के अंदर आना चाहती है। श्राइन्स यहां पे उनको जल्दी से छोड़ना होगा, यूजी के साथ पंगा लेना होगा। गाइस क्या लगता है कौन सी टीम सर्कल के अंदर आना चाहिए एंड कौन सी टीम सर्कल के अंदर आ पाएगी। गैलेक्सी रेसर्स विद 1 किल खाता इनका खुल चुका है, गैलेक्सी रेसर्स के फैंस के लिए एक कमाल का मौका है गाइस उनको सपोर्ट करने का। तो हैशटैग गैलेक्सी रेसर्स इन द चैट लगा दो, लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को आइकॉन को ऑल पे नहीं सेट किया तो बिल्कुल सेट करके रहेगा। टीम एलिट के यहां पे बिल्कुल किलर फिनिश ऑफ हो जाएंगे, आरडीपी एंड पार्टी यहां पे अभी मौजूद है, यूजी के साथ पंगा ले रहे हैं। बट 2v4 फाइट क्या यहां पे भी कर पाएंगे, एक प्लेयर को यहां पे नॉक करने की कोशिश बिल्कुल कर लेंगे, एक और किल टीम एलिट के खाते में, 5 किल यहां
पे यूजी एम्पायर की टीम थोड़ी सी अनहेल्दी हो जाएगी, थर्ड पार्टी का यहाँ पे सामना कर रहा है। जी हाँ गाइस, बहुत ही दूर से यहाँ पे कह रहे हैं कि टीएजी अपना कमाल दिखाएंगे, ओजस में यहाँ पे कमाल का गेम ले खेल रहे हैं। बट गाइस यूजी की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आ रही है। आरडीपी का बचना यहाँ पे मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है, बिकॉज इतना ज्यादा डैमेज फिलहाल के लिए पड़ रहा है। सोचिएगा अगर ये सर्कल नेक्स्ट सर्कल को कनेक्ट हो जाता है, स्विंग जोन अगर सर्कल को कनेक्ट हो जाता है तो डैमेज दुगना हो जाएगा। इसी के साथ साथ आरडीपी यहाँ पे फिनिश ऑफ होकर सेवन पोजिशन के ऊपर, टीम यूनिट को बैक टू लॉबी भेजा जाएगा। आखिरी मौका छीना गया है, टीजी यहाँ पे आ गया तो 3-14 के ढूंढने की कोशिश सामने होने वाले गैलेक्सी रेसेस के बीआरसी 1000 देखेंगे इस बार। डिलीट वर्सेस बीआरसी 1000 कितना ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट कर पाता है। फिलहाल यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश M87 के साथ बीआरसी 1000 होने वाले, ग्रेनेड आएगा, बाला को कनेक्ट हो जाएगा, उनको यहाँ पे नॉक किया जाएगा। देखेंगे इस बार यहाँ पे बाला को बचाना क्या संभव रहता है यहाँ पे नंबर इसी के साथ साथ डिलीट टोटल गेमिंग के शेयर यहाँ पे नॉक किया जाएंगे। जी हाँ गाइस, कमाल का गेम ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर तो जरूर रहा है बट फौज आ जाए, डिलीट को यहाँ पे रिवाइव देने में कामयाब, माफिया को बिल्कुल नॉक करके रखा है। देखेंगे इस बार यहाँ पे क्रोनोशील के अंदर रह के कितने सारे नॉक निकाल पाएंगे यहाँ पे, क्रोनोशील यहाँ पे सामने वाले एनिमी की तरफ से भी लगाई जाएगी। जी हाँ गाइस, गैलेक्सी रेसर्स बिल्कुल चूक नहीं रही है बट फौज आ जाए, इतने आसानी से हार मानने वाले है नहीं, माफिया रिवाइव मिल चुका है। देखेंगे इस बार डबल किल जो अपने खाते में जोड़ के रखे, क्या टोटल गेमिंग को आगे बढ़ाएंगे या फिर फिलहाल 5 के टोटल गेमिंग के खाते में। फौज आ जाए को रिवाइव करने का कोई भी मौका नहीं है, बार गैलेक्सी रेसर्स के शेयर बिल्कुल वेट कर रहे हैं। बट गाइस आपको यहां पे वेट बिल्कुल नहीं करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल ठोकते रहना। फिलहाल देखेंगे यहाँ पे जाते जाते माफिया किसको ठोकते हैं, फिर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। फिलहाल गैलेक्सी रेसर्स की तरफ से यहाँ पे एलिमिनेशन बिल्कुल लगाया जाएगा, टोटल गेमिंग छठे स्थान के ऊपर एलिमिनेट हो जाएगी। बट गैलेक्सी रेसर्स स्ट्रेट फायर में बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो जाएगी, तीनों प्लेयर्स को खो के रखा है। मैरियक्स यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अपने टीम की तरफ से, स्नाइपर का रोल प्ले करते हैं करेंगे। बट टीएजी दूसरी तरफ यहाँ पे मचाने का मौका मिल चुका है, चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे अलाइव होने वाले हैं। गाइस क्या लगता है आपको, कौन सी टीम यहाँ पे मचाएगी, कौन सी टीम यहाँ पे आगे बढ़ेगी? टीएजी के खाते में 3 किल से 4 प्लेयर्स अलाइव है, ये एक इनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बात है। बट संजीव जो टीम इनके सामने है गेट कीपिंग का मौका पा सकती है, एरो की टीम वो भी यहाँ पे हेल्दी नजर आ रही है। बिल्कुल देखना हो, हेल्दी नजर तो आने वाले, बट देखना होगा यहाँ पर एरो टी2 को नॉक करके रखा जाएगा। सिक्स टीएजी यहाँ पर बचाते हो आगे बढ़ेगा, जिया विहान के पास अगर नेड होता तो शायद से और भी कमाल की फाइट यहाँ पर देखने मिल जाती है। टीएजी आगे बढ़ेगी इसी के साथ, ओजस्वी यहाँ पर नेट स्लो करते नजर आने वाले, बाकी के प्लेयर्स बिल्कुल मौका यहाँ पर जोड़ेंगे, आगे बढ़ेगा बॉस का कवर डैमेज देते हुए बिल्कुल आपको नजर आते हैं। फाइनली एक नॉक निकाला जाएगा, आगे बढ़ेंगे सिक्स किल को कंफर्म करेगा, बॉस को तोड़ा जाएगा, आगे बढ़ेंगे 4 किल्स टीएजी यहाँ पर बचाएगी। विहान का बल्ले जज कर नॉक यहाँ पर करेंगे सिक्स, दो प्लेयर Legend and Vihan. I think रुकने वाली नहीं है, TSG full on try करेगी, आगे बढ़ते नजर आ जाएंगे। जस्सी फिर से एक और बार आन बान शान होने वाले NC के साथ साथ, क्या एलिमिनेशन यहाँ पर दे पाएगा जस्सी? जी हाँ, यहाँ पर रिवाइव दिया जाएगा, दोनों प्लेयर्स को जल्दी जल्दी रिवाइव मिलेगा, रेडी हो जाएंगे एक और बार फाइट लेने, क्या बूया यहाँ पर लेकर जा पाए, क्या आसान रहेगा। बट गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक साथ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर सेट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, फटाक से गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। TSG भी यहाँ पे रुकने रही है, 7 किल्स सुपर 10 के सिर्फ 3 किल्स दूर होने वाली। देखेंगे यहाँ पे सुपर 10 क्या कर पाएंगे, यहाँ पर एक तरफ आपको बता दूं गाइस 3 टीम्स अलाइव है, 9 प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद होने वाले। CRS डिवाइन भी अभी तक सर्वाइव कर रही है, 16 सर्वाइवर ऑन द राइट हैंड यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उनको यहाँ पे फिनिश ऑफ करके 8वां किल लिया जाएगा। CRS डिवाइन को भी यहाँ पे अगर पनिश करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे डबल डिजिट किल्स के साथ TSG के पास बूया देखने को मिलेगा। एक M79 यहाँ पे नजर आ रहा है शेरनी को, थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा एंगल लगा के M79 का इस्तेमाल करना होगा। बट स्नाइपर मैन आयुष यहाँ पे बिल्कुल 2 प्लेयर्स को धाराशाही करने में कामयाब हो जाएंगे, दो नहीं 1 प्लेयर को धाराशाही कर रहा है, बट दूसरा प्लेयर उनको रिवाइव जरूर दे देगा। TSG की तरफ से यहाँ पे कमाल का फायर पावर नजर आ रहा है, बट अगर M79 से बचना है तो क्लोज इन होकर यहाँ पे बैटल पिक करने की बात करेंगे। ओजस्वी की M87 एक रोटेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे लैंडमाइन लगा के रखा है, यानी कि पीछे से कोई अगर रोटेट करेगा तो लैंडमाइन से यहाँ पे धाराशाही किया जाएगा। एक कमाल का IQ पावर इतने ज्यादा प्रेशर में यहाँ पे कहना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी शानदार है, को एक आखिरी छटका लगाकर दूसरे स्थान के ऊपर एलिमिनेट कर देंगे। बट गाइस यहाँ पे कहना कि फाइनल बुया TSG कर लेगी गाइस, हैशटैग TSG ओपी बोलते हैं, TSG सबकी खोपड़ी खोलते हो जैसे विद 4 किल्स यहां पे MVP बन जाएंगे। तो गाइस TSG के फैंस एक्टिवेट हो जाएगा, उनके हैशटैग लगाएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। नीचे एक थम्स अप वाला बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना सपोर्ट दिखा दीजिएगा, राइट साइड में अपना रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर प्रेस करके आप चैनल का हिस्सा भी बन सकते हो। उसी के साइड में बेल नोटिफिकेशन बेल होगा जिसको उसको आप ऑल पे अगर सेट करते हो तो इन सारे टूर्नामेंट की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो गाइस देर किस बात की, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल हो जाने चाहिए, बिकॉज इतनी प्रभावशाली टूर्नामेंट गाइस अब यहाँ पे आखिरी दौर पर आ चुकी है। एक फाइनल रिजल्ट्स एंड आपका कैलकुलेशन यहाँ पे दिख जाना चाहिए, आपका काम यहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए। गाइस कैलकुलेट कीजिएगा, हमें बताएगा टॉप 3 में कौन कौन सी टीम रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैलकुलेशन शुरू। एंड जी हाँ, हम अपनी नजर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लगा के रखेंगे, अगर किसी के प्रेडिक्शन यहाँ पे एक्यूरेट नजर आते तो नाम के साथ हम उनको शाउट आउट देंगे।
यहाँ पर एक ही बात बोलना चाहूंगा, सर्वाइवर्स पहले मैच में बुए लेके गए, टोटल गेमिंग यहाँ पर लेकर गए, टीम लीड लेकर गए, बट टोटल गेमिंग के पास सर दो बुया से यहाँ पर निकल कर आए, टीएससी के पास भी दो बुया यहाँ पर निकल कर आए थे। और मैं कुछ प्लेयर्स का नाम लेना चाहूंगा जो आज के एमवीपी यहाँ पर बनने वाले जिया गए। सबसे पहले सर्वाइवर से हर्ष का नाम लेना चाहूंगा, बुया निकाला, एमवीपी आज बने, एंड टोटल गेमिंग ने दो बुया निकाले, दोनों बार यहाँ पर डिलीट एमवीपी यहाँ पर लेकर जाएंगे। इसी के साथ टीएससी का नाम लेना चाहूंगा, टीएससी से ओजस्वी यार दोनों मैच बुया करें, दोनों बार हमको एमवीपी होते हुए नजर आए। इसी के साथ गाइस बात करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक कैरी मिनाडी या गिल ज्वाइन नहीं किया तो यार जल्दी से जाइए, गिल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया और साथ साथ टूर्नामेंट का लिंक भी दिया गया है, मौका पाइए कैरी मिनाडी के साथ गेम खेलने का। तो गाइस बात करूंगा मंडे को टूर्नामेंट होने वाला, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स को भी बता दो फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्या आप लोग कैरी मिनाडी के साथ खेल पाओगे और आपको मौका मिलेगा, शाउट आउट मिलेगा, बहुत कुछ आज यहाँ पर मिलने वाला। तो गाइस अभी हम लोग चलना चाहेंगे हमारे मैप्स एंड बुया की तरफ, और चलते हैं यार सबसे पहले जानते हैं पहला बुया यहाँ पर निकाला बरमूडा मैप के अंदर हमारी फेवरेट टीम सर्वाइवर से। पहले मैच में तबाही मचा दी, बट परगेट्री यहाँ पर खुशियां लेकर आता टोटल गेमिंग के लिए जो कि शानदार डिलीट एमवीपी थे। एंड थर्ड मैप की बात करूंगा कालाहारी मैप जिसके अंदर टीम इलीट हमको यहाँ पर नजर आए, इस मैप के जो एमवीपी थे वो यहाँ पर आरडीपी थे टीम इलीट से, उसके बाद बरमूडा मैप आपको रिपीट होते नजर आता। तो गाइस यहाँ पर टीएससी से ओजस्वी एमवीपी बनेगा, बहुत ही शानदार फाइट, बहुत ही अच्छा बुया, टोटल गेमिंग एक और बार डिलीट हमको एमवीपी बनते हुए नजर आए। इसके बाद फाइनल मैच जो कि कालाहारी थे अपना नाम रोशन करने का, तो एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आपका वेट कर रहा है कैरी मिनाटी के गिल्ड में, यहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है। अगर उस टूर्नामेंट में आप रजिस्टर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में उनका लिंक पिन करके रखा है, फटाक से उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, गिल्ड ज्वाइन करो, अपने टीम को रजिस्टर करो, उस टूर्नामेंट में मंडे को होने वाला है। अगर उस मंडे वाले टूर्नामेंट में आप जीत हासिल करते हो तो कैरी मिनाडी खुद आपकी टीम को आप शाउट आउट देंगे, जी हां गाइस आपका नाम भी रोशन हो जाएगा, आपको मौका भी मिलेगा अपना गेम प्ले तराशने का। तो चलते हैं यहां पे हाइलाइट्स की तरफ, देखते हैं अपना गेम प्ले तराश कर अपनी सारी फेवरेट टीम्स ने कितना ज्यादा फैंस को खुश किया है। कमाल का हेडशॉट 82,000 की तरफ से यूएमपी की मदद से यहां पे देखने को मिला था, 82,000 फिर से एक बार नजर आए, इस बार ऑक के साथ हेडशॉट नजर आ रहे थे। जी हां गाइस हर एक प्लेयर यहां पे यार हर एक गन के साथ हेडशॉट मारने की काबिलियत रखते हैं, M87 इनकी बाहर आए एंड फिर से एक बार हल्का सा रेड नंबर नजर आया, बट गाइस 82,000 वोल्टेज के झटके दे रहे थे। एंड झटकों की बात करें तो पहाड़ी को कैसे भूल सकते, डबल स्नाइपर के साथ बहुत ही ज्यादा करारे शॉट नजर आ रहे थे अपनी क्रोनोशील एक्टिवेट करके, हर्ष जिसके बारे में संजीव आप बात कर रहे थे एमवीपी यहां पे नजर आ रहे थे, बिल्कुल एमवीपी बनते हुए नजर आते, बट यहाँ पर देखते थे मिल रहा ठीक है शी लगाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर एलिमिनेशन देते टीम ओपी का, यहाँ पर बात करना चाहूंगा आगे बढ़ेंगे पहाड़ी, जी हाँ गाइस हमको यहाँ पर देखने मिलते हैं एक के बाद एक नॉक यहाँ पर निकाला जा रहा है, उसके बाद विहान ने एक हेडशॉट यहाँ पर कनेक्ट किया, नॉक निकाला, गैलेक्सी रेसर को वापसी का रास्ता दिख रहा है, एंड फोर अननोन यहाँ पर मचाते हुए, एंड टोटल गेमिंग कोई मौका नहीं देना चाहती थी उनको। एंड उसके बाद ओजस्वी बिल्कुल यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेते, नौ क्या निकाल जाते हैं, इसी के साथ साथ वीआरसी ने फिनिश ऑफ किया टाइडेन को, एंड देखते देखते एक अच्छे खेल पॉइंट यहाँ पर लेते हुए उनको नजर आते, आरडीपी ने यहाँ पर ट्रॉ करा एंड फोर रन उनको एलिमिनेशन दिया, टीम लीड यहाँ पर बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए हमको आज यहाँ पर नजर आती है। सर्वाइवर्स को भी कहने की बैक टू लॉबी किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर हैकर का स्नाइपर शॉट एंड कनेक्ट होता है, नौ क्या निकालते यार आज बहुत ही शानदार फाइट्स यहाँ पर हमको देखने लिए मिली थी। एंड उज्जवल की बात करूँ तो वो भी नॉक निकालते हमको नजर आ, उसके बाद यहाँ पर देखते देखते थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, विजार्डो यहाँ पर आज स्नाइपर चलाते हमको नजर आते, कहने के कुछ ना कुछ चेंजेस आज यहाँ पर फोर अननोन में हमको देखने के लिए मिलते हैं। विजार्डो का स्नाइपर शॉट हेड शॉट यहाँ पर कनेक्ट होता है, टीएससी यहाँ पर बिल्कुल बुया के बहुत ही ज्यादा नजदीक, देखा था ओजस्वी यहाँ पर ऑलरेडी एमवीपी इस वक्त नहीं थे, बट जैसे उन्होंने 5 किल्स निकाले ना वो यहाँ पर एमवीपी का खिताब जीतने में हासिल रहे। जी बिल्कुल, फिर से एक बार ओजस्वी की बात किया तो M87 के साथ एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, दो प्लेयर्स को ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉक करके रखा था, आयुष यहाँ पे एंटर करे लेजेंड को यहाँ पे रिवाइव दिया, अपने टीम को लैंड एंड फाइट में जीत हासिल करके दी, बट यूजी ने उनका रास्ता यहाँ पे काटा, 6 किल्स खाते में जोड़ के बिल्कुल आगे बढ़ते हुए गैलेक्सी रेसर्स नजर आ रही थी। जिया गाइस वास्यो का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा शानदार था, आईक्यू लेवल कमाल का, प्रेजेंस ऑफ माइंड उससे भी ज्यादा कमाल का, कहीं ना कहीं पता था ग्लू और हाइट पर लगी है, नीचे से यहाँ पे प्रोन पोजिशन में गए, बॉडी के साथ एक कमाल का शॉट लगाया, नॉक निकाला, और बात की जाए आरडीपी की तो बिल्कुल एमवीपी बनते हुए नजर आ रहे थे। टोटल गेमिंग 4 किल्स यहाँ पे थे, 4 जेजे माफिया यहाँ पे अलाइव थे, बिल्कुल
हर एक संभव कोशिश की जा रही थी अपना रिवेंज यहां पे लेने की। फिर से एक बार ओजस्वी हाइलाइट्स में नजर आ रहे थे गाइस। बात करेंगे हम ओजस्वी के बारे में, कमाल का रोटेशन लिया, विहार ने भी कमी नहीं छोड़ी एंड हर एक बार हर एक मौके पर यहां पे कहना कि चौकी लगाने की कोशिश की। ओजस्वी ट्रिपल किल यहां पे करके बैठे थे हर बार गाइस। इनकी फाइट देखिएगा, ओजस्वी कहना कि एक कमाल के फ्रैगर नजर आते हैं, इनके किल्स इनके कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा नजर आते हैं। M87 इनके हाथों में लिटरली जस्ती है एंड जी हां संजीव हम बात करेंगे अगर रशर के हाथों में उनका फेवरेट वेपन आ जाए ना, यानी कि ओजस्वी के हाथों में एक बार M87 आ जाए वो चार चांद लगा देते हैं। बिल्कुल चार चांद लगा देते। तो गाइस आप लोग भी चार चांद लगा दीजिए अगर आपने अभी तक कैरी मिनाडी का गिल्ड ज्वाइन नहीं किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया गिल्ड का, टूर्नामेंट का चैट में भी पिन करके रखा है, फटाफट से जाइए ज्वाइन कीजिए टूर्नामेंट। बहुत सारा प्राइज पूल आपका इंतजार कर रहा है और साथ ही साथ कैरी मिनाडी के साथ खेलने का मौका बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलने वाले। और साथ ही साथ गाइस रिजल्ट्स भी अपने आज के चलते हैं, कौन सी टीम लेकर जाएगी पहला पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर होगी TSGRB। जी हां 81 पॉइंट्स उनके पास है एनिवल एंड सबसे ज्यादा आई थिंक किल पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया TSGRB ने, 39 किल पॉइंट्स यहां पर रहने वाले हैं। प्लेसमेंट पॉइंट 42 रहेंगे। सेकंड पर होने वाले टीम में लीड 79 पॉइंट्स यहां पर रहने वाले हैं। थर्ड पर टोटल गेमिंग 76 पॉइंट्स एंड सेम पॉइंट्स आई थिंक गैलेक्सी रेसर शेयर करेगी। जी बिल्कुल, बट संजीव अगर आप कैलकुलेशन देखिएगा तो गैलेक्सी रेसर्स के सबसे ज्यादा किल से इस पूरे टूर्नामेंट में 40 किल लगा के बैठे, हल्का सा प्लेसमेंट पॉइंट के ऊपर अगर फोकस रखा जाता तो फर्स्ट यहां पे बिल्कुल ऊपर जाते। जी हां फर्स्ट पोजीशन एक्वायर कर सकते थे 76 पॉइंट्स यहां पे कहना कि दोनों टीम के पास, बट टोटल गेमिंग ने बाजी मार ली। 46 प्लेसमेंट पॉइंट्स उनके पास थे। जी हां प्लेसमेंट पॉइंट्स की मदद से ही यहां पे कहना कि तीनों टीम कंट्रीब्यूट करेगी। जी हां गाइस एंड टॉप 3 का पोजीशन यहां पे बिल्कुल एक्वायर करेगी। कांग्रेचुलेशंस टू दिस टीम TSGRB टीम एलिट एंड टोटल गेमिंग। बट बाकी सारे टीम की बात करें, गैलेक्सी रेसर्स 4 अननोन, CRX डिवाइन, सर्वाइवर्स 4M, टाइटेनियम, UG एम्पायर, एरो स्पोर्ट, 2B गेमर एंड टीम ओपी। संजीव इन सारे टीम्स ने अपने फैंस को खुश करने की कोशिश की, बट कहना कि ये टॉप 3 टीम मचा के चली गई। बिल्कुल, बट प्राइस पूल होने वाला गाइस टॉप 4 टीम्स के लिए फर्स्ट को मिलेगा ₹6000 एंड सेकंड को ₹4000, फिर ₹3000 एंड ₹2000 यहां पर मिलेंगे। तो गाइस कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा इन चारों टीम्स को, बहुत ही शानदार गेम प्ले यहां पर देखने मिला। और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा अगर आप लोग भी खेलना चाहते तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर डाउनलोड कीजिए game.tv ऐप। हर दिन आप लोग बहुत सारे टूर्नामेंट से रिशे कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और साथ ही साथ गाइस हम लोग भी ऐसे टूर्नामेंट के साथ लगातार वापस आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।